बहुत ही पास आ चुका है वो कहते हैं ना मतलब ऐसा नहीं है कि uh, कुछ दिनों की दूरी पर है पेपर इज ऑलमोस्ट here एंड आज हम करने वाले हैं एक आखिरी revision पूरी की पूरी केमिस्ट्री की चाहे वो ग्यारहवीं की केमिस्ट्री हो बारहवीं की केमिस्ट्री हो आज आपको मैं सब कुछ केमिस्ट्री का रिवाइज कराने वाली हूँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल जितने भी ट्रेंड्स हैं जितने भी शॉर्टकट्स हैं जितने भी फॉर्मूला हैं जितनी भी नेम रिएक्शन है जितने भी रिएजेंट है मतलब केमिस्ट्री में जो कुछ भी आता है आज हम उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करने वाले हैं बट है। आज मैं जिस तरीके से आपको रिवाइज करने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है आज जो हम करेंगे दैट विल बी डन विद माइंड मैप्स तो मैं आपको दिखा देती हूँ कल से मैं इस सेशन के लिए मेहनत कर रही थी मतलब लिटरली मेरे पास ये सेशन ऐसा नहीं है कि बना बनाया था मैं पहली बार तुम्हारे साथ माइंड मैप मैराथन ले रही हूँ आई थिंक यूट्यूब पे कहीं भी माइंड मैप मैराथन आपके साथ किसी ने नहीं लिया केमिस्ट्री के लिए सो so, जब मैं ये सेशन को बना रही थी आज आपने आई थिंक शॉर्ट्स में भी देखा होगा है ना एक सेशन ये जो बन रहा था देखिए इसमें मैंने पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स के एक एक करके जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं सबके माइंड मैप्स आपके लिए रेडी कर दिए हैं तो मेरा काम 75 परसेंट हो चुका है 25 परसेंट काम मैं आज के सेशन में करने वाली हूँ ठीक है ये देख लो पूरा गो थ्रू कर लो और आज जो मेरे पढ़ाने का तरीका है ऐसा नहीं है कि हम पहले ऑर्गेनिक रिवाइज करेंगे फिर ऑर्गेनिक फिर आ, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल ऐसा नहीं सारे चैप्टर्स मिक्स करेंगे एनसीईआरटी में जिस तरीके से चैप्टर्स दे रखे हैं उस तरीके से हम सारी की सारी चीजों की रिवीजन करेंगे इससे होगा ये क्योंकि जब आप पेपर में क्वेश्चन करते हो ना तो आपके दिमाग को फटाक से शिफ्ट होना पड़ता है ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन एक साथ आएंगे सब मिक्स आता है तो आज के सेशन में कंप्लीट मिक्सचर तुम देख लो ग्यारहवीं बारहवीं सारे के सारे चैप्टर्स देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो तो सारे के सारे चैप्टर्स के माइंड मैप मैंने तुम्हारे लिए बना दिए हैं आज हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आप इन माइंड मैप्स को ना डाउनलोड भी कर लेना ठीक है मगर मैं हर बार कहती हूँ देखो तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट सबसे पहले सारे बच्चे एक एक नोटबुक और एक एक पेन लेकर आए आप में से कई बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है पेपर के टाइम पे कि जब एक क्वेश्चन सामने आता ना उस क्वेश्चन में करना क्या है उसको प्रोसीड कैसे करना है और क्या होता है ना कई बार जब हम पेपर में सवाल कर रहे होते हैं तो यहाँ तक चीज आती है मगर वो बाहर निकल के नहीं आती है ना ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि पता तो है कि करना क्या है बट वो हाथ चल नहीं रहा होता वो कहीं ना कहीं अटक रहा होता है कि मैम समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्लिक नहीं कर रहा तो आज ना आप बच्चों का एक टेस्ट होने वाला है यस यू हर्ड इट राइट आज हम एक टेस्ट करने वाले हैं मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिख दिए हैं आंसर्स आप मुझे बताओगे और जितनी जल्दी आप लिखोगे ना जितनी जल्दी ये राइटिंग प्रैक्टिस होगी पेपर में उतना फायदा मिलेगा क्योंकि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में बैठे होते हो जहां पर आपके आपके रैंडम क्वेश्चंस 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 आते आते हैं कई कई आपके सामने आते हैं कई कई नोन अननोन सामने तो जो फर्स्ट क्लिक होता है ना दिमाग में कि अच्छा ये करना है ये फॉर्मूला है ये ट्रिक थी ये शॉर्टकट था जैसे ही वो क्लिक करेगा मतलब पेपर में अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा क्वेश्चन ढंग से हो जाएंगे निकाल लो ठीक है निकाल लो भैया निकाल लो लेक्चर का टाइम भाई साहब मतलब मैं ना मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ ठीक है कि हम देखो दिन रात लगे रहते हैं बट मैंने लिटरली इस सेशन में बहुत टाइम आपके आपके लिए स्पेंड किया है क्योंकि हर चैप्टर का जो क्रक्स होता है ना उसको मैंने यहाँ लिख दिया है और आज का सेशन हम स्लो स्पीड पे नहीं करेंगे आज का सेशन फास्ट होगा रैपिड होगा क्योंकि जितनी जल्दी आप चीजों को रिवाइज करेंगे पेपर में उतनी जल्दी चीजें क्लिक होंगी ठीक है सो so, एक बार सेशन में फटाक से लाइक्स बढ़ जाने चाहिए ठीक है ना सेशन में लाइक्स बढ़ जाने चाहिए भाई हम तो देखो ऑथेंटिक काम करते हैं ऑथेंटिक लाइक्स और ऑथेंटिक लाइव से हम काम करते हैं फटाक से एक बार सेशन में लाइक बढ़ जाने चाहिए एंड प्राउडली मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि खूब सारे आज हमारे पास सेशन में आ जाने चाहिए ठीक है ना हमें किसी को प्रूव करने तो सारे सारे नोटबुक ले ली या एक मिनट का समय दू नोटबुक ले आओ. फटाक से नोटबुक ले नोटबुक ले नोटबुक ले क्योंकि आज नोटबुक रफ नोटबुक कुछ भी देखो कोई भी जो भी आगे पीछे भाई साहब देख रहे हो तुम्हारे सेशनों से पहले हम भी काफ़ी काम कर रहे होते हैं तो कोई भी एक नोटबुक ले आओ और फटाख से स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए माइंड मैप बनाने नहीं है ये सारे के सारे माइंड मैप मैं तुम्हें दे दूंगी जैसे ही सेशन खत्म होगा वोरा क्लासेस की ऐप को आप डाउनलोड करना जिनके पास नहीं है जिनके पास डाउनलोडेड है बहुत ही बढ़िया उसके बाद वहां पर फ्री कोर्सेज का सेक्शन आएगा फ्री कोर्सेज में जाओगे वहां पर इस सेशन का लिंक भी होगा और आप डायरेक्टली वहां से ऐप से भी सेशन देखा करो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है जैसे कि आपको पता है यूट्यूब पे घड़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है तो ऐप से देखते हो तो डिस्ट्रैक्शन कम होती है कॉन्स्टेंटली बस एक ही चीज़ आपको नज़र आ रही होती है ठीक है क्लास चल रही है वहां पर नोट्स भी डाल दूंगी नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना जितने बच्चे है ना अभी पेपर दे रहे हैं ये तो जेनविनली काम आएगा आगे चलकर भी आपको ये चीजें जेन्यनली बहुत काम आने वाली है सो आज का सेशन एकदम बढ़िया होने वाला है सबसे पहला चैप्टर जिस पे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है मोल और आज के सेशन में से आपके पेपर में बहुत सारे डायरेक्ट सवाल आएंगे देखो केमिस्ट्री के जिस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं उनमें से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं और जो बहुत डायरेक्ट होते हैं अगर फॉर्मूला पता है ट्रिक पता है ठीक है शॉर्टकट पता है रिएजेंट का नाम पता है नेम रिएक्शन पता है तो फटाक से आंसर आ जाते हैं और पेपर में सुन लो तुम्हें कोई सारे के सारे क्वेश्चंस करके नहीं आने हर बच्चा सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकता सबसे पहले आपको वो फिगर आउट करना होता है कि भैया ये क्वेश्चन मुझे आता है इसको तो मैं निपटाऊं पहले आसान क्वेश्चन को कैटा करके कंप्लीट करना होता है और आसान फिर टफ फिर टफेस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन को पेपर में बनाओगे सबसे पहले आसान को राउंड वन में बना लो उसके बाद राउंड टू में थोड़े से टफ क्वेश्चंस को बनाओ और राउंड थ्री में जो सुपर टफ क्वेश्चंस है उनको बनाओगे तो आज के सेशन से ना आपके आसान तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे जो सिंपल मतलब मीडियम लेवल के टफ आते हैं वो भी डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के टफ सवाल आते हैं उनके लिए तो देखो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसा नहीं होता कि एग्जाम के दो दिन पहले आप एकदम टफेस्ट टुम सवाल है ना वन शॉट में सीख लो उसके लिए जेन्यनली आपको काफी टाइम तक मेहनत करनी पड़ती है चलिए सामने देखिए फटाफट से चैट्स में आंसर आना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है क्विक नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोस नंबर याद आ गया और अगर पूछू नंबर ऑफ एटम्स तो फॉर्मूला क्या होगा गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय अटोमी सिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को कोई तुमसे पूछे सुक्रोस ठीक है ना सी uh, सुक्रोस को छोड़ो ग्लूकोज ले लो सी सिक्स एच ट्वेल्व उसमें तुम्हें कोई दे दे कि इसका मोलर मास है एक्स और आपके पास इसका गिवन मास है लेटर से वाई आप मुझे इसमें हाइड्रोजन के एटम निकाल के दिखाओ केवल हाइड्रोजन के तो क्या करना है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास एवोगेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बाय मल्टीप्लाइडी अगर हाइड्रोजन के आइटम्सिटी तो क्या लेनी है चमक गया आगे आइडियल गैस का क्या फॉर्मूला PV इज इक्वल टू एनआरटी सारे बच्चों को यह चीज अच्छे से रटी हुई है नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस के लिए कैसे निकालते हैं फॉर्मूला सिखाया था कितना वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा है डिवाइडेड बाय 22.4 चमका मगर ये फॉर्मूला केवल और केवल किसके लिए लगाते हैं आइडियल गैस के लिए एट एसटीपी कंडीशन यहां से सवाल पेपर में आएगा और जिसने गलती करी ना पानी के लिए है ना या किसी सॉलिड के लिए ये फार्मूला यूज नहीं करना दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर आइडियल गैस एट एसटीपी कंडीशन चमक रहा है सबको अंडरस्टूड यस आगे देखिए एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला का शॉर्टकट बता रही हूँ बस इतना दिमाग में रखोगे सवाल बन जाएगा आपको कुछ परसेंटेज दे रखी होगी जैसे परसेंटेज हाइड्रोजन की कार्बन की ऑक्सीजन की जो भी परसेंटेज दी है उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे जो भी परसेंटेज दी है मोलर मास से डिवाइड करेंगे गलती नंबर वन बहुत बच्चे हाइड्रोजन का मोलर मास टू ले लेते हैं कृपया करके गलती मत करना हाइड्रोजन मतलब वन ग्राम पर मोल मोलर मास वन आ गया अब कुछ रेशो आ जाएगा मान लो वन पॉइंट थ्री वन आया टू पॉइंट थ्री वन आया सिक्स पॉइंट थ्री वन कुछ भी रेशो आ गया अब जो इसमें से सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड करेंगे चमक गया इसमें से जो भी सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करो अब जो यहां पर नंबर आएंगे वो फाइनली आपके रेशो आ जाएंगे मान लो यहां पे आ गया वन यहां पर आ गया वन पॉइंट फाइव यहां पर आ गया फॉर एग्जाम्पल थ्री कुछ भी जो भी एक्स वाई सी नंबर आता है फिर आप लेंगे एच वन सी वन पॉइंट फाइव ओ थ्री मगर वन पॉइंट फाइव लिख नहीं सकते इसीलिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एच टू सी थ्री ओ सिक्स ये सिर्फ हाइपोथेटिकल केस कराया था क्या था हाइपोथेटिकल केस ये नहीं कि ये कौन सा मैम कंपाउंड हो गया हाइपोथेटिकल केस है चमक गया सबको डन है आज सेशन कितने बजे तक चलेगा जितनी जल्दी तुम रिवाइज करोगे चीजों को उतनी जल्दी सेशन खत्म होगा मैंने तो सारे चैप्टर्स लिख, लिख लिया एनसीआरटी के सारे के सारे चैप्टर्स की रिविजन आज हम करेंगे भैया देख लो खूब मेहनत करिए मैम ने सेशन बनाने के लिए और जितने सारे चैप्टर्स हमारे पास बुक में है सारे के सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज करा दूंगी मगर तुम्हें फटाफट करना पड़ेगा देखो मेरे को तो ये चीजें मुंह जबानी रटी पड़ी है सब सब रटा हुआ है मतलब इतनी बार पढ़ा दिया कि ये चीजें तुम मैं गहरी नींद में एक सपना भी देख ली होंगी ना तुम ऐसे उठाओगे मैम 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 फॉर्मूला बता दो तो भी बता दूंगी अब इतनी परफेक्शन तुम्हें आनी चाहिए तुम्हारे अंदर इतनी तगड़ी परफेक्शन आ जाएगी तो काम बन जाएगा चमक गया ठीक है आगे देखिए ठीक है जी एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यहां पर आया है आइडियल गैस के लिए अगर मुझे डेंसिटी वाला फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको पता ही है डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम है ना ये याद है सबको या रिवाइज वो करा दूं डेरिवेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाय आरटी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं है ना हमारे प्रधानमंत्री आरटी ऑफिस जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं है ना श्री नरेंद्र मोदी वो भी उनको भी आर ऑफिस जाना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तो इस तरीके से डेंसिटी का फॉर्मूला भी सब बच्चे दिमाग में ठूस सकते हैं तो पहला पन्ना हमारे नोट्स का कंप्लीट हो चुका है नोट्स का दूसरा पन्ना जिस स्पीड से मैं समझाऊंगी मैं चाहती हूँ उससे ज्यादा स्पीड से आप अपने नोट्स में लिखें कंसंट्रेशन टर्म्स हमने सीखनी है सबसे पहले हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज मास बाय मास इसका मतलब होता है ऊपर आता है सोल्यूट का मास जो कि किस में आएगा ग्राम्स में नीचे आएगा किसका मास सोल्यूशन का सोल्यूशन का मास भी किस में आएगा ग्राम्स में मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से परसेंटेज एम बाई वी ऊपर आएगा सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट जो कि आएगा ग्राम्स में नीचे आएगा वी वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा मिलीलीटर में याद रखना मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड परसेंटेज वी बाई वी ऊपर आएगा वॉल्यूम किसका सोल्यूट का मिलीलीटर में नीचे आएगा वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का चमक रही है ना चीजें ये भी आएगा मिलीलीटर में मल्टीप्लाई कर देना हंड्रेड से चमक गया मोलारिटी मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का याद रखना लीटर में मोलिटी नंबर ऑफ मोल्स किसके सॉल्यूट के बाय मास किसका याद रखना सॉल्वेंट का और सॉल्वेंट का मास किस में लोगे के में एक बात ध्यान से सुनना सुनना ये जो मोलैरिटी होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब जैसे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम पे वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी मगर मोलैलिटी में ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मास है तो ये क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते हैं आपको पता है कई बार डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पेपर में आते हैं तो वो यही छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे सवाल बनते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का उसके नंबर ऑफ मोल्स आज जैसे ऊपर उठ के लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने सोचा जगह बच्चों की बच बच्च जानी चाहिए है ना जितना मतलब मैं एक स्लाइड में लिख सकती हूँ लिखू क्योंकि जब आप डाउनलोड करके प्रिंट भी लोगे तो भी मतलब इतना भी मुझे एक स्लाइड में नहीं ठूसना कि फिर कुछ समझ ही ना आए लिखा क्या है तो ठीक ठाक सुंदर सुंदर से हम लिखेंगे ठीक है ना तो मोल फ्रैक्शन एन ए बाय प्लस एन बी और जो सम्रैक्शन होते हैं चाहे एक का चाहे दो का चाहे तीन का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे वन चमक गया गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस सब आपको पढ़ाया जाएगा चिंता नहीं करें कुछ भी नहीं छोड़ूंगी सब पढ़ा दूंगी अच्छा ये हटा लेती हूँ समझ आ गया ना सबको ये हटा लेते हैं फिर जब तुम बाद में वो करोगे ना डाउनलोड करके लिखोगे फिर ऐसे कन्फ्यूजन ना हो जाए यहाँ पे चमक गया ना ये बस एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया था आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गया डाने आगे देखो और एक और काम कर लो चलो बढ़िया है एक काम और कर लो यहाँ पर ना ये क्या हो गया भैया हाँ कार्बन में ठीक है बढ़िया है सब बढ़िया चलो तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर ये यह हो गया भैया अगले टॉपिक पे आते हैं स्टोशियोमिट्री सुपर इंपॉर्टेंट पेपर में जेनविनली सवाल आता है मान लो मेरे पास है टू ए प्लस थ्री बी टू फॉर्म फोर सी प्लस थ्री डी आपको ये चमकता है ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारा रामलीला कॉन्सेप्ट लगता है रामलीला कॉन्सेप्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है और जिससे वो बनेगा फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा राम है तो ये मेरा लीला है मतलब अगर मुझसे ए और सी के बारे में पूछा है तो हम कहेंगे राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम इसका मतलब इसका मतलब टू मोल ए से सी कितना बनेगा, चार मौल. एक मौल से कितना बनेगा? दो मोल और जितने भी मोल दे रखे हैं एक्स मोल से कितना बन जाएगा टू एक्स मोल एक तो इस तरीके के सवाल आते हैं ध्यान वहां देना होता है जहां आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए लिमिटिंग रिएजेंट में मैं सेम रिएक्शन लेती हूँ C प्लस फोर टाइम्स D ये एक रिएक्शन है मैंने कहा मान लो इसके तीन मोल दे रखे हैं ठीक है मान लो इसके कितने दे रखे हैं छह मोल इसके दे रखे हैं हमें लेटर से पंद्रह मोल और मैं तुमसे पूछ रही हूँ D बताओ कितना बनेगा जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन होते हैं दिमाग में बल्ब चमकना चाहिए ये वीसी का बल्ब चमकना चाहिए कि मैम लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करना है अब इसका शॉर्टकट जो मैंने सिखाया था जो भी इनिशियल मोल्स होते हैं उसको स्ट्रोशोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो यहाँ इनिशियल मोल छः बाय दो कितने तीन यहाँ पंद्रह बाय तीन ये कितना पाँच तो जिसके इनिशियल मोल्स कम मतलब ये जो इनिशियल मोल्स बाय रेश स्ट्रोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो जिसके लिए वो कम है वो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट वो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट चमकता है अब ध्यान से देखो डी कैसे निकालेंगे तो ये मेरा राम और ये मेरी क्या है लीला ये राम तो ये लीला मूवी देखी है ना सबने और नहीं देखी कोई बात नहीं राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में भैया दुनिया का क्या काम आगे देखो तो टू ए से डी कितना बन रहा है चार एक से कितना बनेगा दो और दिया कितना था छे से कितना बनेगा छ इंटू दो बारह मेरी बात सुनो इतना सिंपल करने के बाद भी बच्चा गलती करता है गलती पता है क्या होती है गलती ये होती है कि आप ये ले लेते कई बच्चे इस सवाल का आंसर दे देते हैं भैया ये जो प्रोसेस कराया था ना दोबारा देख लो ये जो प्रोसेस कराया था यह सिर्फ इसलिए कराया था ताकि आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सको इनिशियल मोल्स मोल बाइ स्टोशोमेट्रिक कोई दो आंसर तीन फिर पंद्रह तीन आंसर पांच ये पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट है उसके बाद इसको कट कर दिया करो ताकि इसमें कंफ्यूज मत हो दोबारा बोल रही हूँ पेपर के दिन कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं ठीक है चमक गए आगे देखो अब मैं बात करती हूं अगले टॉपिक की जिसका नाम है परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन परसेंटेज यील्ड का मतलब सिंपल सी बात है परसेंटेज यील्ड का मतलब है कि जो ऑब्जर्व अमाउंट आपका जो ऑब्जर्व अमाउंट हो रहा है जितना क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय एक्चुअल अमाउंट जिसको आप अमाउंट अमाउंट बोलते हैं बाय अब इसका भी शॉर्टकट सुन लो Observed amount मतलब जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा दिस विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन और थियोरेटिकल अमाउंट किससे निकालते हैं थियोरेटिकल अमाउंट निकालते हैं रामलीला कॉन्सेप्ट से किससे निकालेंगे रामलीला कॉन्सेप्ट से चमका सबको अच्छे से देखो इन इस रिविजन का फायदा यह है ताकि मेरे लिखने से पहले तुम्हारे दिमाग में बल्ब चमकना चाहिए ये ये बेस्टम बेस्ट एम बेस्ट चीज होती है रिविजन के लिए मैं बताती हूँ मेरे पास एक ऑप्शन था वो ऑप्शन ये कि मैं ये सारा कुछ लिख के ना भाई मेरे को लगभग तीन चार घंटे लगे तुम्हारी फाइल बनाने में ठीक है मुझे लगे तीन चार घंटे क्योंकि मैं हर चैप्टर की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको लिख रही थी मुझे लगा इतना टाइम अब मेरे तीन चार घंटे और लगते कि मैं ये सारी चीजें भी तुम्हें लिख के दे देती और सीधा पीडीएफ शेयर कर देती ये ले बच्चे पीडीएफ इसको आराम से देख ले तो मुझे आज का ये छे सात घंटे का सेशन लेने की जरूरत ही ना पड़ती है ना तुम्हारे लिए भी आसान था मेरे लिए भी आसान था बट मैंने वो नहीं किया इसका रीजन है जब तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा होता है ना तो तुम्हें समझ आ जाता है तुम्हें चमक जाता है वाह मगर पेपर में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा पेपर में जब भी सवाल आएगा पेपर में जब भी आपका सवाल आएगा तो मान लो ये लिखा हुआ होगा ये क्लिक करना चाहिए जब नोट्स तुम्हारे सामने खुले होते हैं ना तो चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हें याद होती बट जब नोट्स नहीं खुले होते ना वो क्लिक, वो जो क्लिक क्लिक जो होना चाहिए ना बस स्ट्राइक कर गया मैम अच्छा ये करना था जैसे ये क्वेश्चन जो आया इस क्वेश्चन में जिसको स्ट्राइक कर गया ना अच्छा ये करना था ये, ये स्ट्राइक कर रहा तुम्हारे दिमाग में ना वो पिक्चर बन रही होनी चाहिए अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आया है जो भी अमाउंट गिवन है वो जो ऑब्जर्व अमाउंट है जो मुझे रामलीला कॉन्सेप्ट से निकालनी वो मेरी थ्योरेटिकल अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड अगर ये प्लानर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना तो तुमसे सवाल बन जाएगा मगर अगर खाली नोट्स देख के तुम्हें सब आता है यार आज ये सेशन लेने का मकसद ये नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें ये फील कराऊं कि तुम्हें आता है नहीं मकसद ये है कि सही टाइम पे सही चीज फटाक से क्लिक करनी चाहिए चमक गया ठीक है चलो तो पूरे के पूरे अच्छा एक और चीज ऐड कर लो वो यहाँ पर रह गई है वो मैं लिख देती हूँ ठीक है यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे तीर मार के लिख दो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इसके बहुत सारे सवाल तुमने प्रैक्टिस करे हैं जिन्होंने नहीं करे सिर्फ पीओएसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना ये भी सवाल आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मतलब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड पे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम इन द प्रोडक्ट साइड

इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे इन टू अटोमिस कितनी है तीन चमक गया तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए चमका सो so ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये आई थिंक सबको क्लियर है ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं लिख रही हूँ ये हटा देती हूँ सो दैट तुम्हारे नोट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाए अब ये भी हटा देती हूँ समझ तो तुम गए ही हो बस मैं ये छोटे छोटे ना ये चीजें हटाती जाती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो बाद में तुम्हारे नोट्स खराब हो जाए तो आई रियली वॉन्ट की सबके नोट जो है साफ सुथरे रहे तो आप क्या करना इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाय सिर्फ इतना ही लिखते हैं काम काम की चीजें लिखते हैं ताकि आगे भी आपके काम आ सके ये नहीं कि घिचमिच हो जाए तो काम ना आए चमक गया सबको ये था हमारे पूरे चैप्टर फर्स्ट की कंप्लीशन पूरा चैप्टर वन मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब तुमने रिवाइज कर लिए इन्हीं में से मैक्सिमम सवाल बनेंगे बस इन्हीं के थोड़े से हाई लेवल या लो लेवल होते हैं मगर थ्योरी इत, इतनी ही पूछी जाएगी पहला चैप्टर हो चुका है तो भाई कौन से कलर से लिखा है ग्रीन तो ग्रीन और वाइट कलर के हार्ट्स चार्ट्स में आ जाने चाहिए फिर अगले चैप्टर पर चलते हैं ठीक है चलो 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 जल्दी से ऑर्गेनिक करेंगे इनऑर्गेनिक करेंगे सब कुछ करेंगे ग्रीन कलर के हार्ट्स आ जाएं भाई आज मैंने फिर से ब्रेकफास्ट नहीं किया ठीक है टाइम नहीं मिला मतलब लिटरली टाइम नहीं मिला पहले नक्श का स्कूल था तो उसको मैंने फटाक से उठाया कि भाई तू स्कूल जा अब उसके स्कूल वाले कह रहे हैं इनका कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन आ गया अब उसका ड्राइंग आ जाता तो पहले मुझे उठ उस, उठ के ना उसको ड्रॉइंग की प्रैक्टिस करानी होती है हाय राम तुम कितने वो हो गए हो प्यार नहीं करते क्या मैम से बस यही मोहब्बत यही प्यार मैम से भी और केमिस्ट्री से भी हाँ और सेशन को लाइक क्यों नहीं किया केम सेशन को लाइक नहीं करते करो भैया करो चलो एक सरप्राइज तो सरप्राइज चाहिए मुझे ना चार्ज मतलब कमेंट्स में आज बता देना आज तो देखो पूरी थियोरी रिवाइज कर रही हूँ पूरी पूरी एटले पूरी रिवाइज करा रही हूँ थियोरी इसके बाद क्या करना है वो तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे ठीक है व्हाट नेक्स्ट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन मुझे पता है तुम क्या चाहते हो बट फिर भी मुझे कमेंट्स में बता देना प्लानिंग तो मैम ने कर रखी भैया अब का समय आ चुका है चैप्टर नंबर no. से स्टार्ट हो जाते हैं जिसका नाम है अटोमिक स्ट्रक्चर सुंदर सुंदर नोट्स बनेंगे आज के नोट्स एकदम ब्यूटीफुल होंगे और ना ये मत करना कि नोट्स अपने पास रख लिए किसी भी दोस्त को देनी हो ना दे देना दिल खोल के देना ठीक है ना भाई जब ऑनेस्टली काम कर रहे हो ना तो दिल खोल के सबको दिया करो खुश हो जाओगे सारे दुनिया भी खुश होगी तुम भी खुश होगे ये नोट्स प्लीज सबके साथ शेयर करना सेशन तो जिसने देखना है वो देखेगा मगर नोट्स अपने हर दुनिया के फ्रेंड के साथ शेयर कर देना उसका भी भला हो जाएगा तुम्हारे साथ साथ चलिए भाई सेकेंड चैप्टर आ चुका है अटोमिक स्ट्रक्चर एस टी आर यू सी टी यू आर ई अब ध्यान से देखना स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में सबसे पहले जो हमारे सब अटोमिक पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन इनका आपको चार्ज पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्टू दीपा माइनस नाइनटीन कुलम माइनस में प्रोटॉन पे चार्ज आ जाएगा प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्टोदीपा माइनस नाइनटीन कुलम न्यूट्रॉन पे चार्ज है कूलम मैक्सिमम टाइम्स डेटा पेपर में गिवन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेस्दीपा माइनस थर्टी वन के जी प्रोटोन का मास वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस्टोदीपा माइनस ट्वेंटी सेवन के जी न्यूट्रॉन का मास प्रोटोन से सिमिलर होता है माइनस ट्वेंटी सेवन के जी अब देखो मैं तुम्हें फर्क बताती हूँ ये मैंने लिख रखा था तुम में से किसी ने अपनी नोटबुक में नहीं लिखा ये मैंने नहीं लिख रखा था और तुमने है ना जब मैं बोल रही थी लिखो तो तुमने लिखा भी होगा इसीलिए तभी कह रही हूं कि इन चीजों को लिखो जितना लिखोगे ना पेपर में उतनी जल्दी हेल्प होगी आगे देखो ई एम वेवस की पूरी कहानी बता देती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जिनका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये पता है अब आपको पता है ई एम वेव्स कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं कोई भी वेव ये इसका एम्पलीट्यूड है अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट दो क्रेस्टों के बीच का डिस्टेंस इज लैमडा जिसको हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग थ्रू वन पर्टिकुलर पॉइंट इन वन सेकेंड उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अब आपको यह पता है कि जितनी भी ई एम होती है दे ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट तो यहाँ पे इक्वेशन आती है सी इज इक्वल टू न्यू लैमडा एक होता है number, एक होता है वेव नंबर जिसका फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू वन बाई लैमडा ये चमक रहा है सबको ये फटाक से आना चाहिए आगे देखिए अब अगर मैं बात करती हूँ प्लैंग्स क्वांटम थियोरी की तो प्लैक्स क्वांटम थियोरी ये कहती है जैसे मैंने प्लैक्स क्वांटम थ्योरी बोला ना तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर छपनी चाहिए प्लैंग्स क्वांटम थियोरी मतलब मैम जो एनर्जी uh, होती है ना इट 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 गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी और जो छोटा सा पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसकी एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ई इज इक्वल टू एच इन टू न्यू ये है एक क्वांटम की एनर्जी एक क्वांटम की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू और अगर मुझे एन क्वांटम क्यू यू एन क्वांटम को प्लूरल uh, में क्या बोल देते हैं हरे रंग का हटा देते हैं चलो ये नहीं हटेगा ई इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू इंटू इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू सी बाई चमक रहा है अब ध्यान से अब भाई आपका जो क्वांटा होता है उसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि उसके लिखो वैल्यूज नोटबुक में लिखो वन ईवी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1 10 दिपा, -19 1 कितना होता है जूल वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्टोदीपा माइनस नाइनटीन जूल जिसको ये चमका नहीं है भैया तुम पेपर में करोगे कांड पेपर में गंदे सिंपल सवाल भी गलत हो जाते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें नहीं चमकती आगे बेस्ट एम बेस्ट इस पूरी स्लाइड का बेस्ट अगर एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और डायरेक्टली वेवलेंथ गिवन है दो तरीके हैं या तो लिखो

अगर मुझे निकालना है एनर्जी इन ईवी और मुझे वेवलेंथ लेंथ की बनाए फॉर्मूला क्या था फटैक्स से दो फॉर्मूला हैं जल्दी से लिखो पहला वन टू फोर जीरो बाय वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में दे रखी है दूसरा फॉर्मूला वन टू फोर डबल जीरो बाई वेव अगर एंगस्ट्रॉम में आई प्रोमिस यू अगर पेपर में यह सवाल आता ना तुम मुझे दिल से दुआ दोगे क्योंकि इससे बहुत टाइम सेव होता है और तुम्हें अच्छा लगेगा यार मजा आ गया ये दोनों फॉर्मूले आपको एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने की हेल्प करते हैं अगर मुझे किसी भी वेव की एनर्जी निकालनी है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसे ही चैटों में आंसर आते जाने चाहिए मेरे लिखने से पहले मेरे बोलने से पहले अगर आंसर आएगा इसका मतलब पेपर में भी वो क्लिक करेगा मेरे लिखने के बाद चमक रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया चमक गए आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब बच्चों को पता है फटैक से बोल देती हूँ एक मेटल की प्लेट है उस पर लाइट डाली है ना जब हमने लाइट डाली ये जो लाइट है एचन न्यू की इसको निकलने के लिए चप्पल एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कईयों के लिए है ना थ्रेश होल्ड एनर्जी मम्मी की चप्पल होती है कईयों के लिए किसी की डांट होती है समझ रहे हो कईयों के लिए कुछ भी गलत हो रहा हो उसके है ना उसको सहन नहीं कर पाते हैं उनकी वो थ्रेश होल्ड अचीव हो जाती है तुम समझ समझे गयो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ तो देखो ये आया इसने इसको एनर्जी दी और ये फटाक से निकल गया कहने का मतलब एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम हो जाएगी ये लिख सकते हैं एच सी बाई लैमडा माइनस एच सी बाई लैमडा नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हाफ इंटू एम इन वी स्क्वायर अब इसी को कई लोग लिखते हैं एनर्जी जो आई माइनस इसको फाइन नॉट फाइन नॉट को हम कई बार बोल देते हैं वर्क फंक्शन कई बार इसी की जगह e माइनस डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू नॉट भी क्या है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चमक गया सबको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है आगे देखो अब बोर्स अटोमिक थियोरी बोर्स अटोमिक थियोरी अटोमिक जब लिखने लगी थी तो वी लिख दिया गलती से बोर्स अटोमिक थियोरी सबसे पहले तो ये कहती है सुपर सिंपल ये तो जानते हो सेंटर में न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमता है इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है ठीक है जो स्टेशनरी ऑर्बिट सबसे पहली चीज बोर्स अटोमिक थ्योरी में जो ऑर्बिट होती है वो स्टेशनरी होती है एस टी ए टी आई ओ एन आर वाई स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब कि भैया जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो ना तो अपनी एनर्जी रिलीज करता है ना एनर्जी गेन करता है जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करनी होती है या गेन करनी होती है तो उसका ट्रांजिशन होता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट uh, से लेके दूसरी ऑर्बिट में सुपर इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट जो तुम याद रखोगे जो भूलोगे नहीं वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई कुछ भी हो सकती है मगर इट कैन नॉट बी एंड सो ऑन गया कतई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बोर्स अटोमिक थियोरी से डेरिवेशन के बाद निकलते हैं मेरे लिखने से पहले फॉर्मूला आने चाहिए और यहां से चार नंबर का सवाल बनता है मेरे लिखने से पहले फटाक से तुम्हारे नोटबुक में लिख जाने चाहिए Rn Z, Angstrom. Angstrom लिखना है नहीं लिख रहे हो तो तुम पेपर में फंसोगे मैं तुम्हें सीधा बताती हूँ कई लोग ये मानते हैं ठीक है कई लोगों को यह भ्रम है कि पेपर बहुत टफ आता है मैं दोबारा बोलती हूँ पेपर मुश्किल नहीं होता मगर जब ये छोटी सी चीज क्लिक नहीं करती ना हमारे दिमाग में तो हमारा बात हुई रही मुझे सब आता है ना सब आता मैंने कहा सब पढ़ा था कैरी सब पढ़ा था मैंने कहा सब कुछ आता कहरी सब कुछ आता पूछ लो मैंने कहा चलो बताओ रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला फॉर्मूला तो बता दिया लड़की ने पॉइंट इंटू एन स्क्वाड यूनिट उसने पता क्या बोला फोन पे मैंने कहा चलो बच्चे रेडियस ऑफ एनेथ ऑर्बिट का फोन आ, वो बताओ फार्मूला कैरी पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड मीटर पर सेकेंड मैंने कहा दोबारा बताओ कैरी पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वर बाइ जेड मीटर पर सेकेंड मैंने कहा पक्का सही बोल रहा कैरी हाँ मैंने कहा लिखियो एक बार ठीक है मैंने कहा लिखो कैरी रुको मैम पेन पेपर ले आती हूँ मैंने कहा ले आओ लिखा ना फिर मैंने कहा ध्यान से देखो कुछ गलती तो नहीं की कैरी नहीं मैंने कहा रेडियस के यूनिट मीटर पर सेकंड कब से हो गई होगी ना गलती यही गलती पेपर में होती है बट हमें चमकती नहीं हमें लगता है यार छोटी मोटी है। का नोट्स में आ जाना चाहिए चमक जाना चाहिए कि Z नीचे गलती कर दो एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाय एन बहुत इंपॉर्टेंट है ईवी पर एटम और एक और सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टोटल एनर्जी जो है दैट दैट इज इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एनर्जी पोटेंशियल बाय अब मैं ना एक क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना चाहूंगी तुम्हारे पेपर के लिए ये पेपर में आएगा ठीक है सवाल ये होगा आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है कहेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ अब बच्चा सोचता है हमारी टीचर ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं बताया बताया है आपको ये तो बताया एनर्जी टोटल एनर्जी निकाल ली टोटल एनर्जी को टू से मतलब टोटल एनर्जी एनर्जी को से मल्टीप्लाई कर देना दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कुछ साल पहले प्रीवियस ईयर में काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी ठीक है क्या था करना क्या था टोटल एनर्जी निकाल के उसके आगे नेगेटिव चिपका देते तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी आ जाती ये सुपर इंपॉर्टेंट है यहां से डायरेक्ट सवाल बनते हैं आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फटैक्स से क्लिक करना चाहिए क्या था फॉर्मुला न्यू बार बाय बाय लोअर ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस वन बाय हाइयर ऑर्बिट का स्क्वायर याद रखो ये अधूरा फॉर्मूला है जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई जरूर करना है दूसरी चीज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए लगता है जैसे कि हाइड्रोजन ही प्लस लिथियम पे टू प्लस एंड सोन so वहां पर जेड से मल्टीप्लाई करना आवश्यक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास है लाइमन बामर पाश्चन देन वी हैव ब्रैकेट एंड वी हैव फंड सीरीज लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड आगे सुनो लाइमन में लोअर ऑर्बिट कौन सी होती है वन हायर ऑर्बिट कौन सी होती है टू थ्री फोर बामर में लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट क्या हो सकती है थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन में थ्री यहां होगी फोर फाइव सिक्स एंड ऑन भैया नहीं आओ यहां होगी फोर यहां होगी फाइव सिक्स एंड ऑन अब ये नहीं कि पेपर में लाइमन बामर का सवाल आया वो लाइनें बना के देख रहे हैं टाइम पास नहीं करना पेपर में फंड सेवन एट सो ऑन चमक गया ठीक है अगला डी वेवलेंथ डी वेवलेंथ क्या कहता है कि अगर एक पार्टिकल है तो वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वो वेव की तरह भी बिहेव करता है ड्यूअल नेचर वाली बात हो गई कह रहा है वेव भी दोनों वेव का भी दोनों ने इलेक्ट्रॉन का जैसे कह रहा है दोनों नेचर होते हैं पार्टिकल भी वेव भी तो डी ब्रॉगली सबसे पहला फॉर्मूला तो अप। और ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको क्या याद दिलाता है कि साक्षी मैम को स्केल पढ़ा था याद आ रहा है मुझे स्केल पड़ा था याद आया फॉर्मूला लिखो स्केल वाला स्केल वाला फॉर्मूला लिखो जल्दी किस किस को पता मैम को स्केल पड़ा था जल्दी 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 अच्छा शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट भी बता देती हूँ स्केल पड़ा था लैमडा इज ए चंडर उन्टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी जिनको नहीं पता मैम को स्केल पड़ा था बचपन में इस फॉर्मूला की वजह से कभी स्टोरी बाद में सुनाऊंगी अभी नहीं ये फॉर्मूला तब चिपकाना है अगर उसने आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है या किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी पूछा बताओ उसका उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है कई बार आपको क्या देता है कहानी पढ़ने के बाद क्या है? अगर आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जिसपे चार्ज है ई e, और उसको वी वोल्टेज से हमने धक्का मारा अब बताओ अब वी वोल्टेज से आप धक्का मारो उसपे चार्ज था चार्ज पार्टिकल को आप किसी वोल्टेज से धक्का मारोगे तो उसके अंदर कानीटिक एनर्जी आ जाएगी जिसका फॉर्मूला है ईवी और आपसे पूछा जाए उसके वेवलेंथ निकालो भैया इनसे बाहर सवाल नहीं बनता ऐसे ही सवाल बनते हैं चमक गया सबको आई नो आई नो हाँ अब एक लास्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैं बताती क्यों लिख रही हूँ पेपर में कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कह रहे मैम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई अभी सीखा था एम वी आर इज एन एच बाई टू पाई वो यहाँ भूल जाते हैं यहाँ टू पाई आएगा या फोर पाई आएगा यहां भूल जाते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि भैया एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल याद रखना ये केवल केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही वैलिड है कह रहा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो भी एरर इन पोजीशन आता है मल्टीप्लाइड बाय एरर इन मोमेंटम उसकी वैल्यू एच बाई फोर पाई से ज्यादा होगी तो मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो इक्वल टू लगा देना चमक गया अच्छा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में कई बच्चों का सवाल आ रहा है मैम मान लो ये पूछा जाए कि लाइमन की सेकंड लाइन बताओ कोई पूछे लाइमन की सेकंड लाइन मैंने कहा लाइमन फर्स्ट लाइन कहां से होगी टू सेवन सेकेंड लाइन कहां से होगी थ्री टू वन बस ये चमकना चाहिए अपने आप सवाल बन जाएगा कोई पूछे कि ना एक काम करो यहां से एक रास्ता निकालते हैं कोई पूछे रहे बामर की बामर की मिनिमम वेवलेंथ वाली एनर्जी निकालो मिनिमम वेवलेंथ वाली ट्रांजिशन निकालो मिनिमम वेवलेंथ वाली ट्रांजिशन कैसे सोचोगे मैं सोचूंगी अगर वेवलेंथ छोटी है मैम ने सिखाया था E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा वेवलेंथ छोटी है तो एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी से आएगा बामर पे आएगा मतलब इन्फिनिटी टू टू ये चमकना चाहिए जितनी जल्दी ये चमकेगा उतनी जल्दी आंसर आएंगे चमक गया ठीक है चलो अब कोई कहे कि मैम

इसी स्लाइड में से मैक्सिमम चांसेस है सवाल आने के ज्यादा नहीं पूछते हैं उनको भी पता है यार टफ टॉपिक है और उससे सिंपल सवाल बनते हैं पेपर में पहले भी ऐसे ही सवाल बने गए हैं आगे भी ऐसे ही बनेंगे सबसे पहले साई साई क्या होता है वेव फंक्शन साई क्या होता है वेव फंक्शन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता नो फिजिकल सिग्निफिकेंस अब देखो साई साई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स वाई जी अब साई को आप आर थीटा फाइव में कन्वर्ट करते हैं याद है ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं नहीं पूछेगा साई का स्क्वायर कर दो ये क्या बताता है ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैंने समझाया हुआ है अपने प्रीवियस सेशंस में जिनको नहीं आता अभी के लिए तो भाई याद रख लो पेपर के लिए है ना दो दिन पहले तुम ये नहीं कह सकते कि समझाने बैठो वो टफ है ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और अगर साइज स्क्वायर को वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है ये है प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे आप नहीं कह सकते कि यही है इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं राधर देन एग्जैक्ट पोजिशन तो अगर हाइजन और क्वांटम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को मिलाओ तो हमारे पास क्वांटम थियोरी रेडी हो जाती है फिर आपकी जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है क्या पेपर में आएगी नहीं आएगी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलते हैं उनको कहते हैं क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स हमारे पास चार होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजी क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर चलो तो मैं टेस्ट पूछती हूँ जल्दी से बताओ एल का नाम क्या है एल का नाम क्या है ये बताओ एल का नाम बताओ एल का एल के क्या क्या नाम होते हैं लिखो 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 ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है एजी म्यूथल क्वांटम नंबर यह है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह है स्पिन क्वांटम नंबर एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं दूसरा नाम बताओ इसका दूसरा नाम जो पेपर में आता है इसको इसको बताओ तुम बताओगे मैं नहीं लिखूंगी जल्दी बताओ क्या बोलते हैं एजी म्यूथल वेरी गुड सब्सिडरी क्वांटम नंबर इसको सबसीडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं यह कंफ्यूज नहीं होना पेपर में आता है अच्छा

मगर ना जब वो पूछता है ना वट आर प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एस दिस सब्सिडरी चमकता क्योंकि वो याद ही नहीं था समझ रहे हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि या तो आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है या आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ है एक क्वेश्चन नोट से आना जायज है किसी ना किसी के पेपर में तो आएगा ही नोट्स क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स होते हैं हमारे एन माइनस वन जिसमें से एंगुलर नोड्स होते हैं एल और रेडियल या स्फेरिकल अब ये भी याद रखना रेडियल का दूसरा नाम है स्फेरिकल तो इनका N -L -1. अगर मेरे लिखने से पहले तुम ये चीजें लिख पा रहे हो तो भैया तो तुम्हारे पेपर में सही नंबर बनेंगे अगर मेरे लिखने के बाद तुम्हें चमक रहा है तो तुम्हें इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को रिवाइज करना जरूरी है आज तुम्हें क्लियर कट चीज समझ जाएगी ठीक है कितने घंटे की क्लास चलेगी भाई तुम समझ लो मेरे को नहीं पता मैं कितने देर में एक चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ तुम्हारे सामने दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है मैं इससे ज्यादा स्पीड से कैसे बोलूँ मतलब मैं सांस भी बीच में नहीं ले रही हूँ जितनी जल्दी जल्दी हो सकता है पढ़ा रही हूँ इससे स्पीड से देखो मैं और नहीं बोल सकती ये मैक्सिमम है अरे अर निशान सर वो कहता पानी तो दे दो hmm. पानी तो दे देते सर भूल भूलिए बताओ मैं पता है सुबह फटाक से ऑफिस आई मैंने तुम्हें बोला नक्श को रेडी करके लेट हो गया आज थोड़ा मुझे फटाक से ऑफिस आई फिर तुम्हारी स्लाइड ही लिख रही थी तो ना से सुबह कुछ खाया ना पिया ठीक है मैंने सोचा ऑफिस आऊंगी पानी पी लूंगी तो बाहर गई तो वो जो पानी वाला डब्बा है ना उसमें पानी नहीं था तब भी रह गया अब बड़ी प्यास लग रही है चलो ग्राफ से रिलेटेड सवाल आएगा ग्राफ से रिलेटेड सवाल सुन लो एक है आर आर वर्सेज आर का ग्राफ एक है आर स्क्वाज आर, आर का ग्राफ एक है पी आर वर्सेज आर का ग्राफ आर आर मतलब रेडियल वेव फंक्शन आर आर को क्या बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन मेरे लिखने से पहले चमकना चाहिए अगर एस ऑर्बाइटल है अगर एस ऑर्बाइटल है तो ग्राफ कहां से शुरू होगा जल्दी से बताओ एस ऑर्बाइटल है तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा पी डी एफ ऑर्बाइटल है तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा आर स्क्वायर का ग्राफ एस का ग्राफ ऊपर से पी डी एफ का ग्राफ नीचे से और यहां पर चाहे आप एस हो पी हो डी हो एफ हो सबका ग्राफ नीचे से शुरू होगा जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी बार नोड्स मतलब मान लो ग्राफ ने एक बार x एक्सिस को दो बार x एक्सिस को टच किया उतने नोड आएंगे जितनी बार और ये वाला ग्राफ केवल ऊपर ही रहेगा और हाइट पीक की डिक्रीज होगी यहां पर पीक की हाइट इंक्रीज होती जाएगी चमक गया थैंक यू सो मच सर ठीक है एक बार मैं पानी पी लू वेरी गुड मेरे बोलने से पहले हाँ पानी पी लू सर को कहा ले आओ सर ले आए ठीक है मेरे बोलने से पहले ग्राफ चमकना चाहिए चलो जब तक मैं पानी पी रही हूँ तुम थ्री क्वेश्चन लिखो नोटबुक में थ्री एस का ग्राफ फोर पी का ग्राफ और थ्री डी का ग्राफ बनाओ थ्री एस के लिए बनाओगे आर आर वर्सेज आर का थ्री पी फोर पी के लिए बनाओगे आर स्क्वायर आर और थ्री डी के लिए बनाओगे इसका जल्दी से तीनों के ग्राफ बनाओ क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगा बहुत तेज प्यास लग रही है पूरी बॉटल एक टाइम में हमने घटक लिया इतनी तेज प्यास लग रही थी तुम देख रहे हो बन गया बहुत ही बढ़िया ठीक है बहुत ही बढ़िया चलो तो यहां तक हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हमने एक एक चीज कंप्लीट कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबको अच्छे से चमक गया है अब तुम कहो अच्छा मैं ग्राफ की प्रैक्टिस करा दू थ्री एस का ग्राफ बनाना ये हटा दूंगी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रही हूँ थ्री का ग्राफ बनाना है तो पहले रेडियल नोड निकालो क्या निकालोगे रेडियल नोड ने मुझे कहा आर आर, आर का ग्राफ बनाओ मैंने कहा रेडियल नोड मतलब थ्री तो मतलब एस का ग्राफ है तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा एक बार ऐसे आएगा एक बार ऐसे एन सोवन ये प्लस माइनस प्लस इसको नोड नहीं गिनना ये टच नहीं करता ऐसे चलता जाएगा इसको टच नहीं कराना जमा गया चलो अब मान लो कोई मुझे कहे कि ना आर स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर आर का ग्राफ बनाओ कोई मुझे कहे आर स्क्वायर आर का ग्राफ बनाओ आर स्क्वायर आर आर स्क्वायर आर का ग्राफ बनाओ थ्री पी के लिए मैंने कहा को कोई बात नहीं एन माइन एन माइनस एल माइनस वन थ्री माइनस वन माइनस वन थ्री में से टू गया कितना आया वन तो एक बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा क्योंकि पी के लिए बना रही हूं और मुझे स्क्वायर बनाना है थ्री पी का ग्राफ बना रही हूँ ना तो नीचे से शुरू होगा स्क्वायर का बनाना तो एक बार ऐसे आएगा फिर नीचे आएगा प्लस प्लस चमक गया तो so, इस तरीके से आप सारे के सारे ग्राफ जो है बना सकते हैं तो भैया हमारे को चैट्स में ना पानी की ओपी हो रहा था ना पानी ओपी तो ब्लू कलर के हार्ट आ जाने चाहिए ब्लू हार्ट शुड बी ओपी इन द चैट ठीक है उसके बाद हम आगे चालू करेंगे अपना तीसरा चैप्टर देखो आज ना एन में जो ऑर्डर दे रखा है मैं उसी में पढ़ा रही हूँ मतलब पहले हम मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रियोर्डिक केमिकल बॉन्डिंग ऐसे थर्मो थर्मोकेमिस्ट्री इक्विलिब्रियम आइनिक इक्विलिब्रियम रिडॉक्स इस तरीके से चलेंगे ताकि ऑर्गेनिक भी रिवाइज हो जाए इनऑर्गेनिक भी रिवाइज हो जाए फिजिकल भी रिवाइज हो जाए और बीच में ऐसे वो नहीं आनी चाहिए यार बोर हो गए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ गए सब कुछ सेम 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 ठीक है और और ब्लू कलर के हाथ्स और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटाक से लाइक कर दो और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो मैम को अच्छा लगेगा तुम्हें पता ही आजकल क्या चल रहा है दीन दुनिया में है ना सच्चे लोगों को तो ऐसे दबा दिया जाता है तो भाई सच्चे लोगों का साथ बच्चे ही देते हैं है ना हमें ज़्यादा बोलना आता नहीं एक ही चीज़ को मैं दस बार बोल के है ना पागल नहीं बना सकती बच्चों को चलो भाई तो फटाक से है ना मैम के साथ सपोर्ट बना रहना चाहिए क्योंकि सच कभी झुकता नहीं है सच कड़वा ज़रूर होता है ठीक है मगर हाँ जी सच ना तो छुपता है और झूठ को सौ बार बोलने से झूठ सच में नहीं बदल जाता आज ना सही बात है यार। चलिए अपने तीसरे चैप्टर पे आ जाते हैं तीसरे चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज। भैया इनऑर्गेनिक अब तुम सुन लो प्रियोडिक और पी ब्लॉक दोनों ही एक साथ रिवाइज करेंगे क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पी ब्लॉक में एज सच कुछ ज्यादा तुमसे इस बार पूछा जाने वाला है नहीं मतलब अब मैं पी ब्लॉक को डिटेल तीन घंटे नहीं लगा सकती ऑलरेडी मैंने लगाए थे बट अब पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही जो रूल्स होते हैं ना अफबाउस प्रिंसिपल अफबाउज प्रिंसिपल क्या कहता है ये एनर्जी के लेवल्स डिसाइड करता है अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो वो एन प्लस एल के अकॉर्डिंग निकालते हैं और अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो हम केवल एन रूल का यूज करते हैं तो ये कहता है कि जिसका एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा और अगर कभी भी एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए याद है ना तो जिसका एन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा यहां पर एक नया वर्ड आता है जिसको कहते हैं डी और वाइट डी जनरेट ऑरबाइटल उनको बोलते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है सेम एनर्जी वाले ऑर्बाइटल को बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बाइटल जैसे कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये सारी ही डी जनरेट और बाइटल सबको पता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ठीक है जो भी चार क्वांटम नंबर होंगे एन एल एम और एस जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसके सेम टू सेम चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते एन सेम हो जाएगा एल भी सेम हो सकता है एम भी सेम हो सकता है मगर कम से कम कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर तो है जो डिफरेंट होना चाहिए नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द फोर वैल्यूज ऑफ मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द सेम क्वांटम नंबर्स दोनों दो इलेक्ट्रॉन दो के सेम टू सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते अब ये इंपॉर्टेंट है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बहुत कम लोग तुम्हें बारी बारी डिटेल में बोलते हैं बट मैं दोबारा बोलूंगी यहां से सिंपल मगर कॉम सिंपल मगर एट द सेम टाइम कंफ्यूजिंग सवाल आता है हंड रूल मैक्सिम मल्टीप्लिसिटी का ये कहता है कि अगर तुम्हें तीन इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो तुम तीन इलेक्ट्रॉन को भरोगे विद द सेम स्पिन सेम स्पिन होने चाहिए मगर हाफ फिल करोगे ये नहीं कि मैम ये ठीक है ये गलत है क्योंकि हंड रूल कहता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आनी चाहिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं टू इंटू सिगमा एस प्लस वन ये हैल्टीप्लिसिटी यहाँ सारे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू वन बाई टू ठीक है और ये कितना है टू यहाँ पे प्लस वन कर दो तो ये यह यहां से गया यहाँ से गया थ्री प्लस वन फोर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है फोर यहां करोगे तो स्पिन कितना आ जाएगा हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ ये गया कितना आ गया हाफ टू एस प्लस वन करो टू इंटू हाफ प्लस वन इसका आंसर आ जाएगा टू तो जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है रूल कहते है कि उसको पहले प्रायोरिटी दोगे ये बेकार है चमक गया आगे देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता है अगर किसी स्पीशीज में अनपेयर्ड पैरा एम एजी पैरा मैग्नेटिक मतलब अगर किसी स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा मैग्नेटिक अगर किसी स्पीशीज में डाया मैग्नेटिक अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड ऐसी स्पीशीज डाया मैग्नेटिक कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो आगे चल के डी एंड एफ ब्लॉक में काम आती है मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं ये अभी सिखा रही हूं ताकि डी ब्लॉक में दोबारा ना रिपीट करना पड़े मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन बोहर मैग्नेटॉन मेरे को बोअर नहीं बोलना आता ज्यादा अब ये ये कहता है कि अगर एन की वैल्यू वन है एन क्या है एन है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गलती नहीं करनी है अगर एन की वैल्यू वन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा वन पॉइंट समथिंग एन की वैल्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी टू पॉइंट समथिंग एन की वैल्यू थ्री मैं अरे बी एम लिख दिया मैग्नेटिक मोमेंट लिखना था ना मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा वन मैग्नेटिक मोमेंट टू पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट कितना थ्री पॉइंट समथिंग क्या आगे समथिंग याद करना है, नहीं करना पेपर में डायरेक्टली हो जाएगा एन की वैल्यू फोर मैग्नेटिकटॉइंट समथिंग एन की वैल्यू पांच आ रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के भी देखना चाहो अंडर रूट फाइव इंटू फाइव प्लस टू यानी कि अंडर रूट ऑफ थर्टी फाइव और पता है सिक्स सिक्स जो थर्टी सिक्स होता है तो आंसर आ जाएगा फाइव पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन सबको चमक गया पहला पन्ना सबको क्लियर है बढ़िया आगे देखो प्रियोडिक प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सवाल आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ओ टू माइनस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आठ और दो दस अब कई बच्चे इसको सोलह और दो अठारह गिन लेते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन के अटोमिक नंबर की जगह अटोमिक मास गिन लिया गलत मत करना जैसे अब यहाँ पे हो गया एन पे थ्री माइनस सात और तीन दस एन ए पे प्लस ग्यारह में से एक गया दस इस तरीके से और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ आठ है यहाँ सात हैं यहाँ कितने हो गए ग्यारह तो ये बात सब जानते हैं कि अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो उस स्पीशीज का साइज छोटा हो जाएगा अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करती हूँ ऐसा सवाल पेपर में आता है ट्रेंड्स की बात करती हूँ सबसे पहले रेडियस पे आते हैं पीरियड का एक पीरियड में रेडियस कैसे चेंज होता है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज छोटा होता है क्यों क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अलग अलग तरीकों के सवालों में अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं तो आपको पता है लीथियम बड़ा फिर बेरिलियम फिर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जबकि न्योन का साइज बड़ा होता है क्योंकि न्योन के लिए हम वेंडर वॉल रेडियस डिस्कस करते हैं ये छोटी चीज़ें मगर मोटी मोटी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर थर्टीन का साइज का ऑर्डर सबको अच्छे से चमकना चाहिए मुझे पता है आपको पता है कि गैलियम एक एक्सेप्शन होता है मगर ओवरऑल ट्रेंड आना जरूरी है बोरॉन सबसे छोटा फिर गैलियम फिर एल्यूमिनियम फिर इंडियम फिर थैलियम नीचे जाते हुए साइज बढ़ेगा मगर गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है ग्रुप नंबर थर्टीन का ट्रेंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको सिखाया था हैश टैग बोटग्राफ बोट वाला ग्राफ मैंने आप सब बच्चों को सिखाया हुआ है graph, scandium बड़ा है फिर क्रोमियम स्कैंडियम सरस्वती तेरी वंदना करे साइज छोटा 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 होगा फिर मैंगनीज का साइज एकदम से ऊपर उछल जाता है मैंगनीज का एक एक्सेप्शन होता है साइज बड़ा हो जाता है अगर मैं अटोमिक रेडियस की मेटेलिक रेडियस की बात करूं फिर आ, म, सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं आयन कोबाल्ट निकल का साइज लगभग लगभग सेम होता है कुछ जाने कॉपर से निकल से कॉपर साइज बढ़ेगा कॉपर से जिंक साइज बढ़ेगा तो ग्राफ सबको चमकना चाहिए मैंगनीज एक्सेप्शन होता है ये भी चमकना चाहिए आगे अगर मैं बात करती हूँ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये चीज़ पता है कि मैम जब हम लेंथनम की बात करते हैं अटोमिक नंबर फिफ्टी सेवन तो यहाँ के जो हमारे चौदह एलिमेंट्स होते हैं इन चौदह एलिमेंट्स के अंदर है भरना शुरू हो जाता है। और ये ये जो 4F और के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं जिसकी से तेजी से बढ़ जाता है। तो अगर मैं और हैफनियम के बीच की बात करूं तो साइज तेजी से डिक्रीज होता चमक रहा है सबको ये सारी चीजें मुझे है तुम्हें आती है ठीक है आती है तुम्हें

अगर आज मेरे बोलने से पहले नहीं चमक रहा मतलब तुम पेपर में भी दस बार सोचोगे फोर एफ की वजह से या थ्री डी की वजह से या फोर पी की वजह से या फाइव डी की वजह से ये नहीं करना फोर एफ मतलब चमकना चाहिए क्विक चमकना चाहिए ठीक है आगे देखिए प्रियोटिक प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की तुम्हें पता है जब हम लेफ्ट से राइट right जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ एक्सेप्शन आते हैं एक्सेप्शन कहाँ पर आते हैं मैंने सिखाया था हैश एक तो होता है पड़ोसी इफेक्ट

फील्ड का इफेक्ट ये याद है सबको अब मेरे बोलने से पहले ये सीक्वेंस तुम लिखोगे अगर अभी भी नहीं लिख पा रहे हो तो दोबारा से सेशन को देखो यही सवाल पेपर में आएंगे बट तुम अगर अभी सीक्वेंस नहीं लिख पा रहे हो तो जिस दिन पेपर के टाइम पे जब सेम क्वेश्चन आएगा ना तुमको नहीं चमकता वैसे क्या होता है हमारे पास लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन न्योन लेफ्ट से राइट वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए मगर मुझे पता है बेरीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ एस और वाइटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है मेरे ख्याल से ये ऑर्डर सबको चमक गया है जिनको नहीं चमका वापिस से लिखो जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ भी पेपर में चमकेगा नहीं वेरी गुड आगे पेपर से डरो मत जितने बच्चे तीन दिन दो दिन बाद के पेपर से डर रहे ना मैं तुम्हें बता देती हूँ पेपर कोई हवा नहीं है तुमने दो दो सालों में ग्यारहवीं बारहवीं में जितना पढ़ा है ना उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा और केमिस्ट्री के पेपर से बिल्कुल डरना नहीं है तो अगर तुम डर गए तुम समझ रहे हो दुनिया में तुम्हें डराने वाले दबाने वाले झुकाने वाले हजारों लोग हैं कोई नहीं चाहता तुम ऊपर उठो ठीक है मगर अगर तुमने सोच रखा है ना कि मैं करके दिखाऊंगा तुमने मेहनत करी और अगर तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास है तो भाई साहब कोई पेपर ही क्यों ना आ जाए तुम उसको फोड़ दोगे पेपर क्या तुम खुद ही देख रहे हो लाइफ में कितने स्ट्रगल होता है कोई क्यों ना आ जाए तुम उसको है ना गिरा दोगे और आगे बढ़ोगे अगर तुमने खुद मेहनत करी है अगर तुम मेहनती हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता दोबारा कह रही हूं अपने ऊपर डरो मत विश्वास रखो तुम कर जाओगे अब मैं ग्रुप नंबर थर्टीन बताना जरा आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर थर्टीन का ऑर्डर मेरे बोलने से पहले ऑर्डर याद आना चाहिए जल्दी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर थर्टीन का ऑर्डर क्विक

फिर आएगा गैलियम फिर आएगा एल्यूमिनियम लास्ट में आएगा इंडियम ये आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप नंबर थर्टीन की वेरी गुड ये याद आना चाहिए जितनी जल्दी याद आएगा काम बनेगा ग्रुप नंबर में आप सबको याद है कार्बन की ज्यादा फिर सिलिकॉन जर्मेनियम मगर लेड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर फोर एफ इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं ग्रुप नंबर फिफ्टीन में जैसे जैसे डी ब्लॉक से दूर जाओगे पंगे कम हो जाएंगे नाइट्रोजन ज्यादा फिर फॉस्फोरस आर्सेनिक सब भारत से पीछे कोई एक्सेप्शन नहीं है नॉर्मल ट्रेंड था अब मैं बात करती हूँ दो और चीजों की एक है इनर्ट पेर इफेक्ट इनर्ट पेर इफेक्ट ये कहता है जैसे बाल और गाल करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल मुझे बताओ इनर्ट पेर इफेक्ट किस पीरियड पे लगता है जल्दी मेरे बोलने से पहले आंसर आना चाहिए इनर्ट पेर इफेक्ट किस पीरियड पे लगता है इनर्ट पेर इफेक्ट लगता है केवल और केवल सिक्स पीरियड पे किसी और पीरियड पे लगाया तो थपड़ आएगा मुंह पे फ्लाइंग थप्पड़ समझ रहे हो आ जाएगा बोरॉन को कहो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है प्लस थ्री एल्यूमिनियम कह रहा है प्लस थ्री गैलियम कह रहा है प्लस वन भी ठीक है प्लस थ्री भी ठीक है मगर प्लस थ्री स्टेबल है इंडियम कह रहा है प्लस वन ठीक है प्लस थ्री ठीक है मगर प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है थैलियम कह रहा है मैं केवल केवल प्लस वन में ही रहना चाहूंगा प्लस थ्री मेरे को पसंद नहीं है अगर मैं पूछू थैलियम प्लस वन और गैलियम प्लस वन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा so आंसर आना चाहिए थैलियम प्लस वन मैं पूछू गैलियम प्लस थ्री और इंडियम प्लस थ्री में से ज्यादा स्टेबल कौन गैलियम प्लस क्योंकि नीचे जाते हुए हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एन इलेक्ट्रॉन गेन एन थेलेपी ये कहता है कि अगर एक गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके ए माइनस गैशियस बनाता है तो जितना भी एनर्जी या तो रिक्वायर्ड होगा या रिलीज होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलेपी ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है ज्यादा है अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन देने से उसको बीच में आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है नेगेटिव ये चमक रहा है अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है मतलब वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड क्या है पॉजिटिव यहां पर अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एनर्जी रिलीज होगी प्रोसेस क्या होगा एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है नेगेटिव ये मेरे बोलने से पहले अगर चीजें चमक रही हैं तो बढ़िया है ठीक है मेरे बोलने से पहले ये चीजें चमकनी चाहिए ठीक है आगे देखो प्रियोडिक प्रॉपर्टीज की अगली स्लाइड है अगर मैं इलेक्ट्रॉन भाई साहब अब बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 15 ये तीन चीजों में से कोई ना कोई एक चीज तुम्हारे पेपर में आएगी ग्रुप 15 16 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर फिफ्टीन में तुम्हें पता है कि सारे ही हाफ फिल्ड होते हैं मगर जो छोटे एटम्स होते हैं नाइट्रोजन ये अपनी हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन को लेके बहुत ईगो में रहता है बहुत एटीट्यूड में रहता है जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा इनका हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन का जो घमंड होता है वो टूटता जाता है तो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी ग्रुप नंबर फिफ्टीन की है नाइट्रोजन की कम फिर फॉस्फरस आर्सैनिक और फिर एंटीमनी लास्ट में बिस्मथ ग्रुप नंबर सिक्सटीन में सब बच्चे जानते हैं ये ये हर एक को पता है ना कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एन फ्लोरीन से ज्यादा है सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है बट दोबारा दोबारा बोल रही हूँ पूरा ट्रेंड पता होना चाहिए ऑक्सीजन जाके गिरता है सबसे लास्ट में सल्फर सिलीनियम टिल्यूरियम और ऑक्सीजन चमक रहा है जबकि फ्लोरीन जाके गिरता है क्लोरीन के बाद क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तुम्हारे पेपर में सेम ट्रेंड पूछा जाएगा एंड यू विल थैंक मी दैट डे ठीक है डन आगे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ग्रुप नंबर देखो पी ब्लॉक में बहुत सारे ट्रेंड्स हैं ग्रुप नंबर में में हर एक में बहुत ट्रेंड्स हैं मगर कुछ ऐसे ट्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेनुअनली पेपर में आने के चांसेस रखते हैं वो तुम्हारे इन शॉर्ट नोट्स में माइंड मैप्स में आ गए ग्रुप नंबर थर्टीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर है बोरॉन एल्यूमिनियम देखो याद आ रहा है कि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा थी मगर एलुमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम से कम है फिर नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एक तो एक्सेप्शन तो एक आपका यहां पर आता है याद रखना है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा फिर सिलिकॉन जर्मेनियम टीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर और लेड की ज्यादा तो मतलब पहला कार्बन फिर लेड फिर सिलिकॉन जर्मेनियम और टीन ये ओवरऑल ऑर्डर आने चाहिए इसके बाद बात करते हैं ऑक्साइड्स की हमारे पास चार तरीके के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक बेसिक न्यूट्रल और एम्फोटेरिक मेरे बोलने से पहले सबके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए एसिडिक ऑक्साइड मतलब जितने भी हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं सिखाया था ना नॉन मेटल के ऑक्साइड आर एसिडिक ठीक है ना चलिए हमारे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो है एसिडिक नरेंद्र मोदी ऑन ऑस्ट्रेलिया ट्रिप आजकल बोलना चाहिए अयोध्या ट्रिप ठीक है बेसिक क्या थे मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं इनका भी शॉर्टकट सिखाया था एमओ न्यूट्रल ऑक्साइड तीन न्यूट्रल ऑक्साइड हैं जल्दी से लिख दो हस नो मरो हंसोगे नहीं तो मर जाओगे हंसना मतलब एन लाफिंग गैस नो मतलब नो no. मरो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एम्फोटेरिक की ट्रिक आपको सिखाई थी क्या थी एम्फोटेरिक की ट्रिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उनके होते हैं जो ये मेटल्स मैंने यहाँ लिखे हैं uh, इसमें एक लड़का था अली हमने उसको बोला जिंदा हो बे अली अगर तुम जिंदा हो तो सुनाओ गाना एक गाना सुनाओ जिंदा हो बे अली एक गाना सुनाओ कुरकुरे सब आसान वाले सब आसान वाले जो कुरकुरे होते हैं ना कुरकुरे मतलब सी आर थ्री प्लस सब मतलब एस बी थ्री प्लस आसान मतलब ए एस थ्री प्लस वाले मतलब वेनेडियम प्लस फाइव याद रखना वेनेडियम प्लस फाइव का जो ऑक्साइड होता है वी टू ओ फाइव वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में कुरकुरे सब आसान वालों को पत्थर मारो पत्थर मतलब लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है मारो का मतलब है कि कोई भी मेटल अगर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो जनरली एम्फोटेरिक नेचर में फॉल करता है ये था हमारे एम्फोटेरिक की ट्रिक अब एक लास्ट चीज बता देती हूँ ये सबसे पहले बतानी चाहिए थी मगर मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी सबसे पहला है प्रियोडिक प्रॉपर्टीज में आयुपेक नॉमिन क्लेचर यह सबको आता है बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लो मान लो मुझे 111 का नाम रखना है तो जीरो मतलब नील वन मतलब अन बाई ट्राई hex पेंट में बच्चा गलती करता है सेप्ट ऑक्टो में पता है नाइन में गलती करते हो एन अन में ग, जीरो में गलती करते हो नील और अन में गलती करते हो क्योंकि मोनो हमें मोनो पढ़ने की आदत है मगर यहाँ पे है अन तो वन 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 का नाम क्या हो जाएगा अन, अन, अन लास्ट में लगाते हैं ई एम यू 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 चमक गया एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन भी एलिमेंट चलो मेरे को बताओ। जल्दी बताओ, कहां से बताओ तेज थे एक्टिनाइड्स इनको बोलने के चक्कर में ना स्पेलिंग भूल जाती हूँ आपको सबसे पहले किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पूछी जाए तो आप क्या लिखते हो पहले तो आप वो लिख लेते हो नोबल गैस नोबल uh, नोबल जो गैसेस होती है उनका एटॉमिक नंबर आपको पता है टू टेन एटीन थर्टी सिक्स याद आ रहा है नीचे वाले वन वन एट ग्रुप नंबर एटीन का होता है वन वन सेवन ग्रुप नंबर सेवनटीन वन वन सिक्स वन वन फाइव वन वन फोर ये शॉर्टकट पता ना लास्ट के दो इनका ग्रुप नंबर बताते हैं अब माल एक्टिन का नंबर बोलो लेंथ है नम फिफ्टी सेवन होता है 58 से 71 वेरी गुड 58 टू 71 नम खुद 57 होता है नीचे वाले जो होते हैं सिर पर नाड़ी पिमसिम के यूं गड़ी तब दिए होंगे तुमने इंजीनियर यंग भास्कर करके लुटेरे ये आना चाहिए पूरी पीरियोडिक टेबल आती है सबको आती है एक बार मेरे साथ बोल लो हैलीना की रूबी कैसल से फरार बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए बाल और गाल करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल है ना फिर कैसी गई सन्यास लेने पहुंची पब में नाइट्रोजन आर्सेनिक सब भारत से पीछे उससे टेपो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एट दिस वेन्यू फिर कल बार आएगी हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने यार जरा नॉन बॉन्डिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी को देखो रू पर आगे खड़े हैं ना ला हफ्ता मरे उसे पिटेगा और एच पे जाना पड़ेगा सिर पर नाड़ी पिमसिम के यू गड़ी तब दिए होंगे तुमने इंजीनियर यंग भास्कर के लुटेरे याद आ रही है पूरी की पूरी प्रियोटिक टेबल एक साथ आनी चाहिए ठीक है रदर फोर्ट डूब गया सागर में है ना हस मत दस रंगोलियां बना बैठ के कोने में याद आ गया पूरी की पूरी प्रोडिक टेबल फटाक से दिमाग में चमकनी चाहिए यह जरूरी है ठीक है चलिए हाँ एक्टिनाइट्स का नंबर नहीं बताया तुमने एक्टिनाइड्स का वेरी गुड एक्टिनियम है एटी नाइन नाइनटी से लेके वन जीरो थ्री वेरी गुड नाइन्टी से लेके हाँ नाइन्टी से लेके वन जीरो थ्री नाइनटी टू वन जीरो थ्री वेरी गुड ये देखते ही चमक जाना चाहिए कि ये है, ये है, सबसे पहले तो ये कल को तुमसे 50, 50, 50 तो तुम तो पता चल गया फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड तुमने कहा 50 मतलब फिफ्थ पीरियड फिर तुमने कहा ये ग्रुप अठारह ग्रुप सत्रह ग्रुप सोलह ग्रुप पंद्रह और ग्रुप चौदह तुम्हें पता चली गया होगा मैं लेड की बात कर रही हूँ चमक गया वेरी गुड सो ये पूरा का पूरा तुम्हें मेरे बोलने से पहले अगर चमका तो यू आर परफेक्ट विद प्रोडिक्टेबल मेरे बोलने से पहले तुम्हें लेटर से ये नहीं चमका ये तो तुम पेपर में मार खाओगे ये जितनी चीजें आज मैं क्लास में करा रही हूँ ना इतनी स्पीड पे इसलिए करा रही हूँ क्योंकि पेपर में ये स्पीड चाहिए मैं धीरे धीरे नहीं करा सकती कि अच्छा समझ गए वो स्पीड पेपर में काम नहीं आएगी तो ये था हमारा पूरा का पूरा तीसरा चैप्टर जिसका नाम था प्रियोडिक प्रॉपर्टी सो वी कंप्लीटेड आर थर्ड चैप्टर एज वेल खुश हो मजा आ रहा है तो जल्दी से बताओ खुश हो मजा आ रहा है हां मेरे बोलने से पहले अगर चमक रहा है तो ये सेशन वर्थ इट है मेरे बोलने के बाद चमक रहा है इसका मतलब पहले थ्योरी थोड़ी सी इंप्रूव करो तब जाके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे ठीक है ठीक है एक मिनट डन है चलो मजा आ गया वेरी गुड तो तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हाय हाय तुम्हें वेट करना पड़ता है मैम के कहने का फटाक से मतलब मुझे चैट्स में ना ब्लू कलर के हार्ट्स चाहिए अच्छा तुम येलो दे रहे हो इस बार हाँ येलो कलर के हार्ट्स दे दो चैट्स में खूब सारे येलो और ऑरेंज और कलर के हार्ट्स इन द चैट सेक्शन आ जाने चाहिए उसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं कर दे स्टार्ट फटाक से फटाक से थोड़ा सा पानी और मंगवा लिया जाए ठीक है भाई साहब डर डर लग रहा है तुम कहा से आयो वीनस ना पेपर से डर हो गए छोटे बच्चे हो you, चलो अब हमने आईजे सर को कह दिया सर पानी भर दो हैं कहा से आयो भैया हमारा छोटा सा बच्चा है हम वो ना रात को सोते नहीं तो हम उसको ऐसे कहते हैं माँ हुआ जगह सोचा सोचा मतलब इतना छोटा बच्चे को तो डराए डराए अब मैं उसको क्या कहूं हे हाँ, टेबल आ रही है जल्दी सोचा क्या ऐसी बातें करो यार का, काहे डरते हो छोटे छोटे से? सब आते है सब आता तुम्हें चलो दोबारा बोलती हूँ जितना आज के नोट्स होंगे ना जितने भी आज के नोट्स होंगे इन नोट्स को पेपर से एक दिन पहले रिवाइज करके जाओगे इन नोट्स में जितनी चीजें लिखी हुई हैं पेपर से पहले एक दिन पहले भी तुम्हें ये सारी चीजें रिवाइज करनी है क्योंकि सेम चीज ना देखो आई थिंक फिजिक्स के लिए वैलिड नहीं होती है ठीक है मगर केमिस्ट्री के लिए ये चीज बहुत ज्यादा वैलिड होते क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्ट सवाल हमारे से पूछे जाते हैं बट वो क्लिक ही नहीं करता तो तुम फंस जाते हो थैंक यू सो मच सर चमक गया सबको चलो अगले चैप्टर पे आते हैं भगवान का नाम ले लो चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग मेरे ख्याल से ना चैप्टर्स चैप्टर क्या टाइम हो चुका है? पढ़ते पढ़ते दो बज के तेईस मतलब लगभग लग, नहीं नहीं थोड़ी स्पीड और बढ़ा सकते हैं है ना थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दू थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दू जल्दी से बोलो थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दू मेरे लिए खैर ज्यादा एफर्ट वाला काम हो जाएगा क्योंकि

केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सबसे पहला जो सवाल पेपर में पूछा जाता है वो है ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सेंट्रल एटम पे टोटल लोन पेयर कितने हैं या टोटल मॉलिक्यूल के अंदर टोटल लोन पेयर कितने हैं तो मैंने तुम्हें हैश टैग राक्षस कॉन्सेप्ट सिखाया था राक्षस कॉन्सेप्ट राक्षस हमने किसको माना था ऑक्सीजन को कि अगर आपके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है तो वो नेगेटिव खा जाएगा पहले सेंट्रल आइटम उठाओ नाइट्रोजन एक दो तीन चार पांच इलेक्ट्रॉन बना दो जितने भी उसके आउटरमोस्ट वै, वै, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास है ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव को खा जाएगा तो एक बन गया ओ पे माइनस अब बचे दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के साथ तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी बढ़ा नहीं सकता इसीलिए एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा चमकना चाहिए मेरे बोलने से पहले तो अगर कोई मेरे से पूछे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ सुनो मेरी बात यह सवाल पेपर में आ सकता है टोटल बताने हैं तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कोई मेरे से पूछे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बताओ तो सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है ही नहीं बी आर एफ माइनस ब्रोमिन एक दो तीन चार पांच छह सात से तो अब अगर राक्षस है ही नहीं ऑक्सीजन है ही नहीं तो नेगेटिव कौन ले जाता है ब्रोमीन आठ तो चार फ्लोरीन चिपका दो तुम देख रहे हो दो लोन पेयर और चार मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है दो लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर तो, तो भैया फ्लोरीन के लोन पेयर अगर तुमने काउंट नहीं किए तो तुम्हें देख लो सच में तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा फिर मत कहना मैम ने नहीं बताया था बता रही हूं टोटल तो तो मतलब सबके काउंट करने सेंट्रल आइटम मतलब केवल सेंट्रल आइटम के सीएल पॉजिटिव में मेरे ख्याल से तुम समझदार हो चुके हो एक दो तीन चार पांच छह सात क्योंकि पॉजिटिव है पॉजिटिव सेंट्रल एटम पे जाएगा यहाँ पे चिपका दो प्लस एक के साथ डबल बॉन्ड दूसरे के साथ डबल बॉन्ड तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपको देखना आ गया है इसके बाद अब मैं बात करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन की वी एस की क्योंकि पेपर से लास्ट दो तीन दिन पहले ही मैं तुम्हें ये पढ़ा रही हूँ तो इतना मान के चल रही हूं कि तुम्हें मोटी मोटी केमिकल बॉन्डिंग आती है तो तुमको ये पता होना चाहिए स्टेरिक नंबर अगर दो है स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को यूज नहीं करते ये चीज चमकनी चाहिए मेरे बोलने से पहले अगर स्टेरिक नंबर दो है हाइब्रिडाइजेशन एस 180 डिग्री शेप होनी चाहिए लीनियर अगर स्टेरिक नंबर तीन है हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू वन डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर चमक रही है चीजें ट्राइगोनल प्लेनर

आई I मीन mean, अगला केस हो गया स्टेरिक नंबर छ मतलब हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री डी टू में नब्बे डिग्री और एक सौ अस्सी डिग्री दो तरीके के एंगल होते हैं ऐसे और ऐसे स्क्वायर बाय पिरामिडल बेंड्स रूल ये कहता है कि आपने लोन पेयर को वहां रखना है जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है याद आ गया बेंड्स रूल कहता है अब इसके बाद में आपको टीबीपी ती, में कि ये इक्वेटोरियल ये चमक रहा है ना ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ियल बॉन्ड में है, तो कहता कि लोन वहां जाएगा जहां परसेंटेज होगा अब मैं एक अपनी तरफ से एडिशन करके यहाँ लिख रही हूँ जहां परसेंटेज एस कम है मेरे बोलने से पहले तुम्हारे दिमाग में एग्जाम्पल्स आ जाने चाहिए अगर आ रहे हैं तो बढ़िया है एक तो ये सवाल पूछा जाता है दूसरा सवाल जो आपसे केमिकल बॉन्डिंग में है न दूसरा सवाल जो हमसे केमिकल बॉन्डिंग में पूछा जाता है वो है एमओ का एमओटी में कई बार वो ये पूछते हैं कि मान लो ये हाइड्रोजन का वनस और बाइटल है ये हाइड्रोजन का वनस और बाइटल है तो अगर दोनों को प्लस प्लस कराओगे तो हमारे पास बनेगा सिग्मा वन एस याद आ रहा है अगर दोनों को माइनस कराओगे एक इधर ये इधर ऐसे कई बार ऐसे अजीबोगरीब डायग्राम पूछ लिए जाते हैं तो आने चाहिए ये हो गया सिग्मा स्टार वनस ये कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर और मेरे बोलने से पहले डायग्राम तुम्हारे दिमाग में चमकने चाहिए आगे देखिए पी और बाइटल है ना पी और बाइटल या तो ऐसे ऐसे मर्ज कराओ कि एक का प्लस दूसरे के प्लस के सामने आ रहा है तो जब एक का प्लस तो वो कुछ ऐसे गोलू मोलू बन जाएगा अब ध्यान से सुनना यहाँ पे कोई तुमसे पूछे नोडल प्लेन बताओ तो भैया ये नोडल प्लेन है याद आ रहा है ये इसीलिए करा रही हूं क्योंकि यहाँ पे नोडल प्लेन के सवाल आते हैं ये है नोडल प्लेन नोडल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जहां पर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन जीरो है कोई कह रहा है प्लस को माइनस से कराओ ये माइनस प्लस माइनस प्लस तो क्या बनेगा ये छोटा सा माइनस ये प्लस फिर ये ऐसे बन जाएगा ये है ना हाँ ये ऐसे बन जाएगा तो ये उल्टा हो गया माय बैड उल्टा लिख दिया मैंने है ना इनकी शक्लें थोड़ी सी ऐसी हो जाएंगी ये दोनों आपस में रिपेल हो रहे हैं ऐसे आएगा ये माइनस ये प्लस और ये ऐसे आ जाएगा यहां माइनस यहां प्लस चमक गया तो ये है सिग्मा टू पी जेड सिगमा टू पी जेड यह है सिग्मा स्टार टू पी साइड ये पूछा जाएगा पेपर में इसीलिए करा रही हूं पाई की तरह लगाना है तो प्लस प्लस माइनस माइनस क्या लगाते हैं दोनों प्लस ऊपर दोनों माइनस नीचे ऐसे आ जाएंगे एक चौथा केस के पता ही है ये प्लस माइनस ये माइनस प्लस तो कुछ ऐसे सा बनेगा ऐसे यहाँ नोडल प्लेन एक और एक दो नोडल प्लेन नजर आएंगे चमक गया नोडल प्लेन मेरे लिखने से पहले तुम्हारे आने चाहिए अब आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको सिखाए जाते हैं क्या है या तो ऑक्सीजन एफ टू एनी टू और इनके रिश्तेदारों के लिए रिश्तेदारों के लिए मतलब कोई वो नहीं गिनना कि नंबर ऑफ गोटो चौदह होने चाहिए या से ज्यादा होने चाहिए गोली मारो ये वाले रूल को डायरेक्टली इनके और इनके रिश्तेदार मतलब ओ टू ओ टू प्लस ओ टू माइनस ओ टू टू माइनस एफ टू प्लस ब्ला इन सब के लिए मेरे बोर्ड पे लिखने से पहले तुम्हारे नोट्स में चमकना चाहिए डायग्राम लिखो सिग्मा वन एस स्टार वन एस 2s, टू एस स्टार टू एस सिग्मा टू पी जेड पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड अगर मेरे लिखने से पहले तुम्हें तो नहीं चमकाना तो पेपर में भी नहीं चमकेगा इतनी स्पीड से मैं करा रही हूँ अगर ये नहीं चमका तो पेपर में नहीं चमकेगा सवाल नहीं बनेगा जल्दी से लिखो छोटे मोटे बच्चों के लिए Be2, टू बी टू एन टू इनके साथ क्या होती है क्योंकि इनके अंदर एस और पी का गैप कम होता है इसीलिए इन इनका बनाओ सिग्मा वन एस सिगमा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस फिर आएगा सिग्मा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई यहाँ क्या आता है पहले यहाँ आएगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई फिर फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा सिग्मा टू टू पी पी जेड पाई स्टार एक्स पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई और फिर आएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड जब तुम अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते हो ना तो सुंदरता पे मत मरा करो कि हाई सुंदर शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें समझ आए वो किसी और के लिए नहीं होते तो अगर मान लो मुझे अपने पेपर के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो ये मेरे लिए बेस्ट एम बेस्ट है ये नहीं की यहाँ जगह नहीं बची इनको इधर उठाओ मेरे को क्या मतलब मेरे को चमकना चाहिए मुझे समझ आना चाहिए मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है समझ गए लिख लिया सबने बहुत ही बढ़िया ये चार्टों में कार्बाइल इन टेस्ट कहां से डिस्कस करो भैया जब समय आएगा वो भी कराया जाएगा अब पेपर में केमिकल बॉन्डिंग में नंबर तो यहां से मिलेंगे जो कि है हमारा चोटिला मेथड तो हैश टैग चोटिला माता की जय क्या था चोटिला माता मेथड सबसे पहले हम एक पहाड़ बनाते हैं पूरी स्टोरी सुनाने का भी समय नहीं है पहाड़ पे सीढ़ियाँ बनाएंगे आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये कहता है अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है तो वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती है स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी डज नॉट एग्जिस्ट चमक रहा है अगर किसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं चौदह तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा तीन तेरह या पंद्रह के लिए ढाई यहां दो यहां डेढ़ यहां एक यहां जीरो पॉइंट फाइव यहाँ जीरो अब इसके बावजूद तुम पेपर में गलती करोगे तो देखो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चौटिला मेथड यह भी कहता है कि अगर किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा चोटिला मेथड ये कहता एक और एक और जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट सिखाया था जितने भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज है वो डायमैग्नेटिक होती है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज क्या होती है पैरामैग्नेटिक ये भी एक्सेप्शन क्या था जल्दी से बताओ एक्सेप्शन था दस इलेक्ट्रॉन और सोलह इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज क्या है पैरा मैग्नेटिक मेरे बोलने से पहले अगर चमका है तो भैया केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा पक्का हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग के दो और छोटे छोटे से टॉपिक है सबसे पहले रूलान रूल फजान्ज रूल ये कहता है क्या कहता है फजान रूल जल्दी से दिमाग में चमक जाना चाहिए फजान रूल ये कहता है कि मैम कोई भी कंपाउंड हंड्रेड परसेंट आयनिक नहीं होता उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर होता ही है वो ये कहता है कि ये केटायन है ये एनायन है केटायन के लिए डिफाइन करते हैं पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए डिफाइन करते हैं पोलराइजेबिलिटी याद आ रहा है तो वो कहता है कि कैटायन छोटा होना चाहिए छोटा जबकि एनायन क्या होना चाहिए मोटा होना चाहिए कैटायन और एनायन दोनों पे चार्ज क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए चमक गया तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा चमक गया वेरी गुड आगे देखिए अब एक बुआ जी कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया था याद है पूरी कहानी सुनाने का समय नहीं है बुआ जी कॉन्सेप्ट हमारा बहुत फेमस है बुआ जी कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर तुम्हें थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है किसकी पहली बात आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी में डिस्कस कर रही हूं तो थर्मल स्टेबिलिटी यह कहता है पहले तो तुम देख लो कि बुआ जी अकेले आ रही है अकेले का मतलब जैसे एफ माइनस तुम्हारी बुआ है सी माइनस है बी आर माइनस है आई माइनस है ओ टू माइनस है एन थ्री माइनस है जो मोनो एटोमिक एनाइन होते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा जैसे कोई मेरे से पूछे एम जी ओ वर्सेज ए एल टू ओ थ्री में से थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा मैंने कहा बुआ जी कौन है ओ टू माइनस ओ टू माइनस बुआ जी तो सेम है मैंने कहा मैम लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री ज्यादा जाद है इसीलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा दूसरा अगर तुम्हारी बुआ जी पॉली है जैसे कार्बोनेट है तुम्हारी बुआ जी का नाम फॉस्फेट है जो अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ आ रही है जैसे नाइट्रेट है ऐसे मल्टी एटोमिक एनायन अगर आपके पास है या एनायन अगर आपके पास है तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई पोलराइजिंग पावर ये मेरे लिखने से पहले चमक जाना चाहिए था जैसे कोई तुमसे पूछे बी ई थ्री फोर ठीक है और सी ए थ्री पी ओ फोर इन दोनों में से थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी मैंने कहा फॉस्फेट है फॉस्फेट है दोनों में सेम है तो हमने ये पता करना है कि थर्मली वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी क्योंकि बेरिलियम थ्री प्लस छोटा है इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है इसीलिए कम थर्मली स्टेबल है थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी क्योंकि कैल्शियम टू प्लस जो है बड़े साइज का है पोलराइजिंग पावर कम है जिसकी पोलराइजिंग पावर कम है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा ये आंसर बनने चाहिए चमक गया क्लियर है वेरी गुड तो ये था वन गो में पूरा का पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग दोबारा बोल रही हूं जब मैंने ये तुम्हारी क्लास कीड्यूल करी थी ठीक है उसके आगे पीछे मुझे बहुत काम करना पड़ा था क्योंकि देखो किसी भी चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें हैं जेनुअनली अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग अभी तुम्हें पढ़ाने बैठू ना मैं घंटे सवाल आते हैं पहले तो उनको चुनना क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बोला मैं केमिकल बॉन्डिंग पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुकी होंगी लास्ट दस ग्यारह साल से पढ़ा रही हूँ ना जाने कितने बैचेज में कितनी बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया होगा है ना तो चैप्टर बहुत बड़ा है चैप्टर में चीजें बहुत ज्यादा है मगर इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पेपर में क्या चीजें आती है तो जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो पेपर में ऐसे फटाक से क्लिक करने चाहिए वो सारे के सारे तुम्हारे माइंड मैप्स में मैं डाल रही हूँ ज्यादा चीजें हैं मैं मानती हूँ ज्यादा चीजें हैं ठीक है ठीके? और जेनविनली उन चीजों को जिन्होंने करा है उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उनको अच्छा अच्छे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा मगर बेयर मिनिमम ये सारा तुम्हें आना चाहिए मतलब इसके दम पे तुम अगर पेपर देने जाओगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा चमक गया आगे करिए सो केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुका है अब वंस अगैन केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग ना जाने कितने कॉन्सेप्ट है मगर पहले मैं उन उन concepts पे फोकस करूंगी जो कॉन्सेप्ट शॉर्ट शॉर्ट पेपर में आने ही आने हैं जिन पे मतलब देर इज नो नथिंग लाइक कि ये नहीं आएगा ये तो आएगा ही एक्स्ट्रा अगर एक आधा सवाल आता है जैसे मैंने तुम्हें बोला बैक बॉन्डिंग है ब्रिज बॉन्डिंग है सोल्यूबिलिटी uh, हो गया हाइड्रेशन हो गया कॉन्सेप्ट तो बहुत है और जब मैं वन शॉर्ट लिया था तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले भी सिखाए थे अभी मैं उन चीज फोकस कर रही जिनके बिना तुम पेपर देने नहीं जाओगे ठीक है चलिए सो so, अब हम पर्पल कलर के हार्ट मांगना चाहेंगे लेट्स सी पर आ रहे हैं अब हम थोड़ा सा फिजिकल दो फिजिकल करें दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिए अब हम फिर से फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मो डायनेमिक्स जी करें स्टार्ट करें पर्पल कलर अच्छा लग रहा है है ना पर्पल कलर की टी शर्ट वी शर्ट मंगाई जा सकती है चलिए ठीक है ओके सो so, नए चैप्टर चैप्टर पर आते हैं का नाम है वंस थर्मो थर्मोडिक्सोन बहुत ही विस्तार वाला चैप्टर है और इसको हम फोटेक से खत्म करते हैं सबसे पहले में आपको ये पता होना चाहिए मैं छोटी मोटी चीजें नहीं बता रही हूँ इंटेंसिव एक्सटेंसिव स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन सिस्टम सराउंडिंग तुम्हें आता है थर्मोडायनेमिक्स में जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है हीट कैपेसिटी से मेरे बोलने से पहले हीट कैपेसिटी तुम्हें चमकना चाहिए हीट कैपेसिटीज हीट चेंज टेकिंग प्लेस पर यूनिट के वल टू डी बाई डी टी किसी भी सब्सटेंस के एक केल्विन को इंक्रीज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को एक डिग्री से या एक Kelvin से बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ती है दैट इज हीट कैपेसिटी C is equal to DQ by DT. अब आपको पता है हीट कैपेसिटी दो तरीके से हम डिस्कस करते हैं एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप सी एस लिखते हैं मोलर हीट के सी एम लिखते हैं सी एस का मतलब क्या है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस एक ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को एक कैलविन से चेंज करने के लिए कितना हीट देना पड़ता है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सवाल आएंगे बट तुम्हें चमकना चाहिए

कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो ये कहता है कि जो टोटल चेंज है इंटरनल एनर्जी का दैट विल बी इक्वल टू द टोटल हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस बट द प्लस द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू अगर आपको इसको ऐसे लिखना है डेल्टा यू तो इंटीग्रल करते टाइम डी क्यू नहीं डेल्टा क्यू नहीं आएगा क्यू आएगा डेल्टा डब्ल्यू नहीं आएगा डब्ल्यू आएगा रीजन भी क्योंकि Q एन W क्या है पाथ फंक्शन जबकि इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी एनथेलेपी ये सारे क्या है हमारे स्टेट फंक्शन साइन कन्वेंशन मेरी अभी किसी बच्चे से बात हो रही थी कह रहा मेरा मैम बहुत अच्छा पेपर गया मगर मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए मैंने कहा क्यों कह रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मैं गड़बड़ा गया पेपर में दो सवाल उसने एक मॉक टेस्ट दिया कह रहा पेपर में दो सवाल आए थे जहां पर थर्मोडाइनमिक्स यूज होनी थी मैं पेपर में भूल गया साइन कन्वेंशन जिसकी वजह से है ना माइनस सिक्स हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड में उसका कुछ कह रहा था मेरा पंगा हो गया तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है साइन कन्वेंशन क्या होता है अगर मैं बात करती हूँ वर्क डन ऑन द सिस्टम आप फिजिक्स में अलग यूज करते हैं केमिस्ट्री वालों की मैं बता रही हूँ वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव गिना जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम क्या गिना जाता है नेगेटिव अगला है हीट गिवन टू द सिस्टम अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या कहना जाता है नेगेटिव और पेपर में जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का सवाल आएगा साइन कन्वेंशन के बिना सवाल को आप टच तक नहीं करेंगे नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूं वर्क वर्क आपको पता है डेरिवेशन नहीं रिक्वायर्ड है केमिस्ट्री uh, का कोई भी सवाल आ जाए यहीं से स्टार्ट करोगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी अगर फाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो आप लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी यही आता है अब यहाँ पे दो केसेस हैं अगर आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इफ यू आर डूइंग वर्क एट प्रेशर तो क्या डूंग आता है W एक्सटर्नल बाहर निकाल लेते इन टू डेल्टा भी याद आ गया यहां से एक नई टर्म आती है जिसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं अब बिफोर आई स्पीक तुम्हें चमक जाना चाहिए फ्री एक्सपेंशन मतलब वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम पी एक्सटर्नल जीरो वर्क डन की वैल्यू क्या है जीरो याद आया अगर मैं बात करती हूँ वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस लिखो वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कहां से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन यहां से नहीं करोगे यहां से करने बैठोगे तो समय वेस्ट है क्या था वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डी डब्ल्यू क्या था माइनस पी एक्सटर्नल डीवी पी एक्सटर्नल इज पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी फिर माइनस पी पी गैस ऑफ डी माइनस प्लस डी पी वो पूरी डेरिवेशन नहीं करनी डायरेक्ट याद आना चाहिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी गैस इन डीवी ये चमका है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक ये नहीं चमका तो तुमने गलत किया है ये चमकना जरूरी है दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट तुम पूरी डेरिवेशन करोगे तो पेपर में किसी चीज का कोई फायदा नहीं है ठीक है चलिए अब एक इंपॉर्टेंट केस जो आपके पेपर में जेन्युइनली आएगा वो है वर्क डन आइडियल गैस रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन में दिखेंगे तभी फॉर्मूला चिपकाओगे इनमें से एक भी वर्ड नहीं दिखा तो फॉर्मूला नहीं चिपकाओगे वर्क डन निकालना है आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन आइसोथर्मल मेरे बोलने से पहले दिख चिपक जाना चाहिए W इज इक्वल टू माइनस एनआरटी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन चमक गया W इज माइनस एनआरटी एलेन ऑफ वी टू बाई वी वन आगे देखिए अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा रह गया था आइडियल गैस आइडियल गैस के लिए लिख लो पूछू मैं आइडियल गैस के लिए बताना cp cv की वैल्यू बताओ सारे बच्चे cp cv की वैल्यू बताओ कुछ याद है मैंने तुम्हें सिखाया था cp cvm r होता है cp cv की वैल्यू nr होती है और cp m cvm यानी कि cp cv की वैल्यू होती है गामा ये आना चाहिए अगर अभी भी कोई cp cv की वैल्यू r लिख रहा है तो तुमने क्या ही पढ़ा एग्जाम के पहले सीपीएम मोलर हीट कैपेसिटी कैपेसिटी एट एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट वॉल्यूम इज आर अभी बताया था सीपी क्या होता है मतलब अगर मुझे सीपी निकालना है सीपी 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 क्या होता है सीपी इज एन टाइम सीपीएम तो सीपीएम माइनस सीवीएम की वैल्यू आर है सीपी माइनस सीवी की वैल्यू एन आर है अगर एग्जाम से पहले अभी भी तुम सीपी माइनस सीवी आर लिख रहे हो तो तुम क्या ही करोगे एग्जाम में समझो इस चीज को ज्यादा करने से कुछ नहीं होता जितना करो उसको परफेक्ट करो आगे देखो अगर मेरे को कोई बोले हीट कैलकुलेशन पूरी थर्मोडाइनमिक्स में ये बहुत ही फेमस टॉपिक है जिससे सवाल बनता है हीट कैलकुलेशन करनी है अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस में या वैसे ही तो वैसे ही करनी है मतलब इट इज नॉन आइसोथर्मल इट इज नॉट आइसोथर्मल तो आप ये फॉर्मूला चिपकाएंगे सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी तो डी क्यू क्या हो जाएगा एन इंटू सी एम डी टी या फिर मास इंटू स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला से पहले चमक चमकना चाहिए चिमकना चपकना जो भी करो मेरे बोलने से पहले आना चाहिए अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का केस आ जाता है यहां पर बहुत बच्चे गलती करेंगे जिनको बल्ब नहीं चमकेगा बच्चा कहता है कि मैम C इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी डी क्यू क्या था सी डी टी आइसोथर्मल है जीरो तो डी क्यू जीरो ऐसा नहीं करते नहीं करते नहीं करते आइसोथर्मल प्रोसेस में आप फर्स्ट लॉ का यूज करोगे डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू यहां से क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे ये चमकना चाहिए था अगर तुमने अभी भी किसी को भी किसी भी बच्चे को जिसने मेरे बोलने से पहले आइसोथर्मल के लिए आंसर जीरो लिखा है तो तुम गलत रास्ते पे हो चिपका हाँ हा, हा, ये भी सही है चमका तो हम बोलते हैं आज हम चिपका बोलेंगे चिपका <laughs> चलो थर्मोडाइनमिक्स को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं बात करते हैं एनथेलेपी की एनथेलपी सबको पता है दिस इज द टोटल हीट कॉन्टेंट ऑफ द सिस्टम तो जो चेंज इन एनथेलेपी स्मॉल चेंज अब डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी टाइम्स पी वी इसके घड़े बदे केस बनते हैं बहुत सारे केसेस बनते हैं सबसे पहला केस डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा टाइम्स पी ये बन जाएगा डेल्टा एच इज डेल्टा यू, तेल्टा यू तेल्टा प्लस अब ध्यान से देखना दिस विल बी पी टू वी माइनस पी वन वी वन अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी को बाहर निकालो इंटू डेल्टा वी तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपकी सिचुएशन अलग अलग हो जाएंगे मोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ कंप्लीट थर्मोडाइनमिक्स इज आपको पेपर में लिखा हुआ मिलता है हीट चेंज निकालो एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो ये निकालने को बोलता है यानी कि क्यू वी निकालने को बोलेगा आपको कुछ नहीं करना डेल्टा यू निकालना है या फिर कई बार वो ये कहता है कि हीट चेंज निकालो एट कांस्टेंट प्रेशर इतनी बड़ी सी टर्म लिख के दे देते आपको कुछ नहीं करना क्यूपी निकालना है विच इज डेल्टा इज तुम सही मानो जिस दिन पेपर देने जाओगे ना उस दिन अंदर से फील आएगी अगर तुमने ये सारी चीजें टू द पॉइंट तुम्हें चमक रही है क्योंकि पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं इन्हीं सवालों को वो घुमा फिरा के पूछेगा अब देखो थर्मोडायनेमिक्स की आइडियल गैस मैक्सिमम सवाल आते हैं आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस का जब भी कोई सवाल है ना ये पांच छह स्टेटमेंट्स हैं यहीं से सवाल को शुरू करोगे पहला सीपीएम एम माइनस सी एम आर होता है सीपी माइनस सी एन आर होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो होता ही होता है थर्मोडाइनमिक्स केस में अगर आइडियल गैस का सवाल होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस अदरवाइज आपको पता है ना ये जो जो इंटरनल इंटरनल एनर्जी एनर्जी थी थी लिखा था मैंने वैसे तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम और जो हमारी एंथेलिपी थी एच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर मगर आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली डेल्टा एच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली चमक रहा है आगे देखो दो फॉर्म्यूला जो आइडियल गैस के लिए हमेशा चिपका सकते हो पहला है डी यूज इक्वल टू एन सीवीएम डी टी और डी एच इज इक्वल टू एन सी पी एम डी टी ये दो फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ठीक है ये दो फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए सुपर 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 इंपॉर्टेंट है आगे देखिए अगर मैं अगले टॉपिक की बात करती हूं जहां पर हमें एंट्रोपी और सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करना है ठीक है वी हैव हाँ टू तो डिस्कस अबाउट एंट्रोपी वी हैव हाँ टू तो डिस्कस अबाउट सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ध्यान से देखना हम कहते हैं कि डेल्टा एस यूनिवर्स के साथ खेलो डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग और जब भी मुझे एंट्रोपी से स्पॉन्टेनिटी uh, डिस्कस करनी है तो हम कहते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब है जब डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है प्रोसेस इक्विलिब्रियम में तब है जब डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो प्रोसेस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस अगर डेल्टा एस यूनिवर्स इज लेस देन ज़ीरो तो ये है uh, कहते हैं एंट्रोपी और सेकंड वाली बॉडी से हीट लेकर लो टेम्परेचर वाली बॉडी तक भेज सकते हैं कभी भी इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट लेकर भेज रहे हैं टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट डूइंग वर्क आपको बाहर से एक्सटर्नल किसी चीज का यूज करना पड़ेगा तभी आप लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट निकाल के हाई टेपरेचर वाली बॉडी में हीट भेजते हो समझ गए वो जो कान इंजन आप फिजिक्स में करते हो वो फिजिक्स का पार्ट है केमिस्ट्री में हम वो इंजन नहीं करते हैं. चलिए अब मैं बात करती हूँ थर्मोडाइनमिक्स में एंट्रोपी से रिलेटेड देखो मुझे पता है जैसे ही तुमने ये लिखा तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट चमक गया मगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि एंट्रोपी से रिलेटेड सवाल कैसा आएगा एंट्रोपी से रिलेटेड सस्ता सवाल आता है और जो राइट हैंड साइड पर लिखा है ना इन्हीं में से सवाल आता है मतलब नब्बे प्रतिशत चांसेज होते हैं कि इन्हीं टॉपिक से सवाल आपका एंट्रोपी से रिलेटेड आएगा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन सकते हैं बट देन

बच्चे फेस ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस या वायु से वर्षा जा रहे हो तो जब भी मुझे किसी में change, करना है, तो मतलब पानी के लिए बॉइलिंग के दौरान जितना डेल्टा एच होता है डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना गलती करोगे दोबारा बोल रही हूँ गलती मत करना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लोगे कभी भी डिग्री सी में टेम्परेचर नहीं लोगे आने के बावजूद इतना आसान सवाल आने के बावजूद माइनस वन लेकर आता है बच्चा क्योंकि उसको यह चीज याद नहीं रहती एंट्रोपी के अगर कोई और सवाल आते हैं तो वो ऐसे ही आएगा कि यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एस डेल्टा एस के दो फॉर्मूला एन सी वी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एनआरएल या फिर एन सी पी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एनआरएल पी वन बाई पी टू आइसोथर्मल प्रोसेस है टी वन टी टू सेम कर देना कट जाएगा टी वन टी टू सेम कर देना कट जाएगा ये दो फॉर्मूला से डायरेक्ट एंट्रोपी का सवाल आपका बन जाता है एक और टॉपिक है गिफ्ट फ्री एनर्जी आप जानते हैं जी इज इक्वल देना है तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस तो टी डेल्टा ये भी आपको है अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है अगर डेल्टा जी जीरो है तो प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस कई तो बार ऐसे सवाल आते हैं कि बताओ कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहां पर डेल्टा जी नेगेटिव होगा या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो हमारी पूरी की पूरा ध्यान जाता है डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाले फॉर्मूला पे आपको पता है अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मान लो अगर आपका डेल्टा एस भी नेगेटिव दे रखा है तो अगर टेम्परेचर हमारा बहुत हाई हुआ मान लो अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई हुआ तो ये वाला पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा अगर पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस तो ऐसे तरीके के सवाल भी आपके पेपर में आते हैं आपने डेफिनेटली पी क्यूज किए होंगे तो आपको चमक रहा होगा कि मैम किस तरीके के सवालों के बारे में बात कर रही है थर्मोडायनेमिक्स में इसी तरीके के सवाल आएंगे अब लगे हाथ बिना ब्रेक लिए हम एक बार थर्मोकेमिस्ट्री भी निपटा देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं एनथेलिपी ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन थर्मोकेमिस्ट्री के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं सबसे पहले मान लो एक रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है ए रिएक्शन की एनथेलपी चेंज को बोलते हैं एनथेलिपी ऑफ रिएक्शन कोई भी रिएक्शन दुनिया की कोई भी रिएक्शन के एनथेलपी चेंज को क्या बोलते हैं एनथेलिपी ऑफ रिएक्शन मगर अगर मैं बात कर रही हूं एंथेलिपी ऑफ फॉर्मेशन ये क्या है ये है एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन एंथेलिपी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है एक मोल सब्सटेंस को बनाना है जैसे वन मोल वाटर लिक्विड को बनाना है उसके कंस्टिट्यूएंट से बनाओ और जो कंस्टिट्यूएंट्स आप ले रहे हो वो ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए अपनी एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए इस रिएक्शन के लिए जो भी एंथेलिपी ऑफ रिएक्शन है उसको मैं एंथेलिपी ऑफ फॉर्मेशन पानी का लिख सकती हूँ ये पता होना चाहिए एंथेलपी ऑफ कंबशन क्या होती है एंथेलपी ऑफ कंबशन का क्या मतलब है एनथेलपी ऑफ अच्छा यहाँ लिख लो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो वन मोल बनना चाहिए एनथेलपी ऑफ कंबशन में किसी भी एक मोल सब्सटेंस वन मोल सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से सीओ टू गैस बनेगी पानी बनेगा लिक्विड स्टेट में दोबारा सुन लो मेरी छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है

अब एक लास्ट होता है लॉ कांस्टेंट हीट सबमिशन वो कह रहा है अगर आप एक प्रोसेस को एक रिएक्शन को एक प्रोसेस मतलब एक स्टेप में कराएं या फिर आप उसको मल्टीपल स्टेप्स में कराएं जो डेल्टा एच होता है ए से बी का इट कुड बी रिटन एज डेल्टा एच ए सी का डेल्टा एच सी डी का डेल्टा एच डी ई का प्लस डेल्टा एच ई बी का क्या ये बात सबको चमकी और ऐसा ही नहीं हैसेस को आप डेल्टा एच डेल्टा जी डेल्टा यू सब पे चिपका सकते हैं पेपर में सवाल आया था अभी रिसेंटली ठीक है एक मॉक टेस्ट लिया था वहां सवाल आया था कि एंथेलिपी ऑफ रिएक्शन का जो आप हेसर लॉ लगाते हैं आप इसको डेल्टा जी पे भी लगा सकते हो डेल्टा यू पे भी लगा सकते हो चमका थर्मोकेमिस्ट्री की एक लास्ट स्लाइड हमारी है ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना वो ये कहता है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन की एनथेलिपी निकालनी है मेरे मेरे लिखने से पहले तुम्हारे पास ही आना चाहिए मेरे लिखने से पहले ये चमकना चाहिए किसी भी रिएक्शन की एनथेलपी निकालनी है तो हम करते हैं प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन की टर्म्स में दे रखा है अगर मुझे कंबशन का डेटा दे रखा है तो मैं लिखूंगी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सिमिलरली अगर मेरा बॉन्ड एनर्जी का डेटा दे रखा है तो भी मैं करूंगी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे आर आई पी चिपका दो याद रखने के लिए तो जैसे कंबशन होती है किसी की तो जल रहा है ना वो मर गया तो प्रोडक्ट तो करना, था या करना था। तो ये क्लिक करनी चाहिए ये जितनी जल्दी क्लिक करेंगी लाइफ उतनी तगड़ी हो जाएगी ठीक है थर्मोकेमिस्ट्री में जिससे तुम्हें डर लगता है इसका नाम है तुम्हें पता है दो तरीके केलोरीमीटर्स होते हैं एक होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर एक होता है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर प्रेशर कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर को हम सिंपल भाषा में बॉम्ब कैलोरीमीटर से जानते हैं कैलोरीमिट्री में एक ही चीज लगानी है कभी भी कैलोरीमिट्री का सवाल आएगा स्टार्ट कहां से करोगे कभी भी कैलोरीमीट्री का सवाल आएगा स्टार्ट यहां से करोगे कि हीट रिलीज्ड बाय द रिएक्शन इज इक्वल टू हीट गेंड बाय कैलोरीमीटर हीट रिलीज ऑन कंबशन ऑफ ये इंपॉर्टेंट है अगर मैं एन मोल सब्सटेंस को जलाकर जितनी भी हीट निकल रही है दैट हीट विल बी गेन्ड बाय कैलोरीमीटर यानी कि द हीट रिलीज बाय रिएक्शन माइनस क्यू रिएक्शन इज इक्वल टू क्यू कैलोरीमीटर पंगा तब होता है जब आप यहाँ पे माइनस कंसीडर करना भूल जाते हो पूरा का पूरा गलत हो जाता है समझ ही नहीं आता टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा क्योंकि आप माइनस नहीं लेते हो तो याद रखना हीट इज नेगेटिव हीट एब्सॉर्ब बाय कैलोरीमीटर विल बी पॉजिटिव एक और छोटी चीज अगर आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर की बात कर रहे हो और आपसे जनरली पूछा जाता है डेल्टा यू निकाल के दिखाओ तो जो भी क्यू रिएक्शन है उसको अगर आप एन से डिवाइड करते हैं दैट इज डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन और अगर मैं ये तो था कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर आज तुम्हारे जो नोट्स बनेंगे ना वो बेस्ट एम बेस्ट बनेंगे एक या क्यू रिएक्शन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन ये है कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर अब मेरी बात सुनो जब मैं ये नोट्स लिखवा रही हूँ जब तुम ये सात सात चीजें लिख रहे हो अगर लेटर से ठीक है तुम्हें ये वाला टॉपिक नहीं चमका लेट से तुम्हें ये टॉपिक नहीं चमक रहा मतलब अब नीड है कि इस टॉपिक को तुम डिटेल में रिवाइज करो मगर अगर मेरे बोलने से पहले मेरे लिखने से पहले ये चीजें तुम्हें चमक रही है ना मतलब तुम्हें पेपर में भी चमकेंगी मगर अगर, अगर आज नहीं चमक रही तो इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो कम से कम ये चीजें याद रहनी चाहिए अगर यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कभी तुम कर ही नहीं पाओगे ये चीजें पता होंगी तभी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो यहां तक हमारा पांचवा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है अब मुझे बताइए पांचवा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है अब मुझे बताओ चमका सबको आ रहा है मजा ठीक है चमक गया सबको मजा आ रहा है? कौन से कलर के हाथ दोगे मैम को अब हम मांगेंगे व्हाइट कलर के हाथ और पता है व्हाइट कलर के हाथ क्यों मांगूंगी व्हाइट कहते हैं ना शांति का प्रतीक होता है तो आज हम मतलब शांति से काम करेंगे ठीक है हमने देख लिया ट्राई करके देख लिया ठीक है समझ भी गए है ना हम समझ भी गए ट्राई करके भी देख लिया अब हम शांति से काम करेंगे हम है ना हम किसी की रोजमर्रा की जिंदगी को क्यों खराब करें कोई आ रहा है स्पैम करने उसको पैसे दिए जा रहे हैं कि जाओ स्पैम करो बेचारे को कुछ पैसे मिल रहे हैं तो भले ना वो बेचारा पैसे कमाए चाहे दस रुपये बीस रुपये दो सौ तीन सो जो भी सही मतलब जितना भी उसको मिल रहा है मतलब मैं चाहूंगी यार तुम पैसे कमाओ हमें नहीं दिक्कत है हम वो लोग हैं जिन, जिनको है ना तुम दस बार भी बुरा बुरा बोलोगे भला बोलोगे हम यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देंगे हमें बस एक ही चीज़ पता है कि अगर आप सच के रास्ते पे चलते हो ठीक है ना एंड अगर आप इतने गटसी हो कि आप सच बोल सकते हो और अगर जेनुनली आपके मन में ना कुछ खोट नहीं है ना तो भाई साहब बुरा करने वाले दुनिया में बहुत है मतलब अगर आप दिल से अच्छे हो तो भले मतलब चलेगा यार करो यार स्पैम करो कोई दिक्कत नहीं है आज खुल के स्पैम करो आज साक्षी मैम तुम्हें ना वो देती है इजाजत इजाजत क्या बोलते हैं इतने अच्छे वर्ड नहीं आ रहे हिंदी में बोलने के लिए हाँ आई गिव यू फुल परमिशन आराम से स्पैम करो और है हाँ ना जिसने पैसे दिए उनको को यार थोड़े से और पैसे दे दो तो हम डबल स्पैम करेंगे आज मैम उसमें भी खुश है सही है ना भाई सही है ना ब्रेक अभी नहीं यार अभी तो दो ही घंटे हुए हैं पढ़ते हुए अभी से ब्रेक का ही मांग रहे हो ना ना यार थोड़ा सा और पढ़ो ठीक है थोड़ा सा और पढ़ते हैं अरे रे भाई साहब उस दिन निशान सर क्लास ले रहे थे बेचारे है ना बड़े दुखी हो गए उन्होंने जितने नोट सेव करे मतलब सेव करे नहीं लिखते गए लिखते गए बाद में पछताए तो मैं जरा वो ना करूं चलो सेव हो गई मेरी फाइल अभी सेव हो रही है देखो कितनी सारी स्लाइड्स हैं सत्ताईस स्लाइडें कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग सौ पेजेस हैं एक सौ ग्यारह स्लाइड है जिसमें से सत्ताईस हम कंप्लीट कर चुके हैं तो आज का सेशन मेरे ख्याल से चलेगा लंबा मगर ये गारंटी मेरी है कि भाई साहब इससे बढ़िया तुम्हें माइंड मैप्स कभी मिलेंगे नहीं केमिस्ट्री के मतलब जितने माइंड मैप्स आज हमने बना लिए ना ये तुम्हें अब है ना काम आएंगे हमेशा चलो सो थर्मो डायनेमिक्स थर्मो केमिस्ट्री हो चुका है अपने छठे चैप्टर पर हम आ जाते हैं और हमारे चैप्टर का नाम है आप गैस कर चुके होंगे इक्विलिब्रियम बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस चैप्टर के बाद अच्छा एक और चीज सुन लो अब हो सकता है देखो है ना इतने सारे बच्चे हैं हो सकता है जब मैं कोई चीज पढ़ा रही हूँ लेट्स से मैंने केलोरीमिट्री पढ़ाया तो हो सकता है कोई बच्चा हो जिसको केलोरीमिट्री ना चमकाओ तो प्लीज बच्चे आई रिक्वेस्ट यू जो जो टॉपिक तुम्हें अभी समझ आ रहा है ना कि मुझे नहीं चमक रहे हैं ये तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं इनको लिस्ट डाउन कर लो इनको पहले लिखो और आज तुम मुझे कहो केलोरीमिटरी को री एक्सप्लेन कर दो उससे होगा क्या तुम्हें छोटी सी नॉलेज मिल जाएगी जबकि तुम्हें उस टॉपिक की डेप्थ नहीं पता तो सवाल नहीं बनेगा अगर आज के पूरे सेशन में जो जो भी ऐसे टॉपिक्स है ना जो मेरे बोलने से पहले या मेरे लिखने से पहले तुम्हें नहीं चमक रहे इसका क्लियर कट मतलब है या तो वो तुम्हें याद नहीं है और अगर याद मतलब या तो मतलब तुम्हें आते ही नहीं है और अगर आते हैं तो तुम्हें याद नहीं है पहले तो इनकी लिस्ट बना लो आज जब सेशन खत्म होगा तो तुम्हारे पास एंड में देर शुड बी अ लिस्ट लिखते जाओ ना लिखते जाओ कि मेरा कैलोरीमिटरी नहीं चमका मेरे को हीट ऑफ रिएक्शन नहीं चमकी मेरे को हैसे स्लो। जो जो भी तुम्हें नहीं चमक रहा उसको लिखते जाओ वो पंद्रह बीस टॉपिक पंद्रह बीसों चालीसों जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार तसल्ली से लिख लो वो लिख लिया उसके बाद जब सेशन खत्म हो जाएगा जब तुम्हें नोट्स दे दिए जाएंगे तुम्हारे पास आ जाएंगे तो जहां जहां पर मैंने जैसे कैलोरीमिट्री ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ मैंने बहुत बार पढ़ाया डिटेल में भी पढ़ाया तो उस सेशन पे जाके मीटरी की डिटेल चेक कर लेना और सुनना उसको पूरा 1X पे नहीं कि 2X पे यानी कि सुन रहे हो तसल्ली से पढ़ना तब जाके तुम्हारे वीक होंगे ठीक है दिस इज द रीजन कि मैंने ये सेशन क्यों लगाया मेरे को कराने चाहिए थे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बट जब आप क्वेश्चन कराते हो ना मैं सौ करा दूंगी डेढ़ सौ करा दूंगी दो सौ कराऊंगी बट वो कोर छुप जाता है मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मेरा वीक पॉइंट क्या है वो पेपर में अटकता है तो आज तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका वीक पॉइंट क्या है आपको कितना और करना है ठीक है लंच ब्रेक मिलेगा आ, थोड़ी देर बाद करते हैं मतलब थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक लेंगे मेरा मानना है कि इलेवंथ पूरा कर लो फिर लंच ब्रेक लेंगे फिर ट्वेल्थ स्टार्ट करेंगे ऐसा कर लेते हैं एक घंटा और फास्टिंग कर लो मैम के साथ ठीक है मैम ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया लंच भी तुम्हारे साथ ही करूंगी आज लंच लाए भी नहीं है क्योंकि आज सुबह लेट हो गया था मेरे पास टाइम ही नहीं था बनाने का और मेरी सासू में होगी थोड़ी सी बीमार ठीक है तो इक्वली कर लेते हैं रिडॉक्स कर लेते हैं जीओसी कर लेते हैं और हाइड्रोकार्बन कोशिश करते हैं फिर डाइल्यूट डायल्यूट सोल्यूशन से चैप्टर से ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे ठीक है ट्राई मारते हैं जितना हो पाएगा ठीक है ज्यादा भूख लग जाएगी पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे अंदर से आवाजें आएंगी टिड़न 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 तो लंच ब्रेक ले लेंगे अभी तो नहीं आ रही आवाज चलिए तो चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको तुम बहुत ही चिंदी टॉपिक समझते हो यहां से भी सवाल आता है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है ए ए प्लस बी टू फॉर्म सी सी प्लस डी डी तुम्हें पता है कंबाइंड चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो इक्विलिब्रियम और केमिकल कैनेटिक्स को मिला के सवाल आता है ये तो सब बच्चे जानते ही हो ना कि किसी भी रिएक्शन का जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है तो हम कहेंगे ये के एफ है ये के बी है तो आप ऐसे ही सीखते हो ना लॉ ऑफ मास एक्शन कि दिस विल बी इक्वल टू के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी सिमिलरली आप लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी के बी इंटू सी की पावर सी डी की पावर डी अब इंपॉर्टेंट ये है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि के इक्विलिब्रियम निकाल के दिखाओ अगर के एफ और के बी गिवन है तो के इक्विलिब्रियम विल बी के एफ के बी और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सी सी की 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 पावर 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 डी डी डिवाइडेड ए ए बी बी चमक रहा है सबको ये आ गया अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करती हूँ मेरे पास एक रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी टू फॉर्म सी सी प्लस डी डी अगर मैं कहूं ये एक गैशियस फेस रिएक्शन है इसका के पी निकालो तो के पी कैसे निकालते हैं पार्शल प्रेशर ऑफ सी रेस टू दिपा सी पार्शल प्रेशर डी रेस टू पार डी पार्शल प्रेशर ए रेस टू पार ए पार्शल प्रेशर बी रेस टू पार बी जमा गया कोई कहीं के सी निकाल के दिखाओ तो के सी कैसे निकालेंगे सी की कॉन्सेंट्रेशन पावर सी डी की कॉन्सेंट्रेशन पावर डी ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर ए बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर तुमसे कोई पूछे केपी के सी का रिलेशन तो तुम्हें पता होना चाहिए के पी इज इगल टू के सी इन आर टी रेस टू दिप डेल्टा एनजी और डेल्टा एन जी का क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट इस रिएक्शन के लिए फोटैक् डेल्टा uh, एन जी की वैल्यू निकालो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल्टा एनजी विल बी सी प्लस डी माइनस ऑफ ए प्लस बी ये मेरे बोलने से पहले चीजें चमकनी चाहिए इसके बाद एक टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा कहते हैं मेरे ख्याल है, ये, तो ये, ये, ये चमका आगे सुनो ये तो सबको आता था अब जो मैं रिएक्शन लिखूंगी वो खतरनाक है मान लो मैंने लिखा टू ए टू फॉर्म थ्री बी अब कोई भी इक्विलिब्रियम का सवाल प्रोसीड करना है तो कैसे करेंगे इसको लिखेंगे A, इसको कुछ नहीं आपको हमेशा ए अल्फा तोड़ना है टू ए अल्फा नहीं तोड़ोगे सिंपल ए अल्फा तो ये बना ए माइनस ए अल्फा ये कितना बनेगा ये बनेगा थ्री बाई टू अल्फा जिसका ये नहीं आया वो पेपर में फंसेगा जिसने टू ए अल्फा तोड़ा वो पेपर में फिर कहीं ना कहीं जाके फंसेगा हमेशा क्या तोड़ना है ए अल्फा जो बनेगा वो देख लेंगे हमेशा तोड़ना क्या है ए अल्फा आगे हम निकालते हैं रिएक्शन क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है Q Q मतलब कितनी भी C की कॉन्सेंट्रेशन है पावर C D की कॉन्सेंट्रेशन पावर D A की कॉन्सेंट्रेशन पावर A B की कॉन्सेंट्रेशन पावर B मगर अगर आप इसको यहां पर सारे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं तो वो कहलाएगा के इक्विलिब्रियम अगर आप किसी भी टाइम T पर रखते हैं ये कहलाएगा रिएक्शन क्वेश्चन याद है अगर Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से कम है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आगे जाएगी ये चमकना चाहिए अगर Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के इक्वल है तो रिएक्शन इज पे है। अगर की से ज़्यादा तो जाएगी? जाएगी, जाएगी। पीछे जाएगी, जाएगी. ये चमकना चाहिए, इतना चमक रहा है क्वेश्चन बन जाएंगे ये नहीं चमक रहा तो तुम देख लो है ना कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम में एक सवाल आता है फ्रॉम ली चैटलिय प्रिंसिपल ली एटलीस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और तुम कुछ ना कुछ करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो तो भाई साहब पलटवार तो होगा ही होगा है ना पलटवार होगा रिएक्शन उधर पलटेगी जहां जो भी तुमने एडिशनल चीज ऐड करी है उसका जो इफेक्ट है उसको कम करा जाना चाहिए तो वो ये कहता है कि मान लो अगर किसी रिएक्शन में मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है थ्री ए गैस टू फॉर्म फोर बी गैस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सीखते हैं वो कहता है मान लो इस रिएक्शन में तुमने रिएक्टेंट डाले रिएक्टेंट बढ़ाया

अगर डेल्टा एनजी जीरो नहीं है ये 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 बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये नहीं चमका तो तुम फंसोगे ये चमकना जरूरी है ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट केस है अगर डेल्टा एनजी नॉन नौ, नॉट इक्वल टू जीरो है तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ गैशियस मोल्स बढ़ रहे हैं जैसे इस रिएक्शन में थ्री ए प्लस फोर भी तुमने वॉल्यूम बढ़ाया रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैशियस मोल्स बढ़ रहे हैं रिएक्शन कहां जाएगी फॉरवर्ड चमका या नहीं चमका ये सुपर इंपॉर्टेंट था आगे देखो अगर मैं बात करती हूँ चेंज इन प्रेशर इसी रिएक्शन के लिए सपोज करो तुमने प्रेशर बढ़ाया प्रेशर बढ़ाने का मतलब तुमने वॉल्यूम कम किया रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो ये रिएक्शन कहा जाएगी बैकवर्ड आ रहा ना आंसर यही ली एटलिय प्रिंसिपल से ऐसा ही सवाल आता है टेम्परेचर में चेंज करो आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं दीज विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर चमका लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ना इंपॉर्टेंट केस है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इसके भी दो केसेस हैं अगर आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर आपने प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करी मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट बन रहे हैं मतलब इसी रिएक्शन में अगर आपने इनर्ट गैस को कॉन्स्टेंट किस पे प्रेशर पे ऐड किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट गैशियस सबस्टेंसेज बढ़ रहे हैं

पेपर जैसे जैसे पास आता है डर सबको लगता है ठीक है ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी ना उसको भी अंदर से डर ज़रूर लगता है ऐसा कोई बच्चा नहीं है दुनिया में जिसको डर ना लगता हो पेपर से मगर इम्पॉर्टेंट ये कि क्या तुमने अपने डर पे है ना वो पकड़ रख रखी है क्या तुम डर को कंट्रोल कर सकते हो इफ़ यस सिलेक्शन हो जाएगा अगर डर से तुम डर गए ठीक है और डर तुम पे हावी हो गया तो एक इंटेलिजेंट बच्चे का एक डिजर्विंग बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होता अगर डर ओवरपावर कर जाता है तुम्हारी मेहनत को आगे केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा कंप्लीट हो चुका है केमिकल इक्विलिब्रियम में इसी तरीके के सवाल आते हैं आई थिंक ये सॉर्टेड है अब मैं बात करती हूँ आइनिक इक्विलिब्रियम आइनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पता होना चाहिए जैसे मान लो एच टू एस फोर एच टू एस ओफोर एक एसिड है जब आप इससे एच प्लस निकलवाओगे ये बनेगा एच एस फोर माइनस एसिड से एच प्लस निकालने के बाद जो बनता है वो है कॉन्जुगेट बेस अगर कोई मुझे कहे एच एस ओ फोर माइनस का आप एक काम करो कॉन्जुगेट एसिड भी लिख के बताओ कॉन्जुगेट बेस भी लिख के बताओ कैसे लिखेंगे एच एस ओ फोर माइनस अगर एक एसिड है अगर ये खुद एक एसिड है तो ये एच प्लस देगा एच प्लस देने के बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस अगर ये एक बेस है तो ये H प्लस गेन करेगा H प्लस गेन करने के बाद ये जो बनेगा वो कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड ये चमकना चाहिए इतना नहीं क्लियर हो रहा तो पेपर में दिक्कत आती है वाटर की कहानी करते हैं आपको पता है वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एच प्लस प्लस ओ एच माइनस वॉटर ऑटो क्या ऑटो आयोनाइ होता है आपको पता है इक्विलिब्रियम पानी के लिए हम क्या लिखते हैं एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन वाटर एक प्योर लिक्विड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी नहीं होती है कॉन्सेंट वैल्यू होती है जिसका वैल्यू है फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव मोलर ये मेरे बोलने से पहले चमकना चाहिए था इसको उठा के यहाँ लिखोगे आपके पास आ जाएगा के डब्ल्यू विच विल बी इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट

इसके बाद हम डिफाइन करते हैं पीके डब्ल्यू आप स्केल लिखते हैं जीरो से फोर्टीन आपका स्केल होता है जो मिडिल पॉइंट होता है वो सेवन होता है वो क्या होता है वो क्या होता है हमारा पीएच ऑफ न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्यूशन तो पीएच लेसिड ग्रेटर देन आपका बेसिक होता है ये सबको आता है आगे आपके पेपर में मैक्सिमम चांसेस है या तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड या तीन स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर uh, का पीएच पूछा जाएगा या दो या तीन स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर का पीएच पूछा जाता है अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का पीएच पूछा गया जैसे एच ए एच ए की कॉन्सेंट्रेशन मान लो वन मोलर दे रखी है ट्वेंटी मिलीलीटर दे रखी है एच टू ए की कॉन्सेंट्रेशन टू मोलर दे रखी है और क्या कहते हैं वॉल्यूम आपको सिक्सटी मिलीलीटर दे रखा है तो पहले तो तुमको एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ एच एच ए तो एच तो ए तो तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी और यहां पर एच कितना आएगा साठ इंटू दो एक सौ बीस इंटू दो दो सौ चालीस तो ये तो टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स है टोटल वॉल्यूम साठ प्लस बीस अस्सी ये एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई पी एच कैसे निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ एच प्लस तो अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर का पी एच चाहिए तो मान लो मेरे पास है बी ओ एच मेरे पास है एक है बी एक है मेरे पास बी ओ एच और एक है सी ओ एच ट्वाइस या बी डैश ओ एच का ट्वाइस तो पहले मैं क्या करूंगी जितने भी मोल्स ऑफ ओ एच माइनस यहां से आएंगे प्लस टू टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स मोल माइनस जो यहां से आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर लूंगी तो यहां से मेरे अब यहां पे बहुत बड़ी गलती होती है आपने टोटल ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली तो जब आप माइनस लॉग लेंगे ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का तो पीओ एच आएगा और आपको पता होना चाहिए कि पी एच प्लस पी ओ एच की वैल्यू होती है फोर्टीन केवल और केवल ट्वेंटी फाइव डिग्री सी पे रिपोर्ट पीएच करना है या पीओएच करना है ये बहुत बार गलत हो जाता है ठीक है तुम्हें तो चमकता ही नहीं है कि हमें रिपोर्ट पीएच करना है या फिर पीओएच करना है ये हो गया इक्विलिब्रियम पे जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो हमारे पास सवाल पूछा जाता है आ, कि आप मुझे ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके दिखाओ अब आपको पता होना चाहिए आपके सॉल्ट कितने प्रकार के हैं आपका सॉल्ट स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस का है आ, या फिर चलो पहले ये कर लेते हैं सॉल्ट को भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे मान लो मेरे पास एक स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का मिक्सचर है जैसे HCl ठीक है HCl और NaOH का मिक्सचर है और मेरे से पूछा गया कि इसके 0.1 मोलर है 10 मिलीलीटर ले रखा है ये 0.2 मोलर है 20 मिलीलीटर ले रखा है ये वही एसिड बेस वाली कहानी हो गई अब वो आपको कह रहा है इसका pH निकाल के दिखाओ कोई टेंशन नहीं लेनी है आप बस सोचोगे H+ OH- H2 याद आया हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते थे एच प्लस निकालो ओ एच माइनस निकालो एच प्लस कितने हो गए जीरो से 10, जीरो गया मिलीमोल mm. OH mm. तो मेरे को एक बात बताओ यहाँ से वन मिलीमोल एच प्लस का खत्म हो गया यहाँ से वन मिलीमोल ओ एच माइनस का खत्म हो गया तो बचा हुआ ओ एच माइनस कितना थ्री मिलीमोल टोटल वॉल्यूम की इतना दस और बीस मिली तीस मिली लीटर तो ओ एच माइनस आ गया Oh की आ आ आ गई जाएगा गया तो पीएच आ जाएगा आज इस पर्टिकुलर सेशन का जो मतलब था आज इस पर्टिकुलर सेशन का जो लॉजिक था वो ये था कि न, जो भी क्वेश्चन ये जो जितने भी मैंने टाइटल यहाँ पे डाल रखे हैं ना ये सारे टाइटल अपने आप में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सवाल के रूप में आएंगे मगर आपको टाइटल को देख के क्लिक करना चाहिए कि मुझे फाइनली करना क्या है अगर वो क्लिक कर रहा है तो पेपर में सवाल भी बन जाएगा मगर अगर थियोरी ही क्लिक नहीं कर रही तो पेपर में सवाल तो कहां से ही बनेगा समझ रहे हो अगला है अगर मैं एक वीक एसिड के पीएच की बात करती हूँ वीक एसिड फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड ये फटाक से दिमाग में आना चाहिए टू फॉर्म एसिटेट प्लस एच प्लस आपको पता है ये सी 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 नथिंग नथिंग माइनस अल्फा 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 आपको पता है के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी वन माइनस अल्फा सी से सी गया क्या आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाय स्क्वाय माइनस अल्फा अब ध्यान से सुनना अल्फा अगर 0.05 से कम है तभी नेग्लेक्ट करोगे तभी नेगलेक्ट करोगे नहीं तो नहीं करोगे तो आपके पास आ जाएगा के की वैल्यू क्या है सी अल्फा स्क्वायर समझ गए के K की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी अंडर रूट दैट्स इट सिमिलरली अगर बेस की बात करती हूँ मान लो मेरे पास एक वीक बेस है बी ओ एच ये टूटेगा टू फॉर्म बी प्लस प्लस माइनस वंस अगैन पूरी कहानी करने के बाद एल्फा क्या आ जाएगा अंडर रूट के बी बाई सी आपसे एल्फा नहीं पूछा जाता आपसे पूछा जाता है ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी सी एल्फा यानी कि एल्फा कितना है के बी टाइम सी इन टू सी सी का स्क्वायर अंदर आ जाएगा इसको गोली मारो आंसर आ जाएगा अंडर रूट के बी टाइम सी डायरेक्टली फॉर्मूला अगर पता होगा पेपर में ये सारी तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूड के बी टाइम सी यहां पर अंडर रूड के टाइम सी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का फॉर्मूला याद है बताओ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का फॉर्मूला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब जैसे एसिटिक एसिड जैसे एसिटेट ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास एसिड का केए है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस के केबी के साथ तो दिस विल बी इक्वल टू तो केडब्ल्यू के इनटू केबी की वैल्यू विल बी इक्वल टू तो केडब्ल्यू कई बार पेपर में एसिटिक एसिड का सवाल आता है के नहीं गिवन होता केबी गिवन होता है याद आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस पेपर में के गिवन ही नहीं है केबी गिवन है तो पहले केबी के इनटू केबी यूज करके केडब्ल्यू के निकालोगे फिर केडब्ल्यू पता ही है

अगर बाहर से तुमने H प्लस एक्स्ट्रा एड किया है लेटर से पॉइंट को करते कैसे हैं कि भाई acetic acid already एक weak acid था, तुमने बाहर से कर कर दिया, H common ion add कर दिया, H तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे ही कम हो जाता है फिर तुम इस सी एल्फा डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हो पॉइंट वन के कंपैरिजन में सो दिस इज द क्रक्स पॉइंट जो पेपर में चमकना चाहिए ये लास्ट क्रक्स पॉइंट था जो पेपर में आना चाहिए अब आगे करते हैं इक्विलिब्रियम का स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सवाल आता है अभी तक कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था घुमा फिरा के पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम के इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है सोल्ट हाइड्रोलिसिस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मान लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है एन तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है पीएच सेवन है मान लो मेरे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब आपका एसिड वीक है इसका शॉर्टकट सिखा रही हूँ जहां जहां एसिड वीक होगा हर जगह प्लस आएगा तो पी एच इज इक्वल अगर मेरे पास एसिड वीक बेस है अगर बेस वीक है हर जगह माइनस आएगा सेवन माइनस हाफ पी के भी माइनस हाफ लॉग सी। और वीक एसिड वीके वीक बेस देखो अगर एसिड और बेस दोनों ही वीक है तो एसिड के सामने प्लस बेस के सामने माइनस हाफ सेवन प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस हाफ ऑफ पी के भी अब मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ ये डायरेक्ट सवाल है जो पेपर में आता है और अगर ये डायरेक्ट सवाल मेरे बिना कहे मतलब मेरे बिना समझाए अगर तुम्हें फॉर्मूला याद था तो सवाल बन जाएगा फॉर्मूला नहीं चमका तो भाई तुम हजार क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लो नहीं बनेगा ठीक है डन है चलो अगला देख लो बफर सोल्यूशन तुम्हें पता ही है अगर तुम्हारे पास एक वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस या फिर तुम्हारे पास एक वीक बेस है उसी वीक बेस का सॉल्ट है विद एसिड इसको बोलेंगे एसिडिक बफर एसिडिक बफर ये बोलेंगे बेसिक बफर बफर के लिए आप हैंडरसन एच ई एन डी आर एन एनडरसन इक्वेशन अब मेरे बोलने से पहले हैंडरसन इक्वेशन लिख दो क्या थी पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्जुगेट बेस डिड बाई एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्विले लिखना इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे ये है पीओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड यानी कि सॉल्ट कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाई बेस की कॉन्सेंट्रेशन ये लिखना चाहिए ये लिखना आना चाहिए यहां से पीएच निकलता है यहां से पीएच एक लास्ट टॉपिक है हमारे इस सेशन इक्विलिब्रियम का है ना अरे अरे ये क्या हो गया हाँ हमारे इस सेशन इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है ए जी थ्री पीओ फोर मैं तुम्हें दे रही हूं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट तो तुम क्या लिखोगे पहले लिखोगे थ्री ए जी प्लस प्लस पीओ फोर थ्री माइनस फिर तुम लिखोगे टी इज इक्वल टू जीरो पेज का कुछ ए अमाउंट था कुछ नहीं कुछ नहीं टी इज इक्वल टू टीविलिब्रियम पे मान लो इसकी सोल्यूबिलिटी s है तो यहाँ पे हमें कंसिडर नहीं करना ये बना 3s ये बना s और अगर तुम्हें कोई कई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी लिखो तो तुम लिखोगे थ्री एस का होल क्यूब इंटू एस की पावर वन ये सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी का तुम्हारे पेपर में जो सवाल आएगा वहां पर एड कर देगा कॉमन आयन कॉमन आयन मतलब अगर उसने फोस्फेट लेटेस्ट से वो कह रहा है एन ए थ्री एन ए थ्री पी ओ फोर का पॉइंट वन मोल मैंने बाहर से डाला तो जब आप हाँ पॉइंट वन डालोगे यहाँ पर एस प्लस पॉइंट वन कर देना जब आप एस प्लस पॉइंट वन करोगे के एस पी की वैल्यू आपको दे रखी होगी इसको लिखोगे थ्री एस से कॉमन आइन इफेक्ट डाला है मतलब कॉमन कॉमन डाल दिया जिसकी वजह से इफेक्ट लगेगा सॉलिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी इस एस को नेग्लेक्ट कर देना ये जो मैंने बोला अगर तुमको ये चमका है ब्लू वाला पर्टिकुलरली जो ब्लू वाला तो भाई तुम्हें पेपर में डरना नहीं है मगर जो मैंने बोला अगर ये नहीं चमका ना तो जो डिटेल लेक्चर मैंने लिए थे वहां जाकर पहले ये सीखो तभी पेपर में जाना नहीं तो ये टॉपिक से सवाल आएगा और तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा ये थे हमारे छह चैप्टर्स जो कि हमने कंप्लीट कर लिए अब आप बताइए क्या आपको ये सारे के सारे छह चैप्टर्स अच्छे से चमके क्या आपने लिख लिया कि ये 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 टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं चमक रहे हैं इनको मुझे डिटेल में बाद में रिवाइज करना है चमक गया ठीक है हाँ तो अगर किसी को इक्विलिब्रियम नहीं आता या किसी को थर्मो नहीं आता या किसी को लेट्स से स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता जो नहीं आता इस सेशन से अगर तुमने इतना भी पता कर लेना कि ये मुझे नहीं आता तुम उनको रिवाइज कर लो तुम लास्ट के दिनों में भी ना अपने काफी नंबर इंप्रूव कर लोगे प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को लगता है कि मुझे आता है जबकि सच्चाई ये होती है कि उसको नहीं आता ठीक है अब लेटर से जिसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मेरे लिखे लिखने के बाद तुम्हें ये फॉर्मूला याद आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हें नहीं आता मेरे लिखने से पहले अगर किसी बच्चे ने ये फॉर्मूला लिखे है ना इसका मतलब उस बच्चे को आता है और तुमसे पेपर में सवाल भी बनेंगे अभी क्या हो रहा है जब पेपर में इतना कम टाइम रह गया तो बच्चों को ये है कि हमें ना हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दो मैं कह रही हूँ तुमने कौन से सा सारे के सारे, सारे सवाल करने हैं पेपर में कोई सारे के सारे तो नहीं करने हैं ना ठीक है अपने अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करोगे तो पहले जो बहुत सिंपल चीजें हैं जो आती आती हैं उनको तो पक्का करो नई और मुश्किल क्वेश्चन करने की बजाय जो हंड्रेड परसेंट आती है उसमें भी गलती करोगे तो फिर क्या दिक्कत फिर तो मतलब गलती है ना ठीक है चलो ठीक है हाँ जी तो अब हमारे पास समय हो चुका है ब्रेक 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 ऑर्गेनिक मेरे को स... नहीं अभी रिडॉक्स है पहले कर, ब्रेक लेनी हो तो तुम बता दो नहीं लेनी कंटिन्यू करना है तो तुम बता दो भाई मेरे पेट में तो अभी चूहे नहीं कूद रहे हैं अच्छा मैं पहले सेव कर लेती हूँ हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए भाई तुम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें भूख लग रही है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद दैट सिचुएशन हाँ तो तुम बता दो अच्छा कितने पन्ने हो गए थे ये तो मैंने देखा ही नहीं ठीक है कितने पन्ने हो गए हमारे ये देख लेते हैं Uh, uh, uh. हम कंप्लीट कर चुके हैं थर्टी फोर थर्टी फोर पन्ने हो चुके हैं एक सौ ग्यारह टोटल पन्ने हैं तो वन थर्ड से ज्यादा ही लगभग हमने सौ पन्ने हैं सौ पन्ने हैं, मतलब ग्यारह कुछ खाली स्लाइड्स भी होंगी, तो सौ पन्ने थर्टी फोर हमने कंप्लीट कर लिया वन थर्ड इज ऑलमोस्ट डन अब आगे तुम कहो ब्रेक चाहिए या पढ़ लें पोल कर लें पोल करके कर देखते हैं ठीक है पोल करके देखते हैं रुको 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 आज मैं ट्राई करती हूँ पोल कैसे करते हैं लाइव क्लास में कैसे करते मेरे को आता नहीं है भाई साहब आ गया मुझे स्टार्ट अ पोल ठीक है ब्रेक और नॉट चलो बताओ पोल में आप सही सही से आंसर दे देना बाद में मत कहना ठीक है पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया है अगर तुम हाँ कर दोगे तो ब्रेक दे देंगे ना कर दोगे तो ब्रेक नहीं देंगे सबने कर, सब कर दिया ऐसे मत कर जल्दी मतलब फिफ्टी वन परसेंट कह रहे हैं लो फिफ्टी वन परसेंट कह रहे हैं नो ब्रेक नहीं मैंने अभी लंच नहीं किया मैं बात तुम, मतलब जब तुम ब्रेक दोगे तभी करेंगे यार ये पचास परसेंट पे लाके कौन अटकाता है तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई यार पोल कर रहे हैं फिफ्टी फिफ्टी कह रहे हैं हे भगवान कोई एक आधा ही या तो हाँ करो या ना करो ठीक है हाँ कर लिया मैं चार तक गिन रही हूँ जो फाइनल होगा हम इस पोल के बेसिस पे कर देंगे ठीक है मतलब इतने सारे बच्चे प्रेजेंट हैं और पोल सिर्फ कम बच्चों ने वोट कम आ रहे हैं सारे बच्चे करो पहले वोट फिफ्टी फिफ्टी परसेंट आ रहा है यार कैसी बातें कर रहे हो हाँ तो नहीं चाहिए तो फिफ्टी वन कर दो ठीक है भाई मैं तो कह रही हूँ I am, I am no मैं तो कह रही हूं मैं राजी खुशी हूं तुम्हारे साथ भाई अभी अभी और मतलब इतने सारे बच्चे क्लास में हैं और पोल नहीं कर मतलब वो नहीं कर रहे हैं वोट नहीं दे रहे हैं व, वोट दो पहले तो तुम्हें आता नहीं क्या वोट कैसे देते हैं यहाँ पे आ रहा होगा क्लिक कर दो हाँ या ना पे मैं तुम्हें सुना दूंगी यार बारी बारी पचास परसेंट पे लाके खड़े कर रहे हूं मुझे चलो मैं एक काम करती हूँ फिर भी एक हजार बच्चों ने वोट्स दे दिया मतलब मतलब जितने बच्चे वोट दे रहे हैं उनमें से आधे है ना यस वाले आधे नो वाले हैं कोई तो एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाओ इससे अच्छा ठीक है <laughs> क्या बात है बड़े लोग आए हमारी चैटों में क्या बात है मतलब आज क्या बात होगी चलो भाई तो हम पोल को एंड कर रहे हैं पोल को एंड करा था और पोल के मुताबिक एक मिनट ब्रेक और नो ब्रेक पे एक मिनट फिफ्टी परसेंट बच्चों ने बोला है फिफ्टी परसेंट कैसे हो सकता है फिफ्टी वन होना चाहिए ना फिफ्टी वन परसेंट बच्चों ने बोला यस फोर्टी नाइन परसेंट बच्चों ने बोला नो ब्रेक तो क्योंकि है ना पोल हमने किया था और कई लोगों की पोल भी हम खोलते रहते हैं तो कहने का मतलब है कि अब हम ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि फिफ्टी वन प्रतिशत बच्चों ने बोला है कि ब्रेक ले लो तो हम ब्रेक ले, ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हम ब्रेक ले, ले लेते हैं अब क्योंकि मैं खाना लाई नहीं हूं घर से तो मुझे थोड़ा बाहर वो जो रेडी वाले भैया हैं वहां पर खाने जाना पड़ेगा तो इसीलिए हम बीस मिनट का आराम से ब्रेक लेंगे क्योंकि खाना देखो नहीं लाई है मैम आज घर से जिसके चलते बाहर जाके खाना पड़ेगा ठीक है चलो हम काउंट डाउन चालू कर देते हैं बीस मिनट में तो यार कैसे ही के आ जाऊंगी मैं पच्चीस मिनट का दे देते हैं और फिर दोबारा कोई ब्रेक नहीं मिलेगा चलो चौबीस ना तुम्हारा ना मेरा चौबीस मिनट का ब्रेक है ठीक है हम मेरे को जाना पड़ेगा मैं लाई होती ना तो मैं दस मिनट का ब्रेक देकर निपटा लेती हम लाई न्यू खाना कुछ भी नहीं लाई और भूख बहुत तेज लग रही है तो खाना तो पड़ेगा चौबीस मिनट का ब्रेक है जैसे ही मैं पहले मैं जूते पहन लेती फिर ब्रेक स्टार्ट करूंगी ये अच्छा आइडिया है एक एक मिनट का सदुपयोग किया जाए तो चौबीस मिनट का ब्रेक तुम्हें दे दिया है खा पी के आ जाओ फिर हम इस लेक्चर को करेंगे कंटिन्यू ठीक है ओके हाँ जी भाइयों बहनों दिल से माफी मैम थोड़ा सा लेट हो गई मैंने तुम्हें कहा था ना कि क्या कहते हैं थोड़ा दूर जाके खाना बड़ा यहाँ पे ना साढ़े तीन चार बजे खाना वाना सब बंद हो जाता है तो मिलता नहीं है फिर हम थोड़ी सी दूर गए तो एक एक आलू पराठा खा के आए तुमने खा लिया खाना वाना ऑल डन सब बच्चे आ गए आ गए सारे बच्चे अच्छा भाई स्पैमर्स भी आन दो यार मैंने कहा ही है, अब तो हम स्पैमर्स को दिल से मतलब बुलाते हैं क्लास में आ जाओ यार कोई टेंशन नहीं अपने को काहे टेंशन लेनी है है ना दो चलो बढ़िया है चलो <coughs> क्या खाया कह तो रही हूं ऐसे हमारे ऑफिस के बाजू में तो इतना कुछ मिलता नहीं है थोड़ी दूर जाके ठीक है वहां पे बड़ी सारी रेडियां होती हैं कि नहीं भैया के पास आलू पराठे होते हैं कोई वो कुलचे वगैरह वाले भी होते हैं मोमोज वाले भी होते हैं अब मम्मी को पता चल गया कि मोमोज वोमो खा के आए हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है मम्मी डांट देती है ठीक है तो मोमोज नहीं खाए फिर वहां गए खाने जहां पे थाली मिलती है ठीक है तीस चालीस रुपए की थाली देते हैं भैया काफी बढ़िया थाली होती है चालीस रुपए की थाली देते हैं वहां गए तो भैया बोला नहीं भाई अब तो खत्म हो चुका है फिर आजू बाजू में देखा तो एक परांठे वाले भैया खड़े थे हाँ फिर एक एक परांठा खा लिया एक सर ने खाया एक मैंने खाया भूख तो बहुत तेज लग रही थी अब मैं तुम्हें कैसे बताती कि भूख लग रही है अब लग तो रही थी भूख बट अब ठीक है मतलब एक परांठा ठूसने के बाद अच्छा लग रहा है चिकन बिरयानी नहीं खाते भाई हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं ठीक है हम लोग वेज हैं तो हम चिकन बिरयानी बिरयानी नहीं खाते बढ़िया बिरयानी तो तुम्हें खानी हो ना किसी दिन मेरे घर आना बढ़िया बिरयानी बनाऊंगी मैं मतलब एकदम बढ़िया और आजकल तो सीजन भी बहुत बढ़िया चल रहा है मटर वटर हो रखे हैं मस्त खाना वाना बनाती है अरे एक दिन एक बात बताती हूँ एक बच्चा कह रहा ठीक है तुम्हें पता ही है मैम का एक दूसरा चैनल पे भी चैनल भी है ठीक है तो वहाँ पे अभी आ, वो भगवान जी के लिए ना भगवान राम का वो था तो हमने प्रसाद बनाया ठीक है एक बच्चा आके कह रहा वहाँ पे किसी ने कमेंट किया कह रहा है इन मैडम को पढ़ाने का टाइम ही कहाँ मिलता होगा क्योंकि मैडम तो घर में लड्डू बना रही है मैंने मन में सोचा यार आजकल लोगों को इस बात की भी टेंशन है कि हम अपने घर में भगवान जी के लिए लड्डू ना बनाए क्योंकि तुम्हें पता है स्पैमर्स कौन भेजता है कहाँ से आते हैं वो तुम सब जानते हो मैंने कहा बताओ लोगों को इस बात से भी चिड़ मच रही है कि ये अपने घर में है ना हम एक सुखी जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं बच्चे को भी संभाल रहे हैं घर गृहस्थी भी संभाल रहे हैं और पढ़ा भी तगड़ा रहे हैं है ना मगर लोगों को इसमें भी दुख मच रहा है उनको लग रहा है कि भाई साहब ये जब घर में लड्डू बना रहे हैं तो पढ़ाएंगे कब तो मेरे मन से बस एक ही चीज निकली जय हो इससे ज्यादा तो हमें कुछ कहना ना आए चलो सो so, अब हम अपना सातवां चैप्टर स्टार्ट करते हैं सीरियस नोट पे मैं तुम्हें बता देती हूँ हमारे चैप्टर्स का जो फ्लो रहेगा वो है रिडॉक्स रिडॉक्स के बाद ऑर्गेनिक चालू हो जाएगी जीओसी पढ़ेंगे जीओसी थोड़ा लंबा खींचेगा क्योंकि लंबा चैप्टर है फिर है हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसके बाद हम कक्षा बारहवीं की केमिस्ट्री जो है स्टार्ट करेंगे डायलूट सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स डी एंड एफ उसके बाद कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ऑर्गेनिक चालू हो जाएगी अमीन्स, ये सारी चीजें हम करेंगे तो बस अब अपना पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए चैप्टर नंबर सेवन पे जिसका नाम है रिडोक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए कल को कोई तुम्हें कहीं सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्स माइनस एट इज माइनस टू एक्स की वैल्यू प्लस सिक्स तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सबको आता ही है बट कुछ केसेस में आप फंस जाते हो कल को वो कहे की सीआर ओ फाइव का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो तुम लगाओगे दिमाग x इज इक्वल टू प्लस टेन तुम्हें पता है क्रोमियम प्लस टेन ऑक्सीडेशन में एग्जिस्ट कर नहीं सकता ऐसे केसेस में तुम बना के देखोगे स्ट्रक्चर ऐसे केसेस में आप क्या करोगे स्ट्रक्चर बना के देखोगे जब आपने स्ट्रक्चर बनाकर देखना है तो होगा क्या हर बॉन्ड को तोड़ो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसको प्लस वन जो इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसको माइनस वन यहां तोड़ो जीरो जीरो अगर दोनों ही सेम है तो जीरो जीरो यहाँ तोड़ेंगे जीरो जीरो तोड़ेंगे प्लस वन माइनस वन यहाँ तोड़ेंगे प्लस वन यहाँ तोड़ेंगे माइनस वन यहाँ तोड़ेंगे माइनस टू यहाँ तोड़ेंगे प्लस टू तो क्रोमियम का जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो आया दो तीन चार पांच और छह तो क्रोमियम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है तो जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं कल को अगर आप एच टू एस फाइव का स्ट्रक्चर बनाओ आप एच टू एस टू ओ सेवन का स्ट्रक्चर बनाओ आप एच टू एस टू ओ एट का स्ट्रक्चर बनाओ तो जब भी आपको जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन है वहां से अगर बाहर निकलती हुई वैल्यूज मिल रही है तो आपको क्या करना है स्ट्रक्चर बनाकर देखना है समझ गया आगे देखिए अब मैं बात करती हूँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है जो दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीडेशन जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा आपको पता ही है वो खुद का क्या करेगा रिडक्शन कभी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का सवाल है ऐसे ही करोगे रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का रिडक्शन करता है क्या करता है दूसरे का रिडक्शन यानी कि जो खुद का खुद का क्या करना चाहिए ऑक्सीडेशन अरे अर 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 अर। ये क्या हो गया जी जो कि खुद का क्या करना चाहिए ऑक्सीडेशन अब मैं बात करती हूँ चमकना चाहिए वो होता है जहां एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और उसी एलिमेंट की रिडक्शन भी हो रही है सवाल पेपर में ऐसा पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन डिस्प्रपोर्शनेट होगा या किसका डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है अगर कोई बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है वो अपने से ऊपर भी जा सकता है अपने से नीचे भी जा सकता है तो जो भी एलिमेंट बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है वो होने के चांसेस रखता है तमक गया आगे आगे देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में बढ़ते हैं तो हमें पहले तो बैलेंसिंग पता होनी चाहिए मान लो कल को, को कोई एसिडिक मीडिया में बैलेंस करके दिखाओ तुम्हारे पास दो मेथड है अब पेपर के दिन दोनों मेथड नहीं रटने कोई भी एक मेथड जिसमें तुम प्रो फील करते हो खाली वही करना जब आप दोनों मेथड्स को रट के जाते हो तो दिक्कत ये होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो यार किस मेथड का स्टेप आपने कहां पर चिपका दिया जैसे मैंने मान लो ये वाला कर लिया कि MnO4- को पहले दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लिया एक रिएक्शन है सी टू ओ फोर मैंने कहा एक मैंगनीज पहले एटम्स को बैलेंस करोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गोली मारोगे यहाँ दो कार्बन है यहाँ दो कर लेना फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं पानी ऐड करके मेरे बैलेंस करने से पहले तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस हो जानी चाहिए चार हाइड्रो चार ऑक्सीजन है यहाँ पे चार पानी ऐड कर दो

इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे टू से दोनों को एड करोगे एंड यू विल गेट बैलेंस रिएक्शन तुमको जो स्टेप पसंद आ रहा है तुम वो स्टेप करो मगर करना जरूरी है एक ही एक ही मतलब प्रोसेस से करना है अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना चाहते हैं वेल एंड गुड अगर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना चाहते हैं दैट इज योर थिंग बट करोगे एक से ही दोनों से मेथड से नहीं करोगे फिर पेपर में याद नहीं रहता दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इक्वलिब्रियम में रिडॉक्स में मोल कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रो में हर जगह काम आती है इसका नाम है लॉ ऑफ इक्वलेंस लॉ ऑफ इक्वेलेंस कहता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर आप बैलेंसिंग नहीं करना चाहते आपको नहीं पता की एबीसीडी क्या है ये छोटे एबीसीडी क्या है आप गोली मारो सिर्फ इतना सोचो कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्वलेंस हर सब्सटेंस के सेम होते हैं नंबर ऑफ इक्वलेंस हर सब्सटेंस के सेम होते हैं दूसरी बात नंबर ऑफ इक्वलेंस निकालते कैसे नंबर ऑफ इक्वलेंस इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर अब दिक्कत ये आती है कि मैम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं तो एन फैक्टर किसी भी एसिड का क्या होता है भाई मैं इतनी तेज चीजें बोल रही हूं मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट मेरे आज इतने सारे हैं इसका एक ही रीजन है क्योंकि इतनी ही स्पीड से तुम्हें पेपर में सोचना है अगर मैं ये सारी चीजें धीमे धीमे पढ़ाऊ ना ये पूरी केमिस्ट्री का वन शॉट हो जाएगा जो मेरा 24 घंटे तक चलेगा मगर उस स्पीड से आप पेपर में नहीं सोचोगे क्योंकि अगर आप धीमे धीमे पेपर में सोचोगे तो टाइम नहीं बचेगा तो जितनी स्पीड से मैं बोल रही हूँ ना उतनी स्पीड से तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर्स आनी चाहिए इसके बाद तुम्हें कोई रिविजन की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री की आज का सेशन महा रिविजन हो जाएगा बट इस स्पीड से अब ये स्पीड से बोलना इज ऑल्सो नॉट ईजी फॉर मी क्योंकि तुम्हें भी पता जब आप इतने सारे वर्ड्स पर मिनट बोलते हो तो है ना दिमाग मुंह सब कुछ कोऑर्डिनेशन में रखना पड़ता है तो अगर कुछ प्लस माइनस हो जाता तो माफ करना क्योंकि आज बहुत स्पीड से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ बट थाउजेंड वर्ड पर मिनट नहीं इतना नहीं याद मतलब इतना थोड़ी ना मैं कर सकती हूं। बट मेरी कोशिश है कि तुम तुम्हें वो एटमोस्फियर बना के दू वो आज एनवाइट हमारी क्लास में हो जो पेपर में होगा ऐसे ही पेपर में फटाक से कॉन्सेप्ट चेंज होने चाहिए एसिड्स के लिए एन फैक्टर वो होता है कि कितने H प्लस वो दे सकता है अब मान लो तुम्हें कोई कहे बोरिक एसिड ये नहीं कि बोरिक एसिड में तीन H प्लस है तो इसका एन फैक्टर तीन हो जाएगा नहीं सिमिलरली कोई तुम्हें कहे एच थ्री पीओ फोर कोई तुम्हें कहे एच थ्री पीओ टू या पीओ थ्री का तो एन फैक्टर है चार ऑक्सीजन है तीन हाइड्रोजन है तो ऐसे केस में एन फैक्टर कितना आ गया थ्री मगर एच थ्री पीओ थ्री के केस में तीन ही ऑक्सीजन है तो आपके कितने हाइड्रोजन आयोनाइजेबल हैं दो तो इस केस में एन फैक्टर दो ये पेपर में सवाल आएगा अगर कोई कहे बेस के लिए एन फैक्टर बताओ

आयोडीन जीरो से गया माइनस वन में चेंज हुआ एक का दो आयोडीन के लिए चेंज हुआ दो का, 0, आएगा प्लस टू में यहां पे आएगा सल्फर आएगा ढाई में तो ध्यान से देखो कितने का चेंज हुआ आधे का कितने सल्फर है दो तो टोटल चेंज कितना हुआ एक तो हाइपो एन फैक्टर एन ए टू एस टू ओ थ्री का कितना है वन ये मेरे बोलने से पहले अगर चमका है तो बढ़िया मेरे बोलने के बाद चमका है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है टाइट्रेशन के सवाल कैसे आएंगे टाइट्रेशन में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है टाइट्रेशन में चुपचाप लगाओगे नंबर ऑफ इक्वलेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल्स ऑफ बी नंबर ऑफ इक्वलेंस का फॉर्मुला नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर चाहे तुम एसिड बेस टाइट्रेशन करो रिडोक्स टाइट्रेशन करो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा

ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब मैंने पंद्रह से बीस मिनट में पूरे चैप्टर को एक बार आपको रिकॉल करा दिया रिवाइज करा दिया चमक गया सबको चमक गया सब बच्चों को समझ गया ठीक है डन है तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है सातवां चैप्टर जिसका नाम था रेडॉक्स रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमें ब्लू कलर के हार्ट चाहिए चैट सेक्शन में ब्लू कलर से ही लिखा हुआ हर जगह तो ब्लू कलर के हार्ट्स आने चाहिए इन द चैट सेक्शन उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई साहब अब हमारी स्पीड भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं वो भी बढ़ेंगे क्योंकि आगे सिर्फ एक जियो सी थोड़ा लंबा चैप्टर है उसके बाद हाइड्रोकार्बन हो गया अः फिर डायल्यूट सोल्यूशन इलेक्ट्रोकैनेटिक सब छोटे 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 जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे ब्लू कलर के हार्ट्स नहीं आ रहे क्या बात हो गई है ब्लू कलर के हार्ट्स आ जाने चाहिए इन द चैट सेक्शन बैन 153 बा बा बाकी है भैया अभी डी एंड एफ ब्लॉक बाकी है आने तो दो डी एंड एफ ब्लॉक पे सब कराया जाएगा घबराओ मत मैं जितना मैंने होशो हुआ इस तुम्हें पढ़ा सकते हो ना सब पढ़ाऊंगी तो डी एंड एफ ब्लॉक पे आने दो के एम एन ओ फोर की सारी रिएक्शन कराऊंगी ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया ब्लू कलर के हार्ट्स आ चुके हैं तुम अच्छे अच्छे बच्चे हो है ना मैम कहती है तुम मान जाते हो मैम कहती है हार्ट से तो तुम दे देते हो मतलब यही तो चाहिए यार और क्या चाहिए बच्चे एक टीचर को ना सबसे बड़ी चीज़ एक टीचर के लिए ये होती है कि उसका बच्चा उसको प्यार करें दैट्स इट है ना हाँ तो ये तो मैं भी मानती हूँ मतलब इतने साल के टीचिंग करियर में अगर मतलब कई कई बार क्या होता है ना टीचर बाय चांस टीचर होते हैं बाय चॉइस नहीं होते बट हमारे केस में अलग था कि हमने जो अपनी पहली जॉब भी करी थी द फर्स्ट कंपनी जिसमें मैंने काम किया था uh, जो कि डायरेक्ट है ना जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी आई आई रुड़की से तो चलो आज मैं तुम्हें बीच में ना एक स्टोरी सुनाऊंगी ठीक है तो जो मेरी प्लेसमेंट हुई थी रुड़की में वो हुई ही एक ऑनलाइन एटेक कंपनी में थी एंड बाय चॉइस आई बिकेम अ टीचर तो वो कहते हैं ना टीचर को वो टीचिंग स्पिरिट बनाए रखने के लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है टीचर की साइड से जो जरूरी होता है कि आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करो मतलब टीचर की साइड से हार्ड वर्क तो डेफिनेटली जरूरी होता है और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आपके बच्चे आपका साथ दे तो बच्चा जितना साथ देता है टीचर डबल मेहनत करता है मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम इस सेशन को जितना छः सात घंटे जब तक चलेगा तुम देख रहे हो तो मेरा एफर्ट देखो उतना ही इक्वल है छः सात घंटे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी उससे पहले मैंने स्लाइड्स बनाई और तुम्हारा जो काम हो जाएगा उसके बाद वो सारी रिविजन हो जाएगी तो एक बच्चे की सिलेक्शन के पीछे है ना टीचर का भी इंपॉर्टेंस होता है नहीं 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 अन अनकेडमी वॉज नॉट द फर्स्ट कंपनी जिसको मैंने ज्वाइन किया था वो लाइफ का एक लेटर पार्ट था मतलब बहुत टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ यार ठीक है चलो मैं पास आउट हूँ 2000 मतलब जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी तो दैट वाज इन 2013 से 15 तक पढ़ाया था ठीक है 2013 से 15 तक मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी थी रुड़की से उसके बाद 15 से है ना पढ़ाना शुरू किया और ये तो हो गया जो ऑफिशियली जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ठीक है एज एक कंपनी में ज्वाइन करके और उससे पहले ही मतलब जब मैं अपना बैचलर्स कर रही थी फिर जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तब मैंने बहुत सारे बच्चों को होम ट्यूशन भी दिए हैं मैंने तुम्हें बताया था मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छी फैमिली से नहीं थी ठीक है मतलब मेरे को था कि आई शुड सपोर्ट माई फैमिली बचपन से ही मतलब तो जब से मैंने अपनी बैचलर्स स्टार्ट करी थी तब से मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो फिर इसीलिए अब काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते चलिए सो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं चैप्टर नंबर एट जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए जीओसी पे सामने देखिए एंड आई टीच यू जीओसी में सबसे पहले मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है नॉम इन क्लेचर नॉम क्लेचर को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि पेपर में नॉम क्लेचर का रेयरली सवाल आता है और अगर सवाल आ भी जाए तो वो सवाल तभी तुमसे बनेगा अगर तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए तो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले देखो मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया मगर मैं चाहती हूँ कि ये ढक जाए और तुम खुद से लिखो

ऐसे सवाल जनरली पेपर में आते हैं जहां पर आपका जो बाहुबली फंक्शनल ग्रुप है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है अगर आप उसको कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, मेरे लिखने से पहले नाम लिख जाना चाहिए one, two, three, four, five. इसको तो नंबर देना देना ही देना है मगर ये नहीं कि नंबर वन यहां दे दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड एक मेन फंक्शनल ग्रुप है बाहुबली फंक्शनल ग्रुप है बट इट इज नॉट कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ चेन इन दिस कंपाउंड तो इसका नाम हो जाएगा टू पे ब्रोमो साइक्लो पेंटेन वन पे ओइक एसिड नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा सवाल पेपर में आने के काफी सारे चांसेस हैं तो ये चमकना चाहिए अब जीओसी में हमारा दूसरा टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म 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 का सबसे पहला सवाल तभी बनता है जब आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आता तो आपको मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के दो फॉर्मूला सिखाए थे मेरे लिखने से पहले आंसर आना चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे रखा है तो आप क्या गिनते हैं पाई बॉन्ड प्लस रिंग ठीक है अब इसमें कंफ्यूज मत होना ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में पाई बॉन्ड और रिंग गिनते हैं स्टेरिक नंबर में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनते थे ये नहीं कि दोनों चीजों को क्लब करके खिचड़ी बना दी खिचड़ी मत बनाना अगर आपके पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं है कंपाउंड का फॉर्मूला है जैसे फॉर एग्जाम्पल सी सिक्स एच फाइव एनओ टू सी सिक्स एच फाइव एनओ टू कोई भी गंदा सा कंपाउंड ले दे ऐसे कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया था कार्बन को देर तड़क थप्पड़ मारेंगे सी प्लस वन ब्रैकेट में रख दो माइनस करो हाइड्रोजन प्लस हेलोजन को ऐड कर दो दोनों भाइयों को ऐड करो नाइट्रोजन सौतेले भाई को माइनस करो डिवाइडेड बाय याद आ गया ये फॉर्मूला मेरे बताने से पहले चमकना चाहिए था क्योंकि अगर ये नहीं चमका तो पेपर में ठन ठन गोपाल हो जाएगा क्या करना था कार्बन में प्लस वन माइनस लगाएंगे सबसे पहले लिखेंगे क्या हाइड्रोजन और हेलोजन दो सगे भाइयों को ऐड करेंगे सौतेले भाई को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई टू जीओसी में आगे बढ़ते हैं <coughs> हमारे आइसोमेरिज्म दो तरीके से हम लिखते हैं एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं दिस इज टू बेसिक मेरे ख्याल से सबको आता है बट स्टिल एक बार रीकैप करा देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है चेन आइसोमर रिंग चेन आइसोमर पोजिशन फंक्शनल आइसोम मेटामर चेन आइसोमर वो होते हैं अगर आपके मेन चेन की लेंथ अलग अलग है या फिर साइड चेन की लेंथ अलग अलग है रिंग चेन आइसोमर्स वो होते हैं जहां पर अगर एक चेन में आपके पास डबल बॉन्ड है और एक जो चेन है वो आपकी रिंग है पोजिशन आइसोम ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है फंक्शनल आइसोमरिज मतलब एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है है ना एक एस्टर है एक एसिड है किस भी तरीके से अगर आप बनाते हैं तो दीजा फंक्शनल आइसोमर्स मेटामर्स इसमें हम रावण को याद करते हैं कई लोग रावण हैं दुनिया में रावण को हम याद करते हैं मान लो रावण के जैसे बीच वाला एक कॉमन सिर हो गया यहाँ पांच सिर लगा दो यहाँ तुम टोटल तीन सिर लगा दो तो टोटल है ना रावण के दस सिर होते हैं पांच यहाँ लगा दो चार यहाँ लगा दो बीच में एक तो जितने भी मेरे बाय वेलेंट फंक्शन ग्रुप्स होते हैं वहां पे मेटामर्स यूज होता है मेरे ख्याल से जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल अगर आता है पेपर में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि न्यूमैन को सोहॉर्स और फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमैन में मान लो आपने आगे डॉट लगा के यहाँ लिख रखा है लेटर ए है ना एक काम करो यहाँ तुम लिख दो लेटर से सी एच थ्री यहाँ तुम लिख दो बी आर यहाँ तुम लिख दो अनादर सी डी थ्री लिख दो पीछे वाले पे तुम लिख दो सी डी थ्री यहाँ तुम लिख दो बी अच्छा अलग अलग कर देते हैं नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे पीछे वाले पे तुम यहाँ लिख दो सी एच थ्री ये पीछे है यहाँ लिख दो सी एल यहाँ लिख दो सी डी थ्री कोई कहे इसको इसमें कन्वर्ट करो तो आगे वाले को सेम रखो ये सी एच थ्री ये बी आर नीचे आ जाएगा सी डी थ्री मेरे बनाने से पहले तुम्हारा बन जाना चाहिए अगर तुम ये सोच के कर रहे हो कि मैम लिखती जा रही है हमारे दिमाग में घुसता जा रहा है तो तुम गलत हो तुम गलत हो ये मेरे बनाने से पहले तुम्हारा आना चाहिए फिर मैंने कहा था हमारे घर के सामने वाले पार्क में एक अंकल योगा करते हैं है ना जब वो योगा करते हैं हाथ ऊपर होते हैं फिर वो उनके हाथ नीचे जाते हैं याद है योगा करते हो ऊपर वाले हाथ नीचे जाते हैं तो जब तुम योगा कर रहे हो तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर हैं तो ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा नीचे वाला कार्बन सी एच थ्री आ जाएगा लेफ्ट में बी आर आ जाएगा राइट में सी डी थ्री आ जाएगा नीचे इधर देखो सी डी थ्री आ जाएगा लेफ्ट में सी एल आ जाएगा राइट में और सी एच थ्री आ जाएगा ऊपर अगर ये हुआ है तब जाके आइसोमेरिज्म के सवाल पेपर में बनेंगे अगर इतना नहीं आता तो आगे मुश्किल हो जाएगा ठीक है एक स्पैमर आगे आज आज आन दो स्पैमर को कहो अपने दोस्तों को और साथियों को भी लिया हम खुश आज आगे जीओसी में सबसे पहले एक आता है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपको याद है ये या आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है लेटर सीसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कुछ याद आ रहा है इस वाले कार्बन पे आपके दो हाइड्रोजन है एक सी एच थ्री है पीछे वाले कार्बन पे एक सी एच थ्री हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है फुली एक्प्स बहुत ज्यादा स्ट्रेन और स्ट्रेन होता है अगर आप इसको 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं किस किस को याद आ रहा है ये HH, ये एच 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 सी तो ये इधर चला जाएगा सी एच थ्री ये एच अभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस का शिकार है और ज्यादा रोटेट करोगे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां दोनों सी एच सी एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऑपोजिट हो जाएंगे और ये हमारा बेस्ट एम बेस्ट केस होता है तो वी वॉन्ट के सारे के सारे बिल्कुल एंटी है ना कॉन्फर्मेशन में होने चाहिए बिल्कुल स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में होने चाहिए मूविंग फर्दर ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात आती है आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सही कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात आती है आपके दिमाग में चमकना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब कुछ ऐसा या तो डबल बॉन्ड हो या रिंग हो है ना या फिर मान लो मेरे पास दो बेंजीन ग्रुप्स आपस में अटैच्ड हैं यहाँ पे बी आर लगा दो यहाँ सी एच थ्री लगा दो यहाँ पे सी एच थ्री लगा दो यहाँ बी आर मतलब रोटेशन है मान लो यहाँ सी एल है यहाँ बी आर है यहाँ पर सी एल है यहाँ बी आर है डबल बॉन्ड के केस में अगर हम कैसे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन निकालते हैं ये देखो इस कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए ए बी इवन इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए ए और एक हो गया बी अगर दोनों ए आपके सेम साइड पे होते हैं तो हम बोल देते हैं सिस और अगर सेम साइड पे ना हो तो हम क्या बोल देंगे ट्रांस ये बात चमकती है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन मेरे बिना बोले जीआई का फॉर्मूला कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे इसका दिमाग में पता आना चाहिए <coughs> जल्दी जल्दी हाँ पीडीएफ इसके बाद सेव कर लेंगे थैंक यू याद दिलाने के लिए चलो जीआई कैलकुलेशन मैं नहीं बोलूंगी तुम करोगे जब भी क्वेश्चन में कहे कि जीआई कैलकुलेट करो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैम या तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सबसे पहले यही देखना है कि क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है कोई टेंशन ही नहीं फॉर्मूला चिपका दो टू रेसिपर एन वेर एन आर कितने आइसोमेरिक पॉइंट्स हैं तो टू रेसिपर एन मगर अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है फॉर एग्जाम्पल डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड लिखो CH, double bond CH, यहां लिखो CH3. क्या तुम्हें दिख रहा है सिमिट्री मतलब यहां से एक पॉइंट है जहां लेफ्ट और राइट जाने पे सेम मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है अगर मॉलिक्यूल में सिमिट्री है तो अगर मान लो आपके पास जैसे यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए ये एक कंडीशन ये एक कंडीशन आंसर आना चाहिए टू रेस्ट टू दिपा टू फोर जबकि आंसर आ जाएगा थ्री चमका आंसर आ जाएगा तेईस साठ वेरी गुड सबको याद है तेईस साठ सिखाया था ना तेईस साठ साठ वाले तक नहीं जा रहे हैं वो आगे पेपर्स में चाहिए तेईस में अभी काम हमारा हो जाएगा डन है ये था हमारा जीओसी का आइसोमरिज्म पार्ट अब मैं बात करती हूँ ऑप्टिकल आइसोमर्स की ऑप्टिकल आइसोमर सीखने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको कायरल सेंटर पता होना चाहिए कायरल सेंटर ना कि कायरल कार्बन कायरल सेंटर किसी भी ऐसे सेंटर को कहते हैं जिसके ऊपर चार अलग अलग ग्रुप्स अटैच हो ए बी सी डी नाइट्रोजन पे भी अगर कल को चार अलग अलग ग्रुप अटैच है ए बी सी यस दिस इज अ अयरल सेंटर यस दिस इज अ अयरल सेंटर गया चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं वेरी गुड आर एस नॉमिनक्लेचर आर एस नॉमलेचर कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू सी आई पी रूल कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल तो जो सबसे भारी है जिसका मास सबसे ज्यादा है उसको वन वन दो ये one, ये two, ये three, ये टू थ्री फोर अगर फोर्थ डैश डैश डैश, डैश लाइन पे है, तो इसको भूल जाओ वन से टू से थ्री क्लॉक वाइज आ रहे हो आंसर है आर याद आ रहा है और सेम चीज अगर मान लो फोर यहां होता थ्री यहां होता तो जो तुम्हारा आंसर आ रहा था उससे ऑपोजिट आंसर होता है ये याद आ गया

एस आर आर एस आर सारे ही डिफरेंट होने चाहिए वो कहलाएंगे वो होते हैं जिनके अंदर ना ना तो होनी चाहिए ना ही no तुम्हारे पेपर में सेंटर ऑफ सिमिट्री एक्सिस ऑफ सिमिट्री का सवाल नहीं आता सिर्फ प्लेन ऑफ सिमिट्री पे फोकस करो डाइ स्टीरियोमर्स वो होते हैं विच आर नॉट द मिरर इच अदर एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही नहीं होते जैसे आर आर एस आर एस तो यहां पर ये एस हो गया ये एस हो गया मगर लो एस का एस रह गया आर का आर रह गया एस का आर हो गया अगर एक भी सेम रह गया तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर मीजो कंपाउंड वो होते हैं जो सुपर इम्पोजिबल विच आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं अब ये नहीं कि पेपर में देखने बैठ रहे हैं कि आर आर एस आर ब्ला, ब्ला ब्ला ना ये देखना ऊपर लगाओ सी ओ एच नीचे लगाओ सी ओ एच टार्टरिक एसिड जानते हो जो नहीं जानते फॉर्मूला लिखो टार्टरिक एसिड का मान लो ये बना दिया मैंने मेरे को अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री दिख गई अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री है तो वो बनाएगा मीजो कंपाउंड इफ अ मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ है वो बनाएगा मीजो कंपाउंड बात खत्म आगे जीओसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं एक टॉपिक आता है आपका टोटोमर्स टोटोमर्स याद है टोटोमेरिज्म मतलब जो आपके सिलेबस में है कीटो इन टोटोमेरिज्म किस किस को कीटो एनॉल टोटोमेडिज्म याद आ रहा है कि मैम पहले सी डबल बॉन्डो को सर्कल करो बाजू वाले कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन शॉर्टकट सीखो अल्फा कार्बन को उठा के ऑक्सीजन को दे दो और डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ चिपका दो ये है कीटो फॉर्म ये है इनोल फॉर्म और ये जो कीटो और इनो फॉर्म इनोल फॉर्म होते हैं ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं नाइनटी परसेंट केसेज में फॉर्म इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है मगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा है बताइए कौन कौन से केसेस हैं बिफोर आई राइट मैं चाहती केसेज कि तुम बताओ लिखो ये पेपर के सवाल है इनसे ही सवाल बनते हैं तो मेरे लिखने से पहले तुम्हें क्लिक करना जरूरी है ठीक है हाँ बताओ 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 कहा, कहा, कहा? कौन कौन से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कीटो से अगर या तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कुछ याद आया या फिर मान लो दो कीटोन एक साथ हैं है ना दो कीटो ग्रुप एक साथ है साइक्लिक स्ट्रक्चर में या फिर जल्दी साइकिल कीटो के कंटेंट से ज्यादा होता है चबा क्या सामने एक क्वेश्चन है आपको स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है तो मेरी बात सुनो स्पेशल केस था इसीलिए सिखा रही हूं जब भी कोई कहे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करो तो ये नहीं करना मैम दो कार्बन है तो आंसर हमारा देखो टू रेसुदीपा टू चार तो स्टीरियो आइसोमर्स हो गए मतलब चार तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए और मैम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो ये भी एक्सटीरियो सेंटर है ये भी एक्सटीरियो सेंटर है तो टू रेसुदीपा टू टोटल फोर आठ स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे ये गलत है ये गलत है आपको याद है मैंने आपको सिखाया था अगर आपका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स एक ही पॉइंट पे हो रहा हो जैसे इस पॉइंट पे ज्योमेट्रिकल भी है इस पॉइंट पे ऑप्टिकल भी है तो ये नहीं कि आप ज्योमेट्रिकल को बारी बारी काउंट करोगे सिंपल आपको एक ही बार लिखना है आंसर आ जाएगा टू रेसुदीपा टू फोर और अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं बना देती हूँ दोनों सी और बी एक साइड पे लिखो यहां एक साइड पे लिखो ये मेरे दोनों सिस फॉर्म भी हो गया अब ट्रांसफॉर्म में बना लो सी ऊपर बी आर नीचे दूसरा फॉर्म बना लो सी एल नीचे बी आर ऊपर इन चार के अलावा कोई और केस नहीं आएगा ये मेरे ट्रांसफॉर्म हो गए तो टोटल आंसर आ जाएगा टू यानी कि फोर चमक गया डन है हाँ क्लियर है सबको क्लियर होती जा रही है आगे देखो जीओसी में आगे मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट याद है एक होता है प्लस आई इफेक्ट एक होता है माइनस आई इफेक्ट अगर मान लो कार्बन को कार्बन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर भी सिखाया था याद हो तो बढ़िया नहीं याद हो तो लास्ट मोमेंट पे रटने की जरूरत नहीं है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है अगर कार्बन पे पॉजिटिव है और इसके बाजू में एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा जैसे फ्लोरिन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट क्या ये बात चमकी मगर इसमें कंफ्यूज मत हो जाना अगर कार्बन पे पॉजिटिव है साथ में लगा हुआ है ऑक्सीजन तो भैया गलती से भी ओ OH एच का माइनस आई इफेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ना चाहते हुए भी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और यहाँ पर इंडक्टिव तो छोड़ो यहाँ पे सीधा लगता है रेजोनेंस इफेक्ट इफेक्ट के नाम से बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट को ही अब मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ जब स्टार्ट किया है मेरे ख्याल से तुम्हें पता है अः कॉन्जुगेट सिस्टम होने चाहिए कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब डबल सिंगल फ्री रेडिकल डबल सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल डबल ये रेजोनेंस की कहानियां सबको आती होंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे से बहुत सारे बच्चे मेल करके ये पूछ रहे हैं है, मैम आर एस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं समझ आ रहा फुल एंड फाइनल बोल रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो पाईयू एन प्लस माइनस बस इतना रट लो पा यू एन प्लस माइनस मेरे पास अगर चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें से मुझे पता करना है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है कैसे देखोगे सबसे पहले देखोगे मोर पाई बॉन्ड जिसके अंदर ज्यादा पाई बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल अगर पाई बॉन्ड सेम है फिर देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है पहले उसको स्टेबल दोगे उसके बाद तीसरा एन का मतलब नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए एंड चौथा केस प्लस एंड माइनस शुड बी क्लोज टू इच अदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज सेपरेशन है मिनिमम होनी चाहिए प्लस माइनस शुड बी

अगर बेंजीन के साथ मैंने ये चिपका दिया ये एक और बेंजीन इसका दो है इसका एक है टोटल तीन और अगर मैंने मान लो एंथ्रासीन की बात करी ये तो इसका दो तीन और एक चार टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चार बाकी के सिंपल कैलकुलेशन तुमको आती है फिनोक्साइड का बना लो एनिलीन के कितने आर बनते हैं वो सब तुम कर लेते हो इनमें तुम नहीं कर पाते तुम भूल जाते हो इसलिए मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट सिखा दिया अब एक और चीज बता देती हूँ जीओसी की विच इज हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन से थेरेटिकल सवाल पेपर में पूछे जाने के खूब सारे चांसेस है हाइपर कॉन्जुगेशन दो जगहों पे होती है या तो ये सी एच थ्री ये सी एच टू पे पॉजिटिव या फिर दूसरी जगह एल्कीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ पे लगा दो सी एच थ्री हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है बड़े ध्यान से देखना ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है थोड़ा सा सुंदर करके अच्छा यहीं पे लिख देते हैं ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का आपका सिग्मा बॉन्ड है ये मेरे पास पी और बाइटल खाली पड़ा है ये कार्बन और हाइड्रोजन का मेरे पास सिग्मा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो, हो रही है एम टी पी और बाइटल में आगे देखिए मान लो ये है अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार और बाइटल भी होगा ठीक है अगर आपके पास लेटर से पाई बॉन्ड है तो आपके पास पाई स्टार भी खाली होगा

ये भी एक स्टेबलाइजेशन इफेक्ट है तीन हम केसेस डिफाइन करते हैं एक अगर आपका सिस्टम एरोमैटिक है एक आपका सिस्टम नॉन एरोमैटिक है एक आपका सिस्टम एंटी एरोमैटिक है याद है ना एरोमैटिक नॉन एरोमैटिक एंटी एरोमैटिक एरोमैटिक सिस्टम वो होता है जिस सिस्टम के अंदर हक्कल रूल कर रहा है हक्कल रूल देखते ही अब तुम्हें चमकना चाहिए कि साइकिलिक होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए कॉन्जुगेशन होनी चाहिए कॉन्जुगेशन होनी चाहिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एंटी एरोमेटिक का मतलब ये भी साइक्लिक होना चाहिए ये भी प्लेनर होना चाहिए यहाँ पर भी कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए मगर यहाँ फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए नॉन एरोमेटिक मतलब या तो वो साइक्लिक ना हो या फिर वो प्लेनर ना हो है ना इनको नॉन एरोमेटिक सिस्टम बोलेंगे स्टेबिलिटी की बात एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल फिर नॉन एरोमेटिक लास्ट में एंटी एरोमेटिक ऐसा सा केस पेपर में आता है जो कंफ्यूजिंग होता है बच्चे को लगता है कि मैम ये क्या एरोमेटिसिटी है ही नहीं मगर आपको पता है ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा जिसके चक्कर में नाइट्रोजन पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव ओ पे माइनस तो आपको नीचे बेंजीन बनती हुई नजर आ रही है बीच में मतलब बेंजीन जैसा एरोमेटिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है एंड एंडहेंस सिस्टम इज एरोमेटिक ये देखने में जो एरोमेटिक नहीं दिखता बट दिस इज एरोमेटिक एक और कॉन्सेप्ट जो पेपर में आता है कॉन्सेप्ट है कि एसिडिटी कैसे कंपेयर करते हैं बिफोर आई से ये आपके दिमाग में आना चाहिए एसिड वो है जो अपना एच ए टू फॉर्म एच प्लस प्लस ए माइनस किसी का के ए ज्यादा है तो उसका पी के ए कम होगा तो वो एसिडिक ज्यादा होगा कई बार आपको के ए के कंपैरिजन में पूछ लिया जाता है कई बार पी के कंपैरिजन में कई बार डायरेक्ट एसिडिटी एसिड के लिए कैसे कंपेयर करते हैं मान लो आपको कोई भी दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड आप पहले H प्लस निकाल के माइनस बनाओगे लिख लो जहां नेगेटिव स्टेबल होगा जहां नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा होगा उसका एसिड ज्यादा उसका एसिड ज्यादा एसिडिक होगा उसका एसिड ज्यादा एसिडिक मतलब H प्लस लूज करने के बाद जो ज्यादा स्टेबल हो रहा है उसका एसिड ज्यादा स्टेबल ज्यादा अच्छा एसिड है दोबारा बोल लो पहले H प्लस निकालना बाद में कंपेयर करना H निकालने के बाद जो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है वो ज्यादा अच्छा एसिड बेस तो सुपर इंपॉर्टेंट है बेस को भूलना नहीं है कतई मतलब कतई इंपॉर्टेंट है बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है बेस वो होता है जिसके पास लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मोर बेसिक जो खुद जिस जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन पर है वो खुद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और जो खुद अनस्टेबल है वो अच्छा बेस कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल ग्वानिडीन हर एक को समझ गया ये स्ट्रक्चर छाप लो दिमाग में ग्वानिडीन बहुत ही सुंदर है ये इधर ये इधर और यहां के इलेक्ट्रॉन तो लोकलाइज है ही यहां के भी इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है सबसे बढ़िया बेस NH2 को हटा के CH3 लगाओ तो ये भी ठीक ठाक बेस है अमाइड बनाओ और कम बेस तो सबसे ज्यादा बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है जिसका स्ट्रक्चर डीएनए में पूछा जाता है तो ये था हमारा देखो अभी भी मैं कह रही हूँ जीओसी तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम इसमें इफेक्ट, स्टेरिक स्टेरिक प्रोटोनेशन ना पड़े मतलब मैं वंस अगेन अगर जीओसी का वन शॉट लू तो मैं दस घंटे जीओसी पढ़ा सकती हूँ इतना कॉन्टेंट है जीओसी में मगर क्या ये सारी दुनिया भर की चीजें हमारे पेपर में आएंगी नहीं पेपर में मैक्सिमम चांसेस है कि एसिड का बेस का है ना का का एरोमेटिसिटी इनका सवाल सवाल पूछा जाता है सो दीज आर द वंस जो आसान आते हैं पेपर में और जिनकी नॉलेज अगर आपको है तो पेपर में सवाल बन जाएगा अगर मैं बात करती हूँ एस आई आर एस आई पी इन सारी चीजों की तो उसके लिए देखो डिटेल नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि उसके सवाल पेपर में आसान नहीं आएंगे तगड़े सवाल आएंगे जिसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखी है आप देख सकते हो हाँ जी तो भाई साहब साह गया आठ चैप्टर्स हमारे जीओसी आठ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एक बार हम फाइल सेव कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे चालीस स्लाइडे नहीं चालीस क्यों ज्यादा हो गई होंगी ना हो गया सेव हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया फोर्टी एट स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुके हैं वी हैव अ टोटल ऑफ वन 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 स्लाइड एक सौ ग्यारह स्लाइड में से फोर्टी एट स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुके हैं तो मुझे बता दो हाउ इज जोश कैसा लग रहा है लग रहा है सही इंग्लिश में पढ़ाना चालू कर दो मैम का मन तो बहुत है बस थोड़ी सी हिम्मत और चाहिए है ना मतलब मैं लिटरली आठ आठ घंटे क्लास ले लेती हूँ तो इनऑर्गेनिक भी होगा बिल्कुल होगा यार कुछ नहीं छोड़ेंगे अब हम कुछ छोड़ेंगे नहीं सब पढ़ाऊंगी सब मतलब सब पूरे हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब कराऊंगी ठीक है हाई है जोश एक से पानी पी लिया जाए इसी खुशी में पानी ही नहीं है कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है बूस्ट हो रहा है नहीं हो रहा सेशन को लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया क्यों नहीं करते हो अरे मैं तुम्हें बताती हूँ सेशन को ना लाइक वाइक कर दिया करो क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत चीजों का इस्तेमाल करके ठीक है पैसे वैसे खर्च के लाइक बढ़वाते हैं और फिर दिखाते हैं देखो कितना बढ़िया है हमारा है ना तो जो हमारे जैसे छोटे छोटे लोग हैं ठीक है जिनको सिर्फ मेहनत करनी आती है उन टीचर्स को सपोर्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है अब तुम नहीं करोगे तो हम तो फिर क्या ही कर सकते हैं तुम्हारे बिना समझ रहे हो हाँ कुछ नहीं कर सकते समझ आ गया मुझे बड़े लोगों के अगेंस्ट तुम बोल भी दो ना तो वो तुम्हें दबा देते हैं कोई नहीं सुनता तुम्हारी हाँ <laughs> क्या यार मतलब दुखी हो गए हम तो कि गलत हो रहा है दुनिया को पता है गलत हो रहा है बट हम बोलेंगे नहीं कोई नहीं बोलेगा है ना क्योंकि दब जाओगे कोई बात नहीं चलिए आठ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वी हैव कंप्लीटेड एट चैप्टर्स बहुत ही शिद्दत से हमने चैप्टर्स करे एंड ऑफ टू यू गाइज कि आप कॉन्स्टेंटली पढ़े जा रहे हो और मैं एक बात बोलती हूँ जिन भी बच्चों ने आज के सेशन में लास्ट में वो जो पन्नों पे जो भी आपने रफ शीट पे आप आंसर्स लिखते जा रहे हो ना ये चीज पेपर के दिन बहुत हेल्प करेगी पेपर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मैं बताती हूँ मान लो तुमने पेपर करना स्टार्ट किया ठीक है तुमने फिजिक्स का सवाल किया तुमसे नहीं बना तुमने दूसरा सवाल किया तुमसे नहीं बना तुमने केमिस्ट्री का सवाल उठाया नहीं बना ठीक है mm -hmm. एक और सवाल उठाया तुमसे नहीं बना तो तुम वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हो अगर पहले तीन सवाल तुमसे नहीं बनते ना तुम बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो mm -hmm. एक और कॉन्ट्रेरी सिचुएशन उठाओ तुमने फिजिक्स का सवाल किया लेट से नहीं बना ठीक है तुमने सोचा चलो फिजिक्स को छोड़ो केमिस्ट्री कर लेते हैं केमिस्ट्री का किया बन गया दूसरा किया बन गया तीसरा किया बन गया तो अंदर से एक फील आती है कि भाई सब मेरे को आता है और जब तुम्हें फील आती है ना मुझे आता है अब तुम जाके फिजिक्स का सवाल करोगे ना तो तुमसे वो जो नहीं बन रहा था ना वो भी बनेगा क्यों क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जाम के दिन पे ना कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और जब चीजें ऐसे फटाक से क्लिक करती है ना तो मजा आता है ठीक है चलिए नौवे चैप्टर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फुल फोकस ऑन द बोर्ड हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स की डिस्कशन हम करने वाले हैं ये हमारी क्लास इलेवेंथ का आखिरी चैप्टर है उसके बाद कक्षा बारहवीं के चैप्टर स्टार्ट होंगे हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए नेम वुड्स रिएक्शन मेरे बोलने से पहले लिखते जाओ आर एक्स में टू सोडियम डालेंगे एक्स आर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं दोनों को कंबाइन कर दो आर आर कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा फिटिक रिएक्शन में एक एराइल हलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है दूसरे एराइल हलाइड के साथ ये बनेगा दो बेंजीन है ना वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है एक आपने एल्काइल हलाइड लेना है सोडियम लेना है एक आपने अराइल हलाइड लेना है जब इनको कंबाइन करोगे तो आपके पास बन जाएगा ये ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पेपर में आती है जिसका नाम है कॉलबेज इलेक्ट्रॉलिस कक्षा ग्यारहवीं की एनसीआर में राइट हैंड साइड पे आई थिंक दे रखा है पुरानी एनसीआर अकॉर्डिंग हम नए में मुझे याद नहीं है कि कहां पर दे रखा है कॉलबेज इलेक्ट्रॉलिस में बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कॉलबेज और सोडा लाइन में कि बस पूछो मत तुमको मैं शॉर्टकट बता रही हूँ तुमने लेना है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी सोडियम सोल्ट ले लो कार्बोक्सलिक एसिड का तुमने डालिया पानी और करना है इलेक्ट्रोलिस एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा शॉर्टकट बताती हूँ सीओ को हटाओ आर रेडिकल बनाओ और दूसरे आर रेडिकल से कंबाइन कर दो इसमें बस ये याद रखना है कॉलबेज इलेक्ट्रॉलिस में आर रेडिकल बनता है आर रेडिकल बनाओ दो आर रेडिकल को कंबाइन कर दो एल्केन बन जाएगा आर रेडिकल बनाओ

सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बो आइन बनाओगे तो जिसका कार्बोएन आइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है वो जल्दी रिएक्शन करेगा अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात करती हूँ मान लो आपके पास है कि आपके पास एक एल्काइन है ठीक है इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन की जब आप एडिशन करते हो निकल प्लेटिनम पलेडियम की प्रेजेंस में करते हो ये बात याद आ रही है दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे आर सी डबल बॉन्ड सी आर एच एच इसको बोलते हैं हम सिन एडिशन कुछ याद आया हाइड्रोजनेशन इज सिन एडिशन एक शॉर्टकट सिखाया था मेरे बोलने से पहले याद आ जाना जाना याद आ जाना चाहिए क्या चाहिए भाई क्या चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का टेस्ट चाहिए सी एस सी टी एस टी अगर है सिन एडिशन करते हैं एरिथ्रो बनता है एरिथ्रो मतलब दोनों दोनों जो एडिंग स्पीशीज है सेम साइड पे होंगे ट्रांस एल्कीन है सिन एडिशन करते हैं सी एस सी टी एस टी जिन बच्चों को ये नहीं चमका नोट डाउन कर लो सी एस सी टी एस टी नहीं चमका और सवाल बनता है ठीक है आगे देखिए हाइड्रोकार्बन में और नेम रिएक्शन करते हैं लिंडलास कैटलिस्ट लिंड्लार्स कैटलिस्ट अभी वही जो मैंने लिखा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर के अंदर आप हाइड्रोजन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनआई पीटी पीडी रिएक्शन हो रही है बी एसओ फोर या क्विनोलिन की प्रेजेंस में क्विनोलिन की प्रेजेंस में तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे मेरे पास जो एल्कीन बनेगा उसको बोलते हैं सिस एल्कीन और अगर आपने बर्च रिडक्शन करानी है आप इसी एल्काइन के अंदर क्या डालेंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया आपके पास बनता है ट्रांस एल्कीन आर सी डबल बॉन्ड सी यहाँ एच यहाँ एच आर ट्रांस एल्कीन मेरे पास बनेगा चमक रही ये चीजें आगे देखो अगर मैं एल्कीन की हाइड्रेशन कराती हूं मान लो मेरे पास है सीएच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री इसमें मैंने H प्लस डाला पानी की प्रेजेंस में तो सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे कार्बोकेटाइन वही बनाएंगे जो आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ प्राइमरी भी बन सकता था सेकेंडरी भी बन सकता था बट आई वुड प्रेफर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अब पानी यहां पर आके अटैक करेगा बनेगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री यहां आ जाएगा ओ एच चमका लास्ट एक और चीज देख लो कार्बो के टैंक की स्टेबिलिटी बहुत सारे क्वेश्चन में मेरी अभी कल भी एक बच्ची से बात हुई ठीक है क्या नाम था उसका कुछ नाम था एक नाम था बच्ची का ए से था चलो मैं नाम नहीं बताती याद आ आगे मुझे तो उस बच्ची से बात हुई वो कह रही मैम मेरे ना सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग ऑर्गेनिक में होते हैं मेरे को लगता है आंसर ए आएगा मगर कॉन्ट्रेरी जब मैं मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती हूँ कि ए आंसर आएगा बट जब मैं चेक करती हूँ तो आंसर होता है डी मतलब कह रही मुझे इनऑर्गेनिक आती है मुझे फिजिकल आती है सबसे ज़्यादा जो खराब होता है ना वो होता है मेरा ऑर्गेनिक आता है मुझे ऑर्गेनिक के खराब होने का मेजर रीजन होता है कि आप कार्बो केटाइन की स्टेबिलिटी नहीं पता कर पाते आप ये ही नहीं पहचान पाते कि कौन सा कार्बोकीटाइन प्रेफर करना है तो याद रख लीजिए अरी है ना हमारी मैं हूं देखो पानीपत से मेरी दादी और दादा जो थे वो थे मुल्तान से ठीक है तो मेरी दादी माना घर में ऐसे बोलती थी मुल्तानी ठीक है मुल्तानी में जैसे हम नहीं बोलते अभी पंजाबी में बोलते हो ओ इधर आइयो ठीक है तो मेरी बड़ी मम्मी ठीक है उनको मैं दादी मेरी दादी को मैं बड़ी मम्मी बुलाती थी और दादा जी को हम मैं बड़े पापा बुलाती हूँ तो मेरी दादी ऐसे बोलती थी मतलब मेरी बड़ी मम्मी ऐसे बोलती थी अड़ी आया नहीं अड़ी इधर आ इधर आ ठीक है इड्डे आ हाँ तो मेरी बड़ी मम्मी जो है मुल्तानी में ऐसे बोलती थी अड़ी इड्डे आ इड्डे तो अड़ी अड़ी मतलब वॉज लाइक अरे इधर आओ ओए इधर आओ सुनो इधर आओ लाइक like दैट तो अड़ी से तुम याद रख लोगे अड़ी ए आर एच आई ए का मतलब अगर कोई आरोमाटिक है आरोमाटिक, आरोमाटिक है तो सबसे बेस्ट है फिर आप भाव दोगे रेजोनेंस को फिर आप भाव दोगे हाइपर कॉन्जुकेशन को और सबसे लास्ट में आप कंसीडर करोगे इंडक्टिव इफेक्ट को तो जब भी कार्बोगेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो सबसे पहले आपने एरोमेटिसिटी देखनी है फिर आपने रेजोनेंस देखनी है फिर हाइपर कॉन्जुकेशन लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोकार्बन में आपको मैं बता दू सबसे पहले एंटी एडिशन इसका अभी अभी आप कर कर आए हो मान लो इसके अंदर आपने एच का एडिशन करना है जब आप एच या फिर एच से एल का एडिशन करोगे सबसे पहले एच पे प्लस है बी आर पे माइनस है ये मेरे ख्याल से सबको मैकेनिज्म अच्छे से चमकना चाहिए बिफोर आई राइट फिर आप बी माइनस या सीएल का अटैक कराओगे ये बन जाएगा इसको बोलते हैं एडिशन मार्कोवनिकोव एडिशन का मतलब है कि जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग स्पीशीज का वो उस कार्बन पर जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजनस अटैच्ड है दैट इज मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव के केस में आप क्या करते हो एंटी मार्कोवनिकोव में सबसे पहले मैकेनिज्म इसका पेपर में आता है ये केवल और केवल HBr के लिए वैलिड है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड सिर्फ परऑक्साइड में परोक्साइड होना चाहिए परोक्साइड कैन बी एनी थिंग परऑक्साइड परोक्साइड हो सकता है कोई और परोक्साइड होगा मगर परोक्साइड बॉन्ड होना चाहिए और केवल केवल एच बी आर के लिए कराओगे एच सी एल एच आई के लिए मार, एंटी मार्कोमिको वैलिड नहीं है यहां पर हम क्या करते हैं

ओजोनोलिसिस दो प्रकार की होती है सबको पता है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वो होती है जहां पर आप जिंक वाटर डाल रहे हैं या फिर पेपर में डाई मिथाइल सल्फाइड सी एच सी ट्वाइस एस लिखा हुआ मिला है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वो होती है जहां पर आप पहली बात तो ओजोन तो डालना ही है ठीक है ना फर्स्ट यहाँ पर भी ओजोन तो है ही दूसरे नंबर पर मतलब उसके साथ आप ये कर रहे हैं ओजोन तो है मगर यहाँ पर आप रिएक्शन कराते हैं एच टू ओ टू या पानी की प्रेजेंस में ओ एच माइनस की प्रेजेंस में बट यहाँ पर आप आ, जिंक नहीं लेते मेटल नहीं लेते तो ऐसे केस में क्या होता है दोनों का हम केसेस बना लेते हैं यहाँ पर आर आर यहाँ आर सी आर डबल बॉन्ड सी यहाँ आर एच मेरे लिखने से पहले आंसर आ जाने चाहिए मेरे लिखने से पहले आंसर आ जाने चाहिए ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है मैं गोली मार रही हूँ राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट लिख रही हूँ अगर रिडक्टिव है तो आपको बचपन में जैसा सिखाया गया था डबल बॉन्ड कार्बन को हटाओ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओ डबल बॉन्ड कार्बन हटा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओ तो ये बचपन से जो सीखा है ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एक्स्ट्रा जो मैंने सिखाया वो ये कि अगर कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो चुपचाप कीटोन बना दो एक हाइड्रोजन है तो एसिड बना दो हाइड्रोजन है तो सीओ टू बना दो अगर ये तुम्हें मेरे लिखने से पहले चमका था तो तो बढ़िया बात है अगर मेरे लिखने के बाद चमका है तो पेपर में नहीं बनेगा ठीक है चलिए आगे देखिए अगर मैं बात करती हूं अल्फा बीटा एलिमिनेशन की तो देखो यहां पर मेरे पास है सी एच थ्री यहां है सी एच टू यहां है बी आर जिस कार्बन पे हैलोजन है दैट इज अल्फा दूसरे वाला बीटा अब यहां पर मुझे एलिमिनेशन करनी है तो मैं पिहक्कड़ याद है यूज करूंगी या फिर ये यूज करूंगी है ना पोटेशियम नाइड या फिर आप यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एनएनएच टू इनमें से कोई भी आप बेस यूज कर सकते हैं या फिर पेपर में लिखा होगा ईटीओ माइनस एन ए प्लस पहले तो पहचान जाना ये बेसिस है जब ये बेस यूज करोगे आपके पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू मुझे पता है आप में से कई बच्चे कह रहे हैं मैम एस एन वन एस एन टू ई वन ई टू ई वन सी बी एस एन ए आर इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है पेपर में बहुत मतलब हद 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 एक क्वेश्चन होता है ठीक है जो एस एन वन एस एन टू टू एस एस एन ए आर इन सबसे पूछा जाता है एक हद, हद हद एक सवाल होता है तो जिस बच्चे ने पहले से कर रखा है ना एस एन वन एस एन टू ई वन ई टू एस एन ए आर रिएक्शन ई वन सी बी रिएक्शन वो बच्चा तो पेपर में उस सवाल को टच करे आप उस सवाल को करना कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आपने पूरे दो साल है हाँ ना SN1, SN2, E1, E2 कभी भी नहीं पढ़ा तो आप पेपर में उस सवाल को टच नहीं करोगे क्योंकि वो सवाल डायरेक्ट नहीं आता है हाँ ना टाइम्स दे आस्क यू दैट क्वेश्चन टू नो कि आपको कितना बैकग्राउंड नॉलेज है और अगर अभी भी करना चाहते हो तो जो मैंने वन शॉट लिया था वहां मैंने एस एन वन एस एन टून ई टू ईन सी बी एस एन ए आर सारे सब्सिट्यूशन uh, और एलिमिनेशन को कंपेयर कराया था वहां से जरूर करेंगे बट जिसको नहीं आता वो नहीं ट्राई करेगा पेपर में सवाल फिर नेगेटिव हो जाता है अब एक लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक तो मैंने आपको सिखाया था बिंदी इफेक्ट याद आ रहा है ये मेरे लिखने से पहले चीजें चमक जानी चाहिए बिंदी इफेक्ट ये कहता है कि मान लो अगर आपके पास एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा जब वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा पहली बात तो वो क्या कहलाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होते हैं वो कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और अगर आपके पास सपोज करो कोई ऐसा ग्रुप है जैसे एनओ टू जिसपे डेल्टा प्लस है या सी एच ओ तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विद स्पेलिंग गलत हो गई है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप्स so, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं तो ये मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल electro, uh, को आने को बोलेंगे तो ये कहलाएंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप चमक रहा है आगे देखिए एक स्पेशल केस आपको सिखा देती हूँ जितने भी हमारे जैसे ये हेलोजन होते हैं हेलोजन होते तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे भेजते हैं बट दीज़ आर डी एक्टिवेटिंग यहां से सवाल बनने के चांसेस हैं बट दीज़ आर डी एक्टिवेटिंग पेपर में भूल जाते हैं हम इसीलिए आना चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ी सी और डिटेलिंग करा देते हैं बेन्जीन में अगर आपने क्लोरिन एड करना है ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में इसको बोलते हैं की बनेगा

लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप डालेंगे rco cl alcl3 की प्रेजेंस में जो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल और आपके पास बन जाएगा बेंजीन पे cor दिस वाज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन इस पूरे चार्ट में ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल पता है काम खत्म ओहो 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 इलेक्ट्रोफिलिक वेरी गुड जमा गया सबको चलिए तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर नाइन हाइड्रोकार्बन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको हाइड्रोकार्बन डिटेल में अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाए एक मिनट सेव कर लेते हैं सॉरी हांजी डन है तो नौ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 53 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड वी आर लेफ्ट विद अनदर अराउंड 50 पेजेस बट आई एश्योर यू मतलब जितना लंबा हमारा अभी तक सेशन गया है आगे अब इलेवेंथ पूरी इलेवेंथ पूरी हो गई क्लास इलेवेंथ के सारे चैप्टर्स आपके पूरे हो चुके हैं वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास इलेवेंथ अब हम कक्षा बारहवीं के चैप्टर शुरू करेंगे एंड गुड थिंग कक्षा बारहवीं के चैप्टर्स करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा क्योंकि मेनी जो बेसिक मेनी ऑफ द बेसिक थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड जैसे इलेक्ट्रो करेंगे तो रिडॉक्स पढ़ रखा है डायल्यूट सॉल्यूशन करेंगे तो आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑलरेडी सीख रखी है ठीक है काइनेटिक्स uh, करेंगे उससे पहले आपने इक्विलिब्रियम ऑलरेडी सीख रखा है हेलो एल्केन्स करेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स आता है तो बारहवी के जो चैप्टर्स है वो इसलिए जल्दी हो जाते हैं और इजिली हो जाते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी इलेवंथ अच्छे से कंप्लीट कर दिया ठीक है चलिए, <coughs> मजा आ रहा है? ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। अब भी तो ब्रेक दी थी यार, कितना ब्रेक मैं तो सोच रही थी अब और कोई ब्रेक नहीं मिलेगा ठीक है मैं लिटरली सोच रही थी और कोई ब्रेक नहीं मिलेगा एक मिनट <coughs> चलिए ठीक है हाँ कोमलिका बिंदी और गोपी बहु वाली है ना कोकिला बेन बिंदी नाइस चलिए तो अब हम बहुत ही पॉजिटिवली स्टार्ट करते हैं अपना दसवां चैप्टर चैप्टर नंबर टेन एंड अब हमारी क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री जो है स्टार्ट हो रही है टू बिगिन विद सबसे पहले मैं आपको डायल्यूट सॉल्यूशन इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स कराऊंगी ये तीन चैप्टर्स जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे यानी कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी उसके बाद हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन इसका मतलब इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी लास्ट में हम करेंगे हेलो एल्केन्स हेलोवेल्किलोरिन फिनोल एल्डिहाइड अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स जिनको करने से हमारी ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगी ठीक है चलिए सो so, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन यहां से सवाल आता है आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जहां पर ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्लस बी बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज बेसिकली इक्वल टू ए बी ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं कि ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बीबी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दे आर नॉट इक्वल टू ए बी ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन

कई बार आपको मोल फ्रैक्शन ए और बी का वेपर फेस में दिया होता है अगर आप एनसीआर उठाकर देखेंगे एनसीआरटी में बहुत ही लंबा चौड़ा तरीका दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने को बट जो शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था वो ये कि वन बाई पी सोल्यूशन इज वन बाई पी नॉट ऑफ ए इंटू वाई ए प्लस वन बाई पी नॉट ऑफ बी इंटू वाई बी वेर एज वेयर वाई एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्व इन द वेपर फेज वेपर फेज में ए और बी के जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई और वाई बी है Once again, आप सब बच्चों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ ये फॉर्मूला डायरेक्टली रटा होना चाहिए अगर ये नहीं पता तो पेपर में बहुत टाइम वेस्ट होता है ये पता होना चाहिए मेरे लिखने से पहले फॉर्मूला आ जाना चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट लॉ कर लेते हैं मान लो यहाँ पर ये मेरा पी नॉट ए है ऊपर लिखना चाहिए मान लो ये मेरा है पी नॉट ऑफ ए ए ज्यादा वॉलेटाइल है ये है पी नॉट ऑफ बी मान लो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का वन दे रखा है तो बी का मोल फ्रैक्शन जीरो आगे जाते हो लेटेस्ट से मोल फ्रैक्शन ए का जीरो है मोल फ्रैक्शन बी का कितना है वन जब आप इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये देगा वेपर प्रेशर सोल्यूशन विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी पी नॉट ऑफ बी एक्स बी एक तो ये हो गया मेरे पास ये है वेपर प्रेशर ए का पी ए एज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एक्स ए यह है पी नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी अगर मैं बात करती हूँ हमारी डेविएशन की तो दो तरीके से डेविएशन होती है एक होती है पॉजिटिव डेविएशन डेविएशन फ्रॉम एक होती है नेगेटिव डायरेक्ट पेपर में सवाल आता है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल पताने चाहिए तो आप शराब में पानी मिलाते हैं आपको मैंने कहा था पॉजिटिव डेविएशन जबकि अगर आप है ना शराब नशे कर, नशा चढ़ गया किसी को उसके बाद आप नमक डालो इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाएंगे नेगेटिव डेविएशन शराब पीने के बाद नेल पेंट को रिमूव कर रहे हैं एसिटोन शराब प्लस एसिटोन पॉजिटिव डेविएशन और एसिटोन को रिमूव कर रहे हैं गलती से क्लोरोफॉर्म पी लिया ये है नेगेटिव डेविएशन ये याद होने चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन ऐसे होता है ये ऊपर की साइड दीज आर पॉजिटिव डेविएशन येलो वाले पॉजिटिव डेविएशन है <coughs> नीचे की साइड के ग्राफ बनाऊंगी दीज आर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉ ग्राउंड सॉल्यूशन में आगे कंटिन्यू करती हूँ आपको पता होना चाहिए हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसमें से सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद आ रहा है मेरे लिखने से पहले आपके नोट्स में लिखा जाना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है पी नॉट माइनस पी सोलूशन डिवाइडेड बाई पी नॉट देन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐसा का ऐसा ग्राफिकल सवाल पेपर में आएगा आपको चमकना चाहिए कि किसका है ये कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है मान लो ये वन एटीएम है ये वन अगर वन ए अगर है तो ये हो जाएगा मेरा सोलवेंट ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन एक सोल्वेंट एक सोल्यूशन ये है मेरा टीबी और ये हो जाएगा मेरा टीबी नॉट आपको मैं बता दूं ये जो डिफरेंस है दिस इज डेल्टा टीबी और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी डेल्टा टीबी टू के बी इन टू मोलालिटी के बी का नाम पता होना चाहिए मोलल एलिवेशन पॉइंट मोलल एलिवेशन मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट है ना जिसको इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है मान लो ये लिक्विड सॉल्वेंट है <coughs> ये लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है फ्रोजन फ्रोजन सॉल्वेंट सॉल्वेंट का ये पता होने चाहिए कई बार ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं तो मान लो ये है हमारा टीएफ नॉट ठीक है ना ये है आ, आ, उल्टा लिख दिया यहाँ डेल्टा नॉट टीबी था ये डेल्टा ये टीबी था है ना एलिवेशन करना था माई बैट नॉट गलत लगा दिया मैंने तो ये हो जाएगा मेरा टी एफ नॉट ये हो जाएगा टीएफ नॉट और ये है सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वर्सेस वर्सिजरेचर का ग्राफ तो अब ये यहाँ पे डिप हुआ टीएफ तो ये जो डेल्टा आया हमें लिखते हैं डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू मोलिटी एक होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं एक होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक मतलब जिनका है ना जिन दोनों का क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है हाइपरटोनिक का मतलब अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दैट इज हाइपरटोनिक दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में वन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिससे पेपर में सवाल बनते हैं वो है आपका वेंस ऑफ फैक्टर वेंट्स ऑफ फैक्टर आई लिखते हैं आई का मतलब होता है मान लो अगर आपके सोल्यूट को पानी में डालने से सोलवेंट में डालने से ठीक है अगर किसी भी सोल्यूट को मैंने सोलवेंट में डाला और वो सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो वहां पर हम वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर मतलब ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स की सोल्यूशन में जाने के बाद पार्टिकल कितने थे डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली पार्टिकल्स आपके कितने थे अगर आपका सोल्यूट असोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है दोनों के लिए शॉर्टकट है फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ए एन टाइम्स बी में कन्वर्ट हो रहा है ए किस में कन्वर्ट हो रहा है एन में तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है आई की वैल्यू वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स एल्फा और अगर आपका मान लो एन टाइम्स ए किस में कन्वर्ट हो रहा है बी में एन में कन्वर्ट हो रहा है एक में तो फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एन माइनस वन टाइम्स एल्फा मैं एक बहुत ही सीधी सी बात बोलती हूँ अगर आप बच्चों को ये दोनों चीजों का फॉर्मूला मेरे बोलने से पहले क्लिक करा देन दैट वॉज गुड अगर नहीं क्लिक किया पेपर में तुम फिर गलत करके तो हमारी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो अब चेंज हो जाती है पहला है पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन है ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोलवेंट इन के जी यही होता है ना मास किसका सोल्वेंट हा पी नॉट माइनस पी एस विल बी इक्वल टू Uh, क्या था हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 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 सॉल्यूट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर नंबर मोल्स मोल्स प्लस तो जहां जहां पर भी सॉल्यूट का नंबर आया उसको आपको आई से मल्टीप्लाई करना होगा सिमिलरली हमारे पास है डेल्टा टीबी क्या था के बी इन टू मोलैलिटी क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मास लिखोगे के जी में तो यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई करोगे

kh into x so p is equal to kh into x ye kya hai pressure of the gas above the solution pressure of gas above the solution above the solution kh is henry's constant and x is mole fraction of mole fraction of gas in the solution and that's it तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से जहां जहां से पेपर में सवाल आने के चांसेस थे मैंने आपको सब कुछ करा दिया चमका सबको डन है भाई और सीरीज मांग रहे हो उससे पहले इसको कंप्लीट करो जो अभी चल रहा है है ना पहले ये कंप्लीट करते हैं जो चल रहा है फिर औरों के बारे में भी हम डेफिनेटली uh, विचार करेंगे डन हैप्पी डायल्यूट सोल्यूशन देखो डायल्यूट सोल्यूशन में जो जो इंपॉर्टेंट था ये कई बार क्लिक नहीं करता कि कौन सा ग्राफ किसका है कई बार ये नहीं क्लिक करता कि कौन किसके इक्विलिब्रियम में है जब है जब फ्रीजिंग होती कई बार ये नहीं क्लिक करता कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के लिए आई कैसे निकालते हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा ठीक है क्वेश्चन बहुत अब देखो जब तुमने किया होगा तो मुझे हंड्रेड गारंटी है कि सब बच्चे यही करते हैं मैक्सिमम बच्चे

So, खूब सारे ये आगे बढ़ते हैं ठीक है? PDF मिलेगी? सुनो मेरी बात। जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा आप वोरा क्लासेस की ऐप पर जाओगे जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा आप डेफिनेटली ऐप को डाउनलोड कर लो इट इज फ्री ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है फ्री कोर्सेस सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आप ऐप में जब ट्रेवल करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा बहुत ही सिंपल इंटरफेस हमने रख रखा है ताकि ज्यादा माथा बच्ची ना करनी पड़े क्लिक करो फ्री कोर्सेज में जब आप फ्री कोर्सेज में क्लिक करोगे तो वहां पर जितने भी हमने आपके फ्री लाइव सेशन लिए हैं ये सारे फ्री लाइव सेशन आपको मिल जाएंगे साथ ही साथ इनके नोट्स है ना पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे क्या बात है सो so, बहुत सारे येलो कलर के हाथ आ चुके हैं अब पानी थोड़ा सा पी लेना चाहिए ठीक है क्योंकि प्याज बहुत तेज लगी है मुझे मगर पानी है नहीं तो एक मिनट किसी को बोलती हूँ जादू को बोलते हैं कि पानी भर दे हमारे ऑफिस में सबको पता है कि साक्षी मैम कितनी है ना बुखड़ है पानी के लिए करते अभी करते हैं कंटिन्यू दो चार मिनट का तुम भी ब्रेक ले लो मैं भी ले लेती हूँ पानी पी के फिर कंटिन्यू करते हैं हाँ हाँ वीसी की ऐप मतलब आप अगर लैपटॉप पे भी देख रहे हो ना तो ब्राउजर पे भी आप यूज़ कर सकते हो और ये सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये मैं इसमें डाल देती हूँ ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो है मैं नीचे डाल देती हूँ कि कैसे आप वोरा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है पीसी के लिए कैसे कर सकते हो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है एक बार चेक कर लेना सारे Thank you. <laughs> जादू को क्लास में नहीं बुलाना जादू को हमने कहा कि धूप खा ले है ना जादू को धूप पसंद है ना हाँ चलो यार हाँ ब्रेक ब्रेक नहीं ले रहे हैं मैं वैसे ही तुम्हारी चार्ज देख रही थी चलो एक पोल लेते हैं आज मैंने ना नया सीखा है कि पोल कैसे कंडक्ट करते हैं तो एक पोल स्टार्ट करती हूँ ठीक है ओके <clears throat> पोल क्या लेंगे हम इंग्लिश नहीं आती भाई मेरे को इंग्लिश ज्यादा नहीं आती मैम को रुको रुको सीख रही हूँ आजकल मैं यूट्यूब कैसे चलाते हैं बोल स्टार्ट कर दिया मैंने अब अब खुलेगा रास बोल स्टार्ट कर दिया मैंने अब रास खुलेगा हाँ निशान सर को ज्यादा यूट्यूब आता है हे hey भगवान कौन से वो पांच प्रतिशत लोग हैं हमारी सात प्रतिशत लोग कौन से हैं हमारी क्लास में जिनको मैम से प्यार नहीं है है मतलब मतलब बहुत ही गलत बात है, मतलब? काहे? नहीं समझ आ रहा क्या ऐसे बता दो नहीं समझ आ रहा तो जल्दी से लाइक कर दो जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया कर दो भाई कर दो हाँ नहीं नहीं हेटर्स तो देखो कोई नहीं होता नहीं मैं ये नहीं कहती देखो हेटर्स नहीं होता मतलब एक टीचर पढ़ा रहा है ठीक है अगर आपको जेन्यनली पसंद आ रहा है उसका पढ़ाना तो यू शुड लाइक मतलब कोई ऐसे गन पॉइंट पे थोड़ी ना मैं कहूंगी कि लाइक करो सेशन को नहीं पसंद आ रहा तो नहीं लाइक करोगे बट दैट डज नॉट मीन कि यू हेट मी नहीं ऐसा होता है देखो कोई भी बॉलीवुड में मूवी आती है कितनी मूवीज आती हैं तो ये थोड़ी ना कि हर पर्टिकुलर इंसान को वो वाली मूवी पसंद आएगी कुछ को आती है मूवी पसंद कुछ को नहीं आती है है ना अब जैसा मेरा जैसा कोई इंसान है मुझे वो जो देखो अगर रोमांटिक सी मूवी है अच्छी सी प्यारी सी मूवी है है ना अ, लवेबल सी मूवी या किसी मूवी में कई बार रोना धोना होता है तो वो मुझे पसंद आ जाती है अब कोई ऐसी मूवी है जो बहुत जबरदस्त है मगर उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा है तो वो मुझे नहीं पसंद आती तो दैट इज माई पर्सनल चॉइस है ना तो जिसको पसंद आ रहा है वो जेन्युइनली लाइक like करो नहीं आ रहा तो दैट इज अप टू यू टोटली अप टू यू मतलब मैं तो बस यही कह रही हूँ कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि तुम्हें बेस्टम बेस्ट पढ़ा सकूं और ओरिजिनली जेन्युइनली पढ़ा सकूं है ना हां बस चलो अगला चैप्टर हम ओहो चैप्टर से याद आया हमने सेशन सेव नहीं किया भाई साहब सेशन सेव करना कतई ज्यादा जरूरी है नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है सो so फाइनली धीरे 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 जैसे मैंने कहा था हम आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे क्योंकि में मोल वाला पार्ट दोबारा नहीं रिपीट करा रही ना अब इलेक्ट्रो करेंगे रिडॉक्स वाला पार्ट दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो अब हम अपने नए चैप्टर पे चलते हैं विच इज आर इलेवंथ चैप्टर अच्छा यहाँ नाम नहीं लिखा था टेंथ चैप्टर का नाम लिख देती हूँ डायल्यूट सोल्यूशन अब हम अपने ग्यारहवें चैप्टर पे चलते हैं ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो इनके आसान सवाल आएंगे मगर इन आसान सवालों को आप तभी कर सकते हो अगर आपको की पॉइंट पता है सो इफ यू नो द की पॉइंट आपसे सवाल बन जाएंगे इफ़ यू डू नॉट नो द की पॉइंट तो इट माइट बी टफ फॉर यू क्या आप इन क्वेश्चंस को करो पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना तो चमकता है कि जिंक की इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डालेंगे सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे बल्ब जलाएंगे बल्ब जलेगा तो अब मुझे अगर सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखनी है मैं लिखूंगी जेड एन जेड एन टू पॉजिटिव कॉपर टू पॉजिटिव और कॉपर तो ये सेल है सेल की रिप्रेजेंटेशन है अगर मुझे सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद स्टैंडर्ड सेल में इस इस सेल का ई नॉट सेल निकालना है तो हम कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं ऐड करूंगी ई नॉट ऑफ एड एंडियल कॉपर टू प्लस ए कॉपर कई बार आपके पेपर में बस ई नॉट कैलकुलेट नहीं कराता सिंपल लिख रखा होता है ई नॉट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है याद रखना किसी भी सेल का ई नॉट उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इट इज नॉट एक्सटेंसिव अब ये तो स्टैंडर्ड स्टेट में आपने बात कर ली बट जरूरी नहीं है सेल को आप स्टैंडर्ड स्टेट में लोगे कि वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन सबकी है उसके केस में अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को हाफ सेल्स में अलग अलग कर दिया तो आप नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ क्यू मैं आपको बताती हूँ आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात अंदर से पता है एंड आई थिंक आप एक्सेप्ट भी करोगे चाच में मुझे बताना कि मैंने सही बोला या नहीं जब भी आप ई e सेल का फॉर्मूला लिखते हैं और वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर टू uh, पॉइंट आना था या माइनस टू पॉइंट और नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूला में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं तो प्लीज ये चीज है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है क्योंकि सिमिलर सिमिलर से फॉर्मूला है मगर पेपर में आप कंफ्यूज नहीं हो गए चमक गया अब ध्यान से देखना अगर मैं बात करती हूँ एट इक्विलिब्रियम ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है Equilibrium के पे आपका e cell क्या हो है जीरो फॉर्मूला क्या बन गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर टी डिड बाई एन एफ लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कई बार आपको इसी पर्टिकुलर फॉर्मुला से डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं अच्छा one faraday का मतलब सबको पता पता ही है कूलम पर मोल जिनको यूनिट्स यूनिट्स नहीं पता थी आज भी पता चल गई on सवाल आता है ध्यान से सुनो मान लो आपके पास चार पांच क्वेश्चन मतलब चार पांच ऑप्शन दे रखे होंगे आपसे पूछा जाएगा बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा जैसा कि मैंने रेडॉक्स में बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा ध्यान से सुनना जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा यानी कि जो खुद की क्या करेगा रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे की रिडक्शन करेगा यानी कि जो खुद की क्या करेगा जो खुद की करेगा ऑक्सीडेशन अब मेरी बात और ध्यान से सुनना मान लो अगर आपके पास ये दे रखा है कि ई नॉट ए थ्री पॉजिटिव से ए बी ई नॉट सी थ्री पॉजिटिव से सी सी ठीक है इसकी वैल्यू दे रखे जीरो वैल्यू दे रखे माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन इसकी वैल्यू दे रखे जीरो पॉइंट सेवन थ्री मान लो ये आपको कुछ कुछ वैल्यू दे रखे अगर मैं आपसे पूछू की ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री प्लस में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है आपको देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा यानी कि जो खुद की रिडक्शन करेगा यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा इसका पॉइंट एट नाइन है इसका नेगेटिव है ये तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है ए थ्री प्लस का तो इनमें से आंसर क्या आ जाएगा ए थ्री प्लस यह चमकना चाहिए अब वो एम एन ओ फोर माइनस लिख दे सिया टू सेवन टू माइनस लिख दे वो कुछ भी लिख दे मगर लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ती हूँ सबसे पहले मेरे पास फेरेडेज के लॉ आते हैं मुझे पता है फेरेडे के हमारे दो लॉ हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ फेरेडेज सेकंड लॉ फेरेडेज फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो कितना चार्ज आपने सप्लाई किया है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इन टी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट बोलते हैं जेड को ये आपको पता है फेरेडेज सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर आपने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया एक पर्टिकुलर सर्किट में तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे

फॉर्मूला चार्ज डिडो जीरोप्लाइड ये चमक गया सबको दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करती हूँ कंडक्टेंस वाली है ना कंडक्टेंस रेजिस्टेंस वाली तो जैसे की आप बच्चे जानते हैं कि हमारे पास एक होता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए अगर मैंने इनका इन्वर्स कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा यही आ जाएगा by R को हम बोलते हैं कंडक्टेंस जी है ना एल कांस्टेंट और वन बाय को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट और मैंने आपको तुक्का सिखाया था के इज इक्वल टू जी जी है ना जैसे हम नहीं कहते ए जी ओ जी लो जी सुनो जी 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 तो जीजी का मतलब क्या है जी स्टार क्या कहलाता है सेल कांस्टेंट अब कई दुनिया के बच्चों को है ना सेल कांस्टेंट नहीं चमकता एल बाय ए है या ए बाय एल है तो याद रखना एल बाय है जी का मतलब होता है हमारा कंडक्टेंस और के क्या है कंडक्टिविटी 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 मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना या फिर इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस आगे देखिए अब अगर मैं बात करती हूँ मोलर और इक्वल एंड कंडस की तो मेरे पास फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस एम इज इक्वल कंडक्टेंसेंड इंटू के अपॉन मोलरिटी और लैमडा क्या क्या फॉर्मूला होता है के अपॉन नॉर्मैलिटी ये फॉर्मूला तब लगाना है अगर के होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में के किस में होना चाहिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मगर गलती से अगर आपको के ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में दे रखा है तो कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी है बस थाउजेंड को नीचे कर देना लैमडा इक्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा के डिवाइडेड बाय

तो एक हमारे पास इक्वेशन होती है जिसको डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन कहते हैं तो लैमडा एम रूट ऑफ सी मेरी बात सुनो वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहते हैं मगर आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है ये ऊपर जाएगा जाएगा इन्फानाइट तक अगर आप पहुंच जाते हो बहुत ही सी ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंच जाते हो दैट इज लैमडाइम इन्फिनिटी ये जो कहानी थी ये थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की यह कहानी किसकी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और यहाँ पर आप ऐसे तेजी से करते हो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ते हैं डाल्यूशन पे और क्या बढ़ता है नंबर ऑफ आयन्स के साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन आयन्स बढ़ता है सो so, बहुत रैपिड इंक्रीज आता है इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये ऊपर जाएगा लैमडाइम इन्फिनिटी in अब मुझे पता चल गया कि ग्राफ के लिए मैं लैमडाटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकती हूँ मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल पाते इसके लिए हमारे पास एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं ये कहता है अगर मुझे लैमडाइम इन्फिनिटी in लिखना है लेटर से सोडियम एसिटेट का सी एच सी सी ओ एन ए तो मैं इसको लिखूंगी दिस इज इक्वल टू लैमडाइम इन्फिनिटी ऑफ सी एच सी सीओ माइनस प्लस आई विल राइट इट टू बैमडाइम इंफिनिटी ऑफ एन ए प्लस

मतलब सिमिलर तरीके से आप दो तीन इक्वेशन को एड और सब्रैक्ट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का एम निकाल सकते हो एक सवाल जो पेपर में जनरली पूछा जाता है अगर आपको लैमडा कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है सपोज करो मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड ये चमकना चाहिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो भी लैमडा एम है उसका लैमडा एम इन्फिनिटी से डिवाइड करो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा अब बताती हूँ सवाल कैसा आएगा एसिटिक एसिड की दे दे रखी रखी होगी से मोलर है है ना और वो पूछ रहा है एल्फा निकाल के दिखाओ जब आप एल्फा निकालोगे तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है ना कि कैसे करना है तो देखो कुछ नहीं करोगे एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये टूटेगा टू फॉर्म सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस ये देखना ये पॉइंट टू नथिंग नथिंग पॉइंट टू माइनस पॉइंट टू एल्फा यह आ जाएगा जीरो पॉइंट टू अल्फा ये आ जाएगा जीरो पॉइंट टू अल्फा चमक रहा है चमक रहा है चमक रहा है अगर एक बार आपको H प्लस पता चल गया तो यहाँ से पी एच निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा और एच प्लस निकालने के लिए एल्फा निकालना चमका डन है वन लास्ट थिंग अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है जैसे ए जी सी एल इन वॉटर अब बच्चे अगर आपके पास कोई स्परिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है वो वैसे ही इतना कम डिसोसिएट होता है कि इसका कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का किसी भी मोलैरिटी का जो सॉल्यूशन है वो ऐसे बिहेव करता है एज इफ इट इज डाइल्यूट तो आप यहां पर जो लगाएंगे, molarity. Molarity जो लगाएंगे एम इज इज इक्वल टू अपॉन मोलैरिटी मोलैरिटी ये द सॉल्युबिलिटी आप यहां पर लेंगे इन मोल्स पर लीटर और एम जो आपको दिया होगा यू कैन ऑलवेज कंसीडर इट टू बी लैम एम इनफिनिटी तो इन्ही चार तरीके से सवाल पेपर में आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये थे हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब देखो मैंने तुम्हें आई थिंक हर इंडिविजुअल लेक्चर में ये सिखाया है डिटेल में सिखाया है इसको डिटेल में सीखा है इसको डिटेल में सीखा है बट अगर किसी भी बच्चे को आज मेरे लिखने या मेरे बोलने से पहले नहीं चमक रहा ना दैट मीन्स आपको या तो वो कॉन्सेप्ट आता नहीं है और अगर आता है तो आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है आज की क्लास से नोट्स बना लो कि ये 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 वो टॉपिक्स है जो मुझे नहीं चमके जो मुझे नहीं क्लिक हो रहे और इन छोटे छोटे टॉपिक्स को जो आपको नहीं चमके आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा ठीक है चलिए डन चलो तो एक बार हम सेव कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट हो चुका है वेरी वेरी गुड थिंग यस तो सिक्सटी वन स्लाइड वी हैव डन चालीस स्लाइड्स लगभग और हमारी बची हैं फिर ये सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलो डन कौन से कलर के हाथ सोगे हो गए नेक्स्ट चैप्टर पहचानो अच्छा बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए नेक्स्ट चैप्टर विल बी ब्लैक कलर के हार्ट्स दे रहे हो चलो ब्लैक दे दो ब्लैक ब्यूटी है ना ब्लैक कलर के हार्ट्स क्या बात है हमारे सेशन के पांच हजार लाइक्स हो चुके हैं तबीयत मैम की खराब है ठीक है ब्लैक कलर के हार्ट्स दे दो फिर आगे बढ़ते है मेरे को ना दो तीन दिन से ना थोड़ा फीवर वीवर हो रखा था केमिकल काइनेटिक्स ब्लैक कलर के हाथ नहीं आए तब तक मैम कंटिन्यू नहीं करेंगी बस एक मिनट का समय और दे दो ब्लैक कलर के जब तक हाथ हैं तब आगे बढ़ेंगे अरे छोड़ो चलो भाई हम अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर और चैप्टर का पूरा का पूरा नाम है केमिकल एक बार दिल से भगवान जी को याद कर लेते हैं ठीक है आज थोड़ा खराब लग रहा है तो दिल से एक बार भगवान को याद कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये पता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान जी के पास तो होता ही होता है ना ये मानते हो कौन कौन इस बात को अग्री करता है कि लाइफ में जब ऐसा लगता है ना कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं तो भगवान जी एक दरवाजा आपके लिए खोल देते हैं आपकी भी यही सिचुएशन है एग्जाम आने वाला है बहुत सारे बच्चों को अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि मैम होगा या नहीं होगा बहुत बहुत सारी मेहनत तो आप बच्चों ने करी है बहुत मेहनत आप बच्चों ने करी है आई टोटली अंडरस्टैंड बट स्टिल अंदर से एक डर लगता है राइट हाँ जी तो जय श्री राम इन द चैट सो जाना चाहिए जिन भी भगवान जी को आप मानते हो है ना मेरा तो ये मानना है कि भगवान तो एक ही है उनके नाम और उनके रूप डेफिनेटली अलग अलग है कोई कृष्ण के रूप में मानता है तो कोई राम के रूप में मानता है कोई अल्लाह के रूप में मानता है तो कोई क्राइस्ट के रूप में मानता है तो भगवान तो एक ही है सबके बस नाम अलग अलग है तो जिन भी और सबसे बड़े भगवान तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स होते हैं मतलब मतलब मेरे को ऐसा लगता है ठीक है <laughs> कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठ के हर रोज अपनी मम्मी के पैर छूते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर देर जो अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं सुबह उठ के या अपने मम्मी पापा के मतलब पा, अब ये तो खैर हाँ ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा हाँ दूर होते जाते हैं है ना बट आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठ के एक बार अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं पता है मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है जो भी आपके एल्डर्स हैं जब आप मतलब जैसे मैं बताती हूँ मेरे घर में मतलब मेरी मम्मी के घर में ठीक है मेरे मम्मी पापा वाले घर में यहाँ ससुराल में नहीं मेरे मम्मी पापा वाले घर में वहाँ मतलब हर रोज सुबह उठ के जैसे लड़कियाँ नहीं छूती हमारे में लड़कियाँ मतलब मना करते हैं कि लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं बट लड़के जैसे मेरा भाई है ठीक है तो वो मेरे पापा के मम्मी के मेरे दादाजी के रोज पैर छूता है और uh, मेरी मम्मी है जैसे है ना तो वो मेरे दादाजी के पैर रोज छूती है तो मतलब जब भी मैं वहाँ जाती हूँ ना तो मेरे को अंदर से बड़ा अच्छा लगता है हमारे मतलब ऐसा छू लड़कियों को अवॉइड करते कहते हैं कि नहीं लड़कियों को पैर नहीं छूने चाहिए बड़ों के ऐसा मानते हैं ससुराल में यू कैन बट वहाँ नहीं तो बट आपको ना अंदर से बहुत अच्छा लगता है यू गेट वेरी गुड पॉजिटिविटी कि यार मतलब कुछ तो है मुझे नहीं पता मतलब कुछ तो है भगवान देखो किसी ना किसी रूप में आपके साथ होते ज़रूर है वो कहते हैं ना कि Uh, भगवान हर एक के पास खुद नहीं आ सके इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है ना ये बात जैसे बोली जाती है बट जब आप इनको ट्रूली फील करते हो तो अंदर से लिटरली ऐसा फील आता है कि यार माँ बाप में जिस बच्चे ने या जिस इंसान ने अपने माँ बाप में भगवान देख लिए उसकी जिंदगी सॉर्टेड हो जाती है चलो चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड नंबर ट्वेल्व केमिकल द चैप्टर बड़े ही ध्यान से इस चैप्टर को करेंगे छोटा सा चैप्टर है ब्यूटीफुल सा चैप्टर है मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए ए प्लस ए ए टू फॉर्म बी बी कल को या मैंने इसी रिएक्शन को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू लिख लिया एन टू प्लस थ्री एच टू टू फॉर्म टू अमोनिया अगर कोई मुझे कहता है कि इस रिएक्शन का आप रेट लिख कर दिखाओ रेट ऑफ रिएक्शन तो हम क्या करते हैं माइनस वन बाई वन डी एन टू बाई डी टी विलवल टू माइनस वन बाई थ्री डी एच टू बाई डी टी विलवल टू वन बाई टू डी अमोनिया अगर कोई मुझे कहे रिएक्टेंट के लिए आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख के दिखाओ डिस तो आप स्टोशियोमेट्रिक से डिवाइड नहीं करते आप सिंपल कहेंगे माइनस डी एन टू बाई डी टी और इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस नाइट्रोजन का ये था कोई कहीं रेट ऑफ डिसअपियरेंस हाइड्रोजन का लिखकर दिखाओ तो आप लिखेंगे माइनस डी एच टू वाई डी टी मतलब आप सोशियोमेट्रिक से डिवाइड नहीं करते हैं अगर मैं लिखू डायरेक्टली मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ मेरे पास दो ऑर्डर के काइनेटिक्स हैं जो सिलेबस में है पहला है हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स दूसरा है मेरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सेकंड और का ऑर्डर काइनेटिक्स भी देखने को आपके पेपर में पूछा जा सकता है मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीरो और ऑर्डर काइनेटिक्स का आपको बात करनी है जब भी जीरो काइनेटिक्स का या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सवाल आएगा मैक्सिमम 99 परसेंट केसेस होते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल आएगा फार्मूला बेस्ड मतलब जीरो ऑर्डर के लिए आपको दो फॉर्मूला रटे रटाए होने चाहिए बिफोर यू सी द फॉर्म्यूला ऑन स्क्रीन वो फॉर्मूला आपको चमकने चाहिए जीरो ऑर्डर मतलब ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू ए टी अब ये ए नॉट ए टी क्या है तो मान लो मेरे पास एक ए है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है कुछ नहीं टी इज इक्वल टू टी पर किसी भी टाइम टी पर जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है दैट इज ए टी समझ गए तो हम लिखते हैं ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी ए नॉट इनिशियल अमाउंट था ए इज अमाउंट विच इज प्रेजेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी उसके बाद

अब ये तीन ऐसे फॉर्मूला है जो रटे रटाए होने चाहिए पेपर में जाओगे फॉर्मूला याद होगा वैल्यूज चिपकाओगे आंसर आ जाएगा इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर का करके नहीं देखना माइनस डी तो ए इक्वल टू के इंटू ए रे सुदीपा वन फिर इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं फिर सुन लोगे मेरे से सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए ए नॉट इज इक्वल टू या ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू रे सुदीपा माइनस के टी इसका दूसरा फॉर्मूला एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी ये देखो मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बारहवीं का बच्चा है जिसको ये ना आता हो हर बच्चे को आता है मगर पेपर में याद आता है या नहीं आता ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो दोनों ए नॉट माइनस एटी इज इक्वल टू के टी एल एन ऑफ ए at बाई एटी इज इक्वल बोल बोल के बोल बोल के लिख लिख के ये याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में डायरेक्ट यूज होता है अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जैसे कि आपको पता है रेडियो एक्टिविटी

एन हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचा है इसके लिए formula चिपकाना है ऐसा बच्चा जिसने जिसको लगती लगती है है आप में में से कई ऐसे बच्चे हैं हैं जिनको math है। उन सारे बच्चों के लिए chemical kinetics में नंबर फ्री के लिए आते हैं अगर आपको formula पता है अगर आपको लगती है बट यू आर गुड विद्यूला ठीक है मैं बोल डायरेक्ट फॉर्म्यूला बे सवाल आता है

मतलब आपके पेपर में जितने भी सवाल आएंगे ना उसमें से 80 टू 85 90 सवाल आज के में से आ सकते हैं क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर तुम मुझे भी कहो ना मैम आप एग्जाम बना दो तो मैं भी सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को चूज करूंगी क्योंकि जब आपका एग्जाम बनाया जाता है वो एक ऐसे बच्चे के लिए भी बनाया जाता है ऐसा नहीं है कि वो सारी हाईफाई चीजें पूछ ले हो तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं होगा ऐसा भी नहीं है कि सारी घटिया सिंपल चीजें पूछ ले तो सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा फिर सीट्स नहीं है हमारे पास तो एक एवरेज सवाल आपसे पूछा जाता है जिसमें कुछ टफ होंगे कुछ सिंपल भी होंगे कुछ ठीक लेवल के होंगे तो तो जो ठीक लेवल और सिंपल वाले ना वो तो तुम सारे मचा दोगे इसमें आराम से कर लोगे आगे देखो अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहां लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है उसकी वैल्यू होती है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो अगर मुझे जीरो ऑर्डर मैं कह रही थी ना कि कई बार एन एथ ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर की भी रिएक्शन आ जाती है तो वो इतनी ही आएंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि टी हाफ को कंपेयर करके आप कैसे रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं तो मान लो किसी ने दे रखा है कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू थी तो टी हाफ फाइव था जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पांच गुना होगी लेटर से दस कर दी तो आपका जो टी हाफ था वो भी लेटर से पांच गुना हो गया तभी पॉसिबल है ना जब यहाँ की पावर देखो तो मुझे ये समझ आ गया ये वन है तो वन माइनस एन की पावर कितनी होनी चाहिए वन तो इधर कर दो जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ गए तो कई बार डायरेक्टली ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि आपको

तो ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी प्रोडक्ट की एनर्जी कम है मतलब कुछ एनर्जी रिलीज हुई है ये जो डिफरेंस आया सबसे पहले इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी विल बी नेगेटिव चमक रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ये एनर्जी डायग्राम है और ये रिएक्शन के कोऑर्डिनेट आप लिख दो रिएक्शन के कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो मुझे अगर यहां से यहां जाना है तो मुझे पहले इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा ये जो बैरियर को मुझे क्रॉस करना है ध्यान से देखो इस पूरी एनर्जी को बोलते हैं थ्रेश एनर्जी क्या बोलते हैं थ्रेश एनर्जी की मुझे मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए तभी मैं बैरियर क्रॉस कर पाऊंगी बट आपके पास ओरिजिनली एनर्जी है कितनी इतनी आपको एक्स्ट्रा कितनी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कई बार पेपर में सिंपल ग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है यहाँ वैल्यूज दे रखी होंगी 25 20 10 ये वैल्यूज और आपसे पूछा जाएगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालो आपसे पूछा जाएगा ई निकालो ई का फॉर्मूला है जो हम अरहेनियस इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं

एक्स एक्सिस पे वन बाई टी रख दो ये देखो तो ये वाई हो गया log of k, x पे क्या हो गया, by t, negative slope आ रही है negative slope आ रही है, है, की की कितनी हो जाएगी, M, which will be equal to minus by 3r, बहुत सारे questions की भी करी है, और ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू होगी लॉग ये सवाल एक लास्ट सवाल जो केमिकल काइनेटिक्स से पूछा जाता है कि भाई अगर टी वन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू k1 है तो बताओ टी टू टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मुला है मेरे बिना बोले फॉर्मुला तुम्हें चमकना चाहिए ऑफ पेपर के दिन अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री नीचे था ऊपर था ई ऊपर था नीचे था टी वन पहले था बाद में था आ, ये सारी कंफ्यूजन अगर पेपर के दिन हो रही है तो भूल जाओ कि तुम पेपर में मचाओगे कम से कम जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है उसमें कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा लॉ के टू बाई के वन इज ए बाई टू वन थ्री नॉट थ्री आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टू ये था हमारे पूरे के पूरे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की डिटेल कई बच्चे अभी भी ये कह रहे हैं बस पीडीएफ शेयर कर दो बस पीडीएफ शेयर करो बच्चे अगर मेरे को सिर्फ ये पीडीएफ देनी होती ना तो मैं तुम्हें बता रही हूँ चार घंटे मुझे लगे थे तुम्हारी क्लास को बनाने में चार पाँच घंटे और लग जाते ये सारी चीज़ों को लिखने में है ना मेरी मेहनत थी बट मैं तुम्हें पीडीएफ दे देती ऐसी पीडीएफ दुनिया में बहुत अवेलेबल है ठीक है ये बहुत सारी अवेलेबल है तुम कभी भी गूगल सर्च करोगे पूरी केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे क्या करोगे उन शॉर्ट नोट्स का जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि उनमें लिखा क्या हुआ है पीडीएफ मैं दे दूंगी जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा यार मैं मेहनत कर ही इसलिए रही हूँ ताकि तुम्हारा फायदा हो ठीक है थीके? ये जो सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं ये इसीलिए बन रहे हैं ताकि तुम बच्चों का फायदा हो और अभी तुम देखना इन शॉर्ट नोट्स को कैसे है ना मतलब मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूँ इन शॉर्ट नोट्स को लोग देखो कितने है ना गलत गलत तरीकों से यूज करते हैं है ना कॉपी करते हैं आगे बहुत कुछ चलता है वो भी ठीक है यार वो भी कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा फायदा और है ना तो तुम लो तुम लो नोट्स लो मैं तो कह रही हूँ हर दोस्त के साथ शेयर करो सबके साथ करो यार मैं यहाँ पे एक बजे से पढ़ाना शुरू किया है ठीक है इतने घंटे से कंटिन्यूसली बोल रही हूँ इतनी मेहनत कर रही हूँ वो इसलिए ना ताकि तुम बच्चों का रिजल्ट आ सके मेरे लिए रिजल्ट मैटर करता है मेरे को और कुछ नहीं चाहिए ठीक है जिस दिन तुम मुझे मिलो ना एक बार प्राउडली मतलब ठीक है लड़कियां मिलेंगी मैम को तो भाई देख लो तुम समझ जाना ठीक है मे मैं तुम बच्चों से सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ मतलब मेरे लिए मेरी ताकत मेरे बच्चे हैं मेरे को और कुछ नहीं पता आसान नहीं है जैसे जिस तरीके से आज मैं सेशन ले रही हूँ ना इतनी तेज 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 कंटिन्यूसली बोल रही हूँ मैं बड़े धीमे से तुम ये मेरी नॉर्मल स्पीड नहीं है पढ़ाने की अगर मैं नॉर्मली पढ़ाऊँ तो शायद शायद मेरे लिए आसान हो जाएगा ठीक है बट जब मुझे पता है कि सिचुएशन ऐसी है कि पेपर है ना दो तीन दिन बाद तुम्हारा पेपर है और आज तुम्हें तगड़ी वाली रिविजन करनी है और वो रिविजन भी इसलिए मैंने पूरा का पूरा सेशन प्लान किया कि भाई मतलब मेरे लिखने से पहले तुम्हें चीजें क्लिक करेंगी ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा तो ये सेशन सेशन कम और कॉन्फिडेंस बूस्टर ज्यादा है तुम्हारे लिए तो मेरी तो बहुत मेहनत जा ही रही है ठीक है वो तो जेनुइन है बट सेटिस्फाइड हूँ मुझे पता है अभी क्या हुआ थोड़े दिन पहले ना मैं मेट्रो में जा रही थी मैंने बताया भी था आई थिंक तो ना Uh, मेरे हाथ में ना सामान था तो मैं अपनी मम्मी के घर से आ रही थी तो मेरे पास नक्श भी था और बहुत सारा सामान भी था तो बड़ी मुश्किल से मैं वो सामान घसीट घसीट के ठीक है मेट्रो से लेके आ रही थी तो ना बहुत दूर से एक बच्ची आई और जोर से मतलब जोर से उसने आते ही ना हक किया मैं एक मिनट के लिए डर गई कि ये क्या हो गया मतलब वो एक पुल है राजीव चौंक मेट्रो स्टेशन में ना एक पुल है तो हमें नोएडा जाने के लिए वो क्रॉस करना पड़ता है तो वह क्रॉस कर रही थी अब मेरे को बड़ा औखा होता है कि भाई सीढ़ियों से इतना सारा सामान उठा के आप ऐसे क्रॉस करके उधर जाओ तो वो लड़की आई उसने बड़ी तेज हक किया तो एक मिनट के लिए तो मैं डर गई नक्श भी डर गया कि ये क्या हुआ तो फिर मैंने पूछा जी कौन तो कह रही मैम मैंने ना आपसे पढ़ा था ठीक है मैं अब आई दिल्ली में हूँ और मैंने आपसे पढ़ाई करी थी तो मैं अभी अपने हॉस्टल जा रही हूँ ठीक है छुट्टियाँ थी अब मैं छुट्टियों से घर से वापस आई हूँ हॉस्टल जा रही हूँ यहाँ रहती हूँ मतलब उस बच्ची ने जो प्यार उस मोमेंट पे मेरे को दिखाया ना मतलब जो प्यार उस बच्ची का था उसके मन में मेरे लिए जो प्यार था ना मतलब मेरी आंखों से आंसू आ गए कि यार मतलब अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं ना और बच्चे आपको प्यार कर रहे हैं तो वो सब कुछ मतलब सारी थकावट और कुछ वो मतलब ख़त्म हो जाती है तो फिर उस बच्ची ने कहा <laughs> कहती मैम आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ मैंने कहा देख अभी तो एक काम कर मेरे साथ ना एक बैग की जैसे बैग के दो वो नहीं होते हैं मैंने कहा यार एक टहनी तू पकड़ ले बैग की एक थैले का वो मैं पकड़ लेती हूं। मेरे से पुल क्रॉस करा दे देख मेरे बस की बात नहीं है <laughs> बड़ा मुश्किल है तो कह रही नहीं मैम बैग आप उठा लो मैं नक्श को ले लूँ मैंने कहा ले ले फिर उसने नक्श को गोदी में उठाया और मैंने बैग उठा के हमने वो क्रॉस किया ठीक है हाँ तो जिस दिन मेरे से मिलो जिस दिन भी मिलो बस मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद ना बच्चे का रिजल्ट ऐसा है ना कि मतलब मेरे लिए वही कहते हैं ना गुरु से अगर तुम पढ़ते हो तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है तो भाई तुम अपने गुरु को बस एक ही गुरु दक्षिणा देना कि बस एक स्माइलिंग फेस के साथ मिलो मतलब कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार केमिस्ट्री मैम ने पढ़ाई और मजा नहीं आया ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए मैम से केमिस्ट्री पढ़े थे एग्जाम में मचा दिया बस बस जिस दिन मिलो ना मेरे को बस एक स्टेटमेंट बोल देना मैम मचा दिया था पेपर में मेरे लिए मतलब मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा तुम्हारी जो तुम मुझे दे सकते हो वो यही है कि मैम पेपर में हम मचाए हैं ठीक है चलो <coughs> चलिए सो so, हमने क्या सेव किया नहीं किया बातों के कि चक्कर में मैं भूल गई सेव कर लेते हैं एक बार बारह चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ये क्या अभी भी सिक्सटी फोर पे अरे रे चलो तो सिक्सटी फोर स्लाइड पे हम आ चुके हैं लगभग सौ स्लाइड्स हमारे पास हैं अब हमारी पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास ट्वेल्थ जहां पर सबसे पहले मैं आप बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अब देख लो मैंने ना ऑलरेडी नोट्स में बहुत कुछ लिख दिया है क्योंकि इनमें लिखने में बहुत टाइम जाता है तो बिफोर आई से आप लोगों के है ना चीजें चैट्स में चलती जानी चाहिए या फिर अपने नोट्स में लिखते जाना ठीक है नोट्स में लिखते जाओगे तभी फायदा है अब हम तब तक इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ठीक है ना जब तक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाता शॉर्ट में मगर सारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगी डी एंड एफलॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले जो चीज मैंने आपको सिखाई दैट इज द ट्रेंड इन द रेडियस आप सब बच्चों को पता है जैसे जैसे सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं सबसे पहले आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं जिसकी वजह से मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ती चली जाती है जिसकी वजह से साइज कमता चला जाता है वन सिक्सटी फोर वन फोर्टी सेवन वन थर्टी फाइव वन ट्वेंटी नाइन मगर मैंने आपको सिखाया मैंगनीज के केस में एकदम से स्पाइक आता है वो स्पाइक क्यों आया था बिकॉज मैंगनीज का एक टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर होता है ग्राफ अभी अभी आप मेरे साथ कर कर आए हैं तो सरस्वती तेरी वंदना करे यहाँ पर मैंगनीज में एक बार स्पाइक आ जाता है फिर क्यों नहीं कुछ जाने ध्यान से देखिए है ना फिर हमारा ये ये सिमिलर है क्रोमियम इतना आ गया फिर आयन कोबाल्ट निकल आयन कोबाल्ट निकल के सिमिलर सिमिलर साइज है और बाद में साइज एकदम से बढ़ता है कॉपर और जिंक कोई भी आपसे वैल्यूज पेपर में नहीं पूछेगा बट मेरे बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि उनको ग्राफ का पूरा का पूरा मतलब पता होना चाहिए ले 164 से से 147, 135, 129 वैल्यू वैल्यू कम हुई Manganese की एकदम से हुई. फिर कोबाल्ट, निकल, ग्रुप का क्या वेरिएशन I mean, आता है तो मैं आपको बता दूं हूँ थ्री सबसे छोटा होता है फिर फोर और फाइव डी लगभग डी का सिमिलर साइज का रीजन भी आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गया होगा क्योंकि नीचे जब आप जाते हैं फोर डी और फाइव डी में तो नंबर ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होता है कि वो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना अच्छे से शील्ड हो नहीं पाता इसलिए न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को झगड़ के पकड़ता है इसलिए साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता थ्री डी का साइज छोटा है फिर फोर्डी और फाइव डी फोर्टी और फाइव डी में से साइज जो है लगभग लगभग सिमिलर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करती हूं मेल्टिंग पॉइंट के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं अगर मैं बात करती हूँ मेल्टिंग पॉइंट की तो सरस्वती तेरी वंदना करें आपको पता है कि मैम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगी मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा याद रखना थ्री में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है क्रोमियम का याद रखना थ्री में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का मैंगनीज के केस में एक डिप आता है डिप का रीजन ये है क्योंकि इसका टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर होता है इतना अच्छा स्ट्रक्चर है नहीं मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है फिर एंड को बाद निकल एंड कॉपर एंड जिंक मतलब सबसे टॉप पे क्रोमियम है ये बात आप याद रखेंगे आगे देखिए अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की इस टॉपिक से सवाल पेपर में आता है

ना ही इनकी किसी एक्साइटेड स्टेट में इसलिए जिंक कैडमियम मर्करी को हम क्या बोलते हैं elements, आगे देख लिए, मैंने लिख दिया है क्योंकि इससे भी सवाल, मैंने भी में सवाल डाले थे इससे भी सवाल बनते हैं टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है टू वेनेडियम किया टू थ्री क्रोमियम किया टू थ्री फोर फाइव ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आयन है टू थ्री फोर सिक्स कोबाल्टू थर्टी फोर निकल है टू थर्टी फोर कॉपर कॉपर एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे एक डब्बे में में चीजें लिख रखे हैं कि जो है सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है कॉपर टू प्लस एक्वा सोल्यूशन बना लेता है प्लस कॉपर बना लेता है ये एनसीआरटी की लाइन है इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी की एक और लाइन है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है जिसकी वजह से हाईर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है क्रोमियम प्लस सिक्सिडम प्लस है तो याद रखना पेपर में आता है वो है ई नॉट ऑफ एम से एम टू पॉजिटिव मतलब आप इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कंपेयर कर रहे हैं अब मेरी बात सुनो जब भी आपको मेटल सॉलिड को ये जैसे ही आया ना आपके आपके दिमाग में वो पिक्चर आनी चाहिए मेटल से m2 पॉजिटिव एक्वस बनने के लिए पहले मेटल से मेटल गैस बनना पड़ता है एटोमाइजेशन देनी पड़ती है फिर मेटल गैस से मेटल टू पॉजिटिव गैस बनना पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी वन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी टू देनी पड़ती है फिर पानी से अटैक मतलब पानी इसके साथ चिपकेगा तो क्या बनेगा m2 प्लस एक्वस यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी देनी पड़ती है चमक रहा है तो अगर मुझे e से e ऑफ मतलब या मुझे अगर E नॉट लिखना है मेटल से मेटल प्लस टू तो मेरे को सारी चीजों को देखना है मुझे एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन भी देखनी है मुझे आयनाइजेशन एनर्जी भी देखनी है मुझे आयनाइजेशन एनर्जी भी देखनी है मुझे हाइड्रेशन एनर्जी भी देखनी है मुझे हाइड्रेशन एनर्जी भी देखनी है लिख देती हूँ दोबारा आई नीड टू सी हाइड्रेशन एनर्जी ये थियोरी इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि पेपर में कई बार थियरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है देखो वैसे तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पानी के साथ रिएक्टिविटी कम होती जाती है तो टाइटेनियम की ज्यादा है फिर वेनेडियम की कम क्रोमियम की कम मैंगनीज की इसलिए ज्यादा है क्योंकि एम एन टू प्लस जब बनता है वो काफी स्टेबल हो जाता है क्योंकि एग्जैक्टली थ्री डी फाइव हो जाता है हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन है सच अ वाव थिंग उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाएंगे फिर से कम होता जाता है पॉइंट फोर पॉइंट टू एट पॉइंट टू फाइव जबकि कॉपर से कॉपर टू प्लस बनना नॉन स्पॉन्टेनियस है जबकि कॉपर टू प्लस से कॉपर बनना स्पॉन्टेनियस है नेगेटिव यहाँ पर ई नॉट है ये ई नॉट की वैल्यूज मैं ये नहीं कह रही रटो मगर मैं ये जरूर चाहती हूँ कि ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कलर की बात करूं मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते हैं कि अगर हमारे पास डी डी ट्रांजिशन हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में अगर मुझे बात करनी है अगर मेरे पास कोई भी अनपेड डी इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में वो स्टेबल है नहीं जब वो कम बैक करेगा ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी रिलीज होगी अगर वो एनर्जी का ट्रांजिशन विजिबल रेंज में लाई करता है तो कंपाउंड कलर्ड है मगर डी जीरो डी टेन कंपाउंड कलरलेस होते हैं ये आंसर आना चाहिए ये पेपर का सवाल है D1 और D9 ब्लू कलर के होते हैं D2 और D8 ग्रीन कलर के होते हैं इन दोनों का कलर सेम है ये चार केसेस एक्स्ट्रा हैं जो पेपर में आ सकते हैं टाइटेनियम प्लस थ्री पर्पल कलर का है क्रोमियम प्लस थ्री भी वायलेटिश पर्पल कलर का है मैंगनीज प्लस टू और कोबाल्ट प्लस टू पिंक कलर का है अगर इतना तमाम समझाने के बाद आप कहते हो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कराया क्वालिटेटिव करा दो मैं कह रही हूँ क्वालिटेटिव करने से पहले ये करो ठीक है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले ये सारी चीजें करो क्योंकि यहां से शॉर्ट शॉर्ट सवाल बनता है इतना तो आपको आना चाहिए अब मैं बात कर रही हूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज की जो है के एम एन ओ फोर और के टू सीआर सेवन के एम एन ओ फोर आपको पता ही है कि ये पायरोल्यूसाइट ओर से बनता है सबको चमक रहा है ये पायरोल्यूसाइट ओर से बनता है केएमएनओ फोर ठीक है पायरोल्यूसाइट ओर का नाम है एम एन ओ टू जो कि ब्लैक कलर का होता है ये आना चाहिए वायरल और में आप बेस डालते हैं के खूब सारी ऑक्सीजन डाल के फ्यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है फ्यूजन करते हैं ऑक्सीजन की जगह आप के एन थ्री या के सी एनओ थ्री भी डाल सकते हैं है ना कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको डालना है ये भी पेपर में में कई बार स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है ये बनेगा में। हमारा हरे रंग का होता है इसके अंदर एसिडिक मीडियम डालो ये के एम एन फोर और एम एन टू में के एम एन फोर जो बना वो पर्पल कलर का होता है के एम एन फोर की स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैंगनीज पे ओ माइनस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ के एम एन फोर पर्पल कलर का होता है एक और आपकी एनसीईआरटी में सबसे नीचे नीचे दे रखा है अगर आपने के टू एम एन ओ फोर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी ठीक है या फिर ओजोन डाल दिया या क्लोरीन क्लोरीन डाल डाल के इलेक्ट्रोल electroly... दिया ये कन्वर्ट हो जाएगा के एमएनओ फोर में सिमिलरली ये जो के टू एम एन ओ फोर था इसकी शक्ल देख लो एम एन ओ माइनस ओ माइनस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो कई बार आपसे रीजन पूछा जाता है बिकॉज ऑफ ऑफ द कलर तो आपको पता है के एम एन ओ फोर में मैंगनीज प्लस सेवन ऑक्सीडेशन में तो यहाँ कोई डी डी ट्रांजिशन तो नहीं होती है तो so, जो कलर होता है वो होता है लीगन टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से एम एन ओ फोर टू माइनस में जिसकी वजह से कलर जो है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है ये छोटी छोटी चीज है जरूर है मगर एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में सवाल के रूप में बनती है KMNO4 में आपको बता देना चाहती हूँ कि इट इज एक्टिंग एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है हमारे पास रिडॉक्स का एक शॉर्टकट है जिसका नाम है बैन वन फिफ्टी थ्री मतलब अगर मीडियम बेसिक है एम एन ओ फोर माइनस प्लस सेवन से जाता है एम एन ओ फोर टू माइनस में जहां की प्लस सिक्स तो चेंज इन एन फैक्टर हमारा 1 का होता है अगर मीडियम आपका एसिडिक है सपोज मीडियम इज एसिडिक ये है बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में अगर मीडियम आपका एसिडिक है तो वो चला जाता है एम एन प्लस टू में चेंज इन एन फैक्टर पांच का होता है अगर मीडियम आपका माइल्ड बेसिक है ठीक है पेपर में लिखा हुआ है माइल्ड बेसिक या पेपर में इसके आगे लिखा हुआ है न्यूट्रल तो वो चला जाता है MnO2 में n फैक्टर का कितना आता है 7 से 4 में यानी कि 3 ये मेरे बिना बताए अगर बैन 153 चमका है तो पेपर में चमकेगा मेरे बिना बताए नहीं चमका नोट्स को देख के चमका तो मतलब तुम्हें कांसेप्ट चाहे आता होगा मगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है ठीक है कांसेप्ट याद नहीं है चलिए एक लास्ट चीज देख लीजिए के टू सी आर टू ओ सेवन के टू सी आर टू ओ सेवन बनता है क्रोमाइट ओर से जिसका फॉर्मूला है एफ ई सी आर टू ओ फोर इसको कई बुक्स में आप एफ ई ओ डॉट सी आर टू ओ थ्री के नाम से देखेंगे इसकी भी फ्यूजन करानी है एन ए टू सी ओ थ्री और ऑक्सीजन के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करा रहे हैं ये बनेगा Na2CrO4 जो कि येलो कलर का होता है साथ में Fe2O3 और CO2 Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का होता है आई थिंक साइड में दिख नहीं रहा वहां लिखा मैंने Fe2O3 इसके अंदर एसिडिफिकेशन डालेंगे क्या बनेगा Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक होता है लिख लो

ओवर टू यू दिस वॉज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स कैसा रहा किस किस को <coughs> मुझे बस इतना बता दो बहुत कुछ मैंने लिख दिया है बहुत कुछ मतलब टू मच मुझे बस इतना बता दो मेरे लिखने से पहले किस किस को चमका अगर मेरे लिखने से पहले तुम्हें ये चीजें चमक रही है ना पूरी की पूरी चीजें तुम्हारे दिमाग में उतर रही है तो तुम्हें पेपर से डरने की जरूरत नहीं है बट अगर इतने मेरे लिखने के बाद तुम्हें चीजें याद आ रही अच्छा बैन 153 में बेसिक मीडियम में यह बनता है अच्छा क्रोमाइट और का फॉर्मूला ये है तो जहां पर भी धीमे चमका है पेपर में भी वो नहीं क्लिक करेगा ठीक है धीमे नहीं चमकना चाहिए चमका तो बल्ब इतनी तेज चमकना चाहिए कि दूर तक रोशनी जाए ठीक है चमकना चाहिए नहीं चमक रहा तो इसमें डर की बात नहीं है पेपर से अभी भी कुछ दिन बचे हैं है ना जिसका जिस दिन भी पेपर है दिन बचे हैं ना तो आज अगर अपनी वीकनेस पता चल रही है तो उसपे वर्क करो उसको उसपे वर्क करोगे तभी वो स्ट्रेंथ बनेगी ठीक है अपनी वीकनेस पे वर्क करोगे हाँ थैंक यू कितने घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते घंटे हो गए मेरी ना निशान सर से बात हो रही थी सर कह रहे मैम इतनी तेज तेज पढ़ा रहे हो सर भी सेशन सुन रहे थे ठीक है मैं छोटा सा ऑफिस है हमारा ये एक स्टूडियो वहाँ पे बाहर बैठ के हम लोग काम कर रहे होते हैं पढ़व रहे होते हैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन इकट्ठे कर रहे होते हैं फाइल वगैरह बना रहे होते हैं अभी भी निशान सर आई थिंक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी टेस्ट की तो निशान सर कहते हैं मैम इतनी तेज तेज काहे पढ़ा रहे हो ठीक है मतलब दिमाग नहीं घूम रहा मैंने कहा सर अगर आज बच्चे का दिमाग घूम गया ना मतलब हो सकता है आज तुम्हें फील आ रहा हो कि मैम टू मच हो गया बहुत तेज 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 आप पढ़ा रहे हो बट मुझे ये पता है कि आज अगर तुमने इतनी स्पीड को सहन कर लिया और तुम्हारे सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो पहले से चमक रहे हैं तो पेपर में तुम्हारा दिमाग नहीं घूमेगा मतलब पेपर में क्लैरिटी होगी कि अच्छा यही है क्योंकि पेपर में ना इसी स्पीड से सोचना आना चाहिए पेपर में ऐसा नहीं होता कि बहुत टाइम आराम आराम से करेंगे डेरिवेशन करके करेंगे नहीं होता पेपर में टाइम टू द पॉइंट करना होता है पेपर में और जल्दी करना होता है आपकी तबियत खराब लग रही है हाँ थोड़ी सी खराब है थोड़ी सी खराब है बट पढ़ाने से आई फील गुड ठीक है

एक ओवरऑल पिक्चर होती है पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की है ना मतलब वैसे तो डी एंड एफ में मैं कह रही हूँ ना अकॉर्डिंग टू जो ठीक ठाक सवाल आते हैं देखो क्वालिटेटिव का एक सवाल आता है पेपर में नो no डाउट सवाल आ, आएगा ही आएगा आता है बट क्वालिटेटिव उसी बच्चे को करनी चाहिए जिसने पहले से मेहनत करी है तुम पेपर के एक दिन पहले कहो कि मैं क्वालिटेटिव करा दूं मैं क्वालिटेटिव कर लूं मैं रट लूं तो मैं कहूंगी नहीं करो वो नेगेटिव दिलाएगा राधा देन एनी कॉन्फिडेंस और एनी पॉजिटिव मार्क्स क्योंकि उसके लिए समय चाहिए उसके लिए दिमाग में चीजों को उतारना जरूरी है रटने से नहीं होता वो चैप्टर्स रटने का मतलब नहीं है ठीक है चलिए सो so, हम ब्रेक ब्रेक नहीं एक काम करो कोऑर्डिनेशन लंबा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लो फिर छोटू सा ब्रेक ले लेना ले फिर ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनिक भी देख लो अच्छी खासी है एल्डिहाइड एल्टिहाइडमीन बायोमोलिक्यूल्स सो काफी सारी चीजें हैं तो एक काम करो पहले कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लो तुम्हें भी अंदर से टेंशन खत्म हो जाएगी इनऑर्गेनिक हो चुकी है फिर जब क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक हो जाएगी फिर ब्रेक ले लेंगे अब पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे नोटबुक और पेन पे जो जो बोलती जाऊंगी आंसर देते जाना चैप्टर का नाम लिखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है मैंने शॉर्ट में कोऑर्डिनेशन ही लिखा है सबसे पहले आपको पता है नॉमिन क्लेचर नॉमिन क्लेचर आइमशो और sure, सब बच्चों को अब तक आ गई होगी अः केस किसी को नॉमिन क्लेचर नहीं आई है तो आपको मैं बता दूं पहले आप केटायन का नाम लिखते हैं फिर एनआइन का नाम लिखते हैं जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे सोडियम मगर इसको डाई सोडियम नहीं लिखते हैं है ना और केटायन के नाम में भी लिखने मतलब ये डब्बे के नाम में भी लिखने से पहले लास्ट में आप मेटल आइन लिखते हैं पहले आप लीगेंट्स का नाम लिखते हैं जैसे पानी को एक्वा बोलते हैं तो हम इसको बोलेंगे पेंटा एक्वा इस तरीके से है ना तो यहाँ पर एक चीज जिससे सवाल बनता है वो है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल मतलब एम्बीडेंटेट लिगेंड एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो दोनों ही साइड से अटैक कर सकते हैं आई थिंक ये सब जानते हैं ना एम्बीडेंटेट लिगेंड वो जैसे सीएन हो गया वो कार्बन की साइड से भी अटैक कर सकता है नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है जैसे एनो टू हो गया ये एनओ टू माइनस ये नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है और, और, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही साइड से अटैक कर सकता है आर नोन एज डीजा लिगेंड ये एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूं दो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो पेपर में बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं एक है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है नाइट्रेट की डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स का नाम है FeH2O5NOSO4 जैसे आयन ने हम आयन को हमने पांच पानी पिला दिए फिर वो कह रहे हैं नो no, मेरा पेट भर चुका है तो एफ -NO यहां पर आपको मैं बता दू सल्फेट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनओ व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इन ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बोथ देयर इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ए है हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एन ए टू एफ सी एन फाइव एन एन ए पे प्लस टू है, है, NO, है, NO, है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे माइनस टू आयन पे मैं बता देती हूँ x है साइनाइड पे माइनस फाइव है एनओ पे मान लो y है ओवरऑल कितना हो गया माइनस टू तो x प्लस वाई की वैल्यू थ्री होती है मतलब आयन और एनओ को मिला के टोटल टोटल जो चार्ज आना चाहिए वो प्लस थ्री आना चाहिए एनओ यहाँ पे हमेशा प्लस वन में होगा इसीलिए आपका आयन जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ये छोटा सा सवाल है अभी कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ मेटल कार्बोनिल्स की तो आपको मैं बता दू जैसे मान लो मेटल है और मेरे पास सीओ है तो जब आपने सीओ का वो मॉलिकुलर और बाइटल डायग्राम आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद होगा तो ये जो कार्बन के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले तो मेटल के खाली डी और बाइटल में दिए जाते हैं तो फर्स्ट ये जो कार्बन है है ना फर्स्ट ये जो हमारा कार्बन है ये मेटल के खाली एम्प्टी और बाइटल में इलेक्ट्रॉन भरता है कौन से बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से अब अगर है तो मुझे पता है पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड है तो मेरे पास पाई स्टार और बाइटल भी है सिमिलरली मुझे ये भी पता है मेरे मेटल के पास कुछ कुछ डी बाइटल ऐसे हैं जो फुली फिल्ड है पूरे फिल्ड डी फिल्ड और बाइटल है तो अब ये फिल्ड डी और बाइटल इलेक्ट्रॉन में आ रहे हैं एम टी पाई स्टार और बाइटल ऑफ कार्बन सीओ में तो आपको समझ आ गया कि सीओ ने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स दिए जबकि पाई बॉन्ड के थ्रू उसने इलेक्ट्रॉन को वापस गेन किया इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग भी आप बोल सकते हो किसने मेटल कार्बोनिल बनाया इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग हमने बोल दिया कि मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन सीओ के एम टी स्टार और बाइटल में दिए अब दिक्कत क्या होती है देखो अगर मैं फ्री सीओ की बात करती हूँ ये याद आ जाना चाहिए मेरे बोलने से पहले फ्री सीओ के अंदर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है थ्री बॉन्ड ऑर्डर थ्री है मगर जब मेटल जो है वो सीओ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल ने क्या किया अपने इलेक्ट्रॉन उठा के सीओ को दिए अब जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर और बाइटल में जा रहे हैं अब जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल में इलेक्ट्रॉन गए तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा बॉन्ड ऑर्डर कम होगा यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी वीक हो जाएगी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से सवाल बनता है अगर मैं बात करती हूँ वर्नर्स थियरी की तो वर्नर्स थ्योरी कई बार है ना आपके दो साल पहले भी पेपर में सवाल पूछा गया था कि वर्नर थ्योरी ये कहती है कि आपके जो आ, जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है जो सेंट्रल मेटल आयन है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है एक होती है प्राइमरी वैलेंसी एक सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी जनरली आयोनाइजेबल होती है सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है इनका कोई डायरेक्शन नहीं है वेर एस जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना, आपको मैं सिंपल सा शॉर्टकट बताती प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ़ सेंट्रल मेटल मेरे लिखने से पहले आ जाना बताओ, क्या है एफई एच टू फाइव एनओ एसओ फोर मतलब आयन पे चार्ज है प्लस वन, तो आयन की वन. आयन को कितने ने जोड़ रखा है पांच ये और एक ये छे छह लीगेंड आगे आयन पर जुड़े हैं तो सेकेंडरी सिक्स, सिक्स। ठीक है? ठीक है? है, है। किया गया है कि अगर आप झूठ को भी हजार बार बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो तो जनता को आप पागल बना सकते हो ठीक है जनता को आप पागल बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मगर ऊपर वाला सब देख रहा है ठीक है तो फेक confidence उस बच्चे बच्चे के अंदर होता है 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 और उसका क्या फायदा मतलब किसी भी बच्चे में फेक confidence है, किसी भी 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 में 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 इंसान तो आपको दो-चार बचा भी लेगा बट यार तुम में तरक्की नहीं कर सकते हो फेक कॉन्फिडेंस लेके बट अगर तुमने मेहनत करी है देखो कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम मेहनत करते हो ठीक है कोई भी बच्चा वर्किंग है ना उसने बहुत मेहनत करी है पेपर से पहले तो वो कॉन्फिडेंट होगा जिसने मेहनत ही नहीं करी है वो फिर अंडर कॉन्फिडेंट होगा फिर उसको इधर उधर के हथियार अपनाने पड़ेंगे मेहनत हाँ। तो जो बच्चे, जो बच्चे हाँ, नहीं करी है तो उसके पास जितने दिन बचे है ना उसमें मेहनत कर लो ये नहीं की पास्ट में देख देख के रिग्रेट कर रहे हैं हाई मैंने मेहनत नहीं करी कोई बात ही नहीं करी अब करो जितना कर सकते हो अब करो प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में ना तुमने पास देखा ना तुमने फ्यूचर देखा तो फेक कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कोई कॉन्फिडेंस ऐसे पैकेट में मिठाई तो है नहीं कि एक किलो दो किलो के भाव से ले आए मार्केट से ठीक है चलिए अगर नए टॉपिक की बात करती हूँ ये कहता है कि मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है जब हमारे मेटल आयन ने कॉम्प्लेक्स बना लिया कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद बताओ उस सेंट्रल मेटल आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आयन जब उसने पूरा कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अगर मैं कहूं ई एन निकाल के दिखाओ आयन का तो आप कहोगे मैम ये देखो के पे पॉजिटिव है मेरे पास बन गया एफ ई सी एन सिक्स ओवरऑल फोर माइनस यहां फोर माइनस है तो पहले आयन पे आना चाहिए प्लस टू आयन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर नंबर कितना छब्बीस तो छब्बीस में से पहले तो आप दो माइनस करोगे क्योंकि प्लस टू में है ठीक है तो आयन कितना हो गया ये चौबीस प्लस छह साइनाइड दो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो मेरे पास आ गया यहाँ से चौबीस और यहाँ से बारह तो मेरे पास आ गया छत्तीस तो अगर किसी का ई एन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर इस तरीके से आ रहा है एटी सिक्स मतलब नोबल गैस वाला नंबर आ रहा है तो वो कंपाउंड वैसे ही स्टेबल है मान लो किसी का इफेक्टिव अटोमिक नंबर पैंतीस आ रहा है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा वो अपनी रिडक्शन कराएगा इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक टेस्ट मैंने बच्चों से लिया था और पूछा था बताओ इसमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा तो वहां पे ईएन का कॉन्सेप्ट था ईएन निकाल लो अगर किसी का ईएन पैंतीस आ रहा है

यह है FeCO5 का स्ट्रक्चर देन वी हैव CrCO6 क्रोमियम यहां पर है एक दो तीन चार पांच छह तो यह है आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर CrCO6 का एक है Mn2CO10 कई बार ये पूछते हैं कि बताओ Mn2CO10 अभी अगर आप करोगे MnCO5 उसका नंबर ऑफ ई कितना आता है पैंतीस पैंतीस में वो खुश नहीं है एक और MnCO5 को आता कहता है कि चल दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है Mn2CO10 तो एक मैंगनीज पे पांच सीओ है एक दो तीन चार ये पांच एक दिख रहा है नीचे एक स्क्वायर है, दो ऊपर पिरामिड है पिरामिड वही वाला स्ट्रक्चर है, ये है आपका एम एन टू सीओ टेन का स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता मेटल, मेटल है, एक है कि CO2, CO8 में बताओ, टर्मिनल CO कितने जाता हैल सीओ कितने ब्रिजिंग सीओ कितने तो एक सीओ को देखो टोटल आठ सीओ लगाने को बाल्ट यहाँ है तीन सीओ यहाँ लगा दो तीन सीओ आप यहाँ लगा दो देख रहे और ये क्या हो गया हाँ, तो तीन सीओ काम करो यहाँ कुछ गलती हो रही है एक यहां पे चिपका दो एक सीओ आप यहाँ चिपका दो तो देखो यहाँ पर मेरे पास तीन और तीन छह मेरे पास टर्मिनल सीओ है दो सीओ ब्रिजिंग सीओ है इसको बोलते है कि, आ, हैं कि क्या कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर मैक्सिमम इन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर पेपर में पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन में अब एक लास्ट चीज बता देती हूँ जिससे लिटरली सवाल पूछे जाते हैं ठीक है हाँ एक ये हो गया और फिर मैं ये सिखा देती हूँ आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन में देखो मिक्स तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपको वीबीटी और सी दोनों का यूज करना है सवालों को आंसर करने में सबसे पहले वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वीबीटी कहती है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं नाइट्रोजन या कार्बन डोनर जो लीगेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं हेलोजन या ऑक्सीजन डोनर जो लीगेंट होते हैं वो हमारे वीक फील्ड लीगेंट होते हैं दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मेरे एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले तुम्हारे आंसर आने चाहिए के फॉर एफ सी एन सिक्स तो मुझे पता चल गया के पे पॉजिटिव है ये आ जाएगा एफ ई सी एन सिक्स पे फोर माइनस मतलब मेरे को ये पता चल गया आयन जो है मेरा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आयन होता क्या है आयन होता है थ्री डी सिक्स फोर एस टू जब आयन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री डी सिक्स अब मुझे पता करना है कि ये डी डी टू एस पी थ्री एस पी थ्री डी टू अब कुछ भी जो ये है मैंने कहा मैम मैं तो अगर, तो 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 अगर मेरे पास ये आ गया है ना सारे के सारे उसने पेयर कर दिए और अगर ऐसे नहीं लिखना आता ऐसे लिख लो कोई टेंशन की बात नहीं है अगर वो स्ट्रॉन्ग फील लीगेंड है तो पहले तुम डी सिक्स ऐसे लिख लो एक दो तीन चार पाँच और एक छ

मैंने कहा था वीक अगर वीक फील्ड है है अगर तो भाई साहब कुछ हो नहीं पाएगा है ना अगर कुछ हो नहीं पाया तो ये बनाएगा एसपी थ्री डी टू का मतलब है इसने आउटर और बाइटल का डी यूज किया इसको बोलते हैं आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स इसको क्या बोलेंगे आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स और क्या आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे हैं अगर खूब सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है दैट मींस इट इज पैरामैग्नेटिक चमक गया बस ये था इनर और कॉम्प्लेक्स तो या तो आउटर और इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स का सवाल आएगा दूसरी केस अगर आपको वो पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर ये तो था कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की कहानी उसने पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर फोर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है एक एस पी एक है डी अब ध्यान से देखना मान लो आपने ले लिया जैसे आ, मतलब जब भी मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करती हूँ विद कोऑर्डिनेशन नंबर फोर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे चार चाहिए तो मैंने कहा मैम ये देखो एक, दो तीन चार ये थ्री डी हो गया ये पी हो गया, गया ठीक है ये डी सेवन एक दो तीन चार पाँच ये और ये सात ये डी सेवन है अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये उठा के यहाँ पे पेयर कर देगा मेरी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी स्ट्रॉन्ग uh, के केस में मेरी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी डी एस पी टू रहा। अगर मेरा D8 होता सपोज करो मेरे पास D8 होता इसी को दोबारा लिख रही हूँ समझा ही रही हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ स्ट्रॉन्ग फील लिखे ये फिर से पेयर कर देगा इवन अगर मेरे पास D9 होता मेरे पास D9 होता तो D9 ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेज है तुम्हें लग रहा होगा ये चिंदी चाप केसेज है दीज आर नॉट चिंदी चाप केसेस जब मैं बता रही हूँ ना हो सकता है तुम्हें सिंपल लग रहा हो पेपर में क्लिक नहीं करता एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ तुम्हें लगता है कि डी नाइन में एक इलेक्ट्रॉन तो है ही इसको क्या होगा तो SP3 होना चाहिए नहीं अगर वो इस वाले को बहुत ही प्यारा बनता है मान लो मेरे पास डी टेन है, है सारे ही कंप्लीट है तो जेन्यू ही बनेगा ये डी सेवन वाला केस डी नाइन वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मैंने ना आज पूरे सेशन में एक चीज़ करी मुझे जितनी केमिस्ट्री किसी बच्चे को पढ़ानी थी ना जितनी तुम मेरे से पेपर में दो दिन पहले आके पूछो ना मैम क्या क्या करके जाऊं कि पेपर अच्छा चला जाए मैंने तुम्हें सारा कुछ सब कुछ मेरी क्लास के कितने सारे शॉर्टकट्स है पूरे की पूरी मेरी अपनी केमिस्ट्री मैंने तुम्हारे यहाँ पे लिख दी और एक एक चीज वो लिखी है जहां से सवाल आने के मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं इतना कर जाओगे सवाल बढ़िया आ जाएगा ठीक है चलो आगे करते हैं अगला जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन में थोड़े से और सवालों का सवाल अब आएंगे सी के बेसिस पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे आई थिंक सवाल आपको पता है अगर मैं सवालों की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपको पता है ये देखो तीन डी ऑर बाइटल यहाँ दो डी और बाइटल यहाँ है ना यहाँ पे फेकमर मैंने यहां कर रखा है एक मिनट तो तीन डी और बाइटल यहाँ दो डी और बाइटल यहाँ टेट्राहेड्रल में दो डी और बाइटल नीचे आते हैं तीन ऊपर आते हैं यहां पर हो जाता है डी एक्स वाई डी वाई जेड एक होता है डी जेड एक्स एक होता है हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक होता है डी जेड स्क्वायर याद आ रहा है और ये जो स्प्लिटिंग होती है इसको हम बोलते हैं डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं अब ध्यान से सुनना अब कई बार क्या होता है ये जो सेंटर है इसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो नीचे जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो नीचे तीन है इसीलिए आएगा जीरो पॉइंट फोर टाइम्स डेल्टा ऊपर दो है तब हम लिखते हैं जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स डेल्टा और यहां से आपको सी एफ एस सी कैलकुलेट करने को बोली जाती है सी एफ एस ई फॉर एग्जाम्पल आपने इस स्ट्रक्चर की कैलकुलेट करनी है कुछ ये स्ट्रक्चर दे रखा कह रहे सी एफ एस ई कैलकुलेट करो मैंने कहा नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है तीन इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर टाइम्स डेल्टा ओ प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है दो इंटू जीरो टाइम्स डेल्टा हो कुछ याद आ रहा है टेट्राहेड्रल के केस में ये जो स्प्लिटिंग होती है कम होती है दिस इज डेल्टा टी चलो जल्दी से मुझे बताओ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा ओ इज हाउ मेनी टाइम्स डेल्टा टी जल्दी से डेल्टा ओ इज हाउ मेनी टाइम्स डेल्टा टी फटाफट से देखते हैं किस किस को आता है ठीक है

मतलब कॉपर टू प्लस को मतलब कोबाल थ्री प्लस कोबाल थ्री प्लस के साथ ऑक्सीजन फील्ड लिगेंड है, में बच्चा है यहां से अगर कर लिये तो हो जाएगा वेरी गुड आंसर आ गया फोर बाई नाइन अभी भी कई बच्चे नाइन बाई फोर लिख रहे ठीक है अच्छा मतलब मेरा कहने का मतलब यह था तुम्हारा लिख लो मेरा कहने का मतलब यह है कि डेल्टा ओ की वैल्यू डेल्टा टी से ज्यादा है डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो डेल्टा ओ के कंपैरिजन में कम होती है सो दैट इज टाइम्स डेल्टा गया <coughs> फिर मैंने उल्टा लिख दिया क्या मतलब कहने का मतलब यार डेल्टा टी हमारा कम है डेल्टा टी कम है तो डेल्टा टी विल बी सही तो लिखा था फोर बाय नाइन टाइम्स डेल्टा हो सही तो लिख रहे थे भैया काहे कंफ्यूज कर रहे हो चमक गया डन डन डेल्टा टी इज फोर बाय नाइन टाइम्स डेल्टा हो चमक गया चमक गया आगे बढ़िए <coughs> ये तीन केसेस हैं जो बहुत बार पेपर में आते हैं जैसे NiCl42- निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 निकल क्या होता है 3d8 4s2 अगर 4s2 है ये गया तो 3d8 अब ध्यान से देखना एक दो तीन चार पांच 6 सात आठ देखो Cl- एक वीक फील्ड लिगेंड है अगर Cl- एक वीक फील्ड लिगेंड है तो वो एक्साइटेशन नहीं कराएगा ना ही वो पेयरिंग कराएगा तो अगर उसमें एक्साइटेशन और पेयरिंग नहीं हुई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 चमका nicn4 to- निकल है 3d8 अब ध्यान से देखना इस केस में एक दो तीन चार पांच 6 सात आठ अगर ये d8 है वो इसकी पेयरिंग करा देगा एक d खाली हो गया हाइब्रिडाइजेशन dsp2 अब मैं बात करती हूं nico4 ब्यूटीफुल केस इसमें तुम फंसते हो यहां निकल 0 में है 0 मतलब 3d8 4s2 तो ये एस टू वाले इलेक्ट्रॉन डी में आ जाते हैं थ्री डी टेन तो बचा क्या फोर एस और फोर पी तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री ये तीन केसेस पेपर में जेन्यनली आते ही आते हैं चमक गया डन है डन आगे देखिए अब कोऑर्डिनेशन के हमारे दो और हिस्से बचे हैं जिसमें से सबसे पहला हिस्सा है कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म की बात करूं आइसोमेरिज्म एक आपको पता ही है स्ट्रक्चरल है एक्सटीरियो है स्ट्रक्चरल में अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन मतलब जैसे ये दो कंपाउंड्स हो गए दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है ठीक ठाक दोनों एक जैसे दिखते हैं मगर जब इसकी इसको पानी में डालेंगे तो सल्फेट बाहर आएगा इसको पानी में डालेंगे तो बी बाहर आएगा इसके अंदर ए एजी एन थ्री डालोगे तो एजी बी आर के येलोइ प्रेसिपिटेट आएंगे इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालोगे तो बी एस के व्हाइट पीपीटी आएंगे दीज आर आयोनाइेशन आइसोमर दूसरा होता है हाइड्रेट आइसोमर हाइड्रेट आइसोमर वो जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है मगर इनके अंदर छह पानी है इसके अंदर बाहर एक वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन है यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं जब इसको हीट करोगे इसका मास कम हो जाएगा इसका मास उतना कम नहीं इसका मास उतना कम नहीं होगा क्यों क्योंकि छह पानी अंदर है जो पानी बाहर है वही उड़ सकते हैं या फिर अगर आपने इसकी ए जी एन थ्री के साथ रिएक्शन करी तो दो एजी सी एल के पीबीटी बनेंगे या तीन एजी सीएल के पीबीटी बनेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को आप अलग अलग कर सकते हैं तीसरा केस होता है लिंकेज आइसोमर लिंकेज आइसोमेरिज्म उन केसेस में होता है जहां पर एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं जो दो साइड से अटैक कर सकते हैं जैसे यहाँ यह यह नाइट्रोजन की साइड से भी चिपक सकता है ऑक्सीजन की साइड से भी चिपक सकता है दीज आर नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन का अगला केस अगर मैं बात करती हूँ मतलब कोऑर्डिनेशन में अगर मैं बात करती हूँ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल अगेन तीन चार चीजों की बात करते हैं ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में ज्योमेट्रिकल कैसे कैसे पॉसिबल है या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा अगर टेट्राहेड्रल होते no टेट्रा में, हो ही नहीं सकता। प्लेनर में, या तो आपके दोनों ए सेम साइड पे हो जाएंगे बोथ ए आर ऑन द सेम साइड इसको हम सिस बोल देते हैं या फिर होगा क्या आपके दोनों ए ऑपोजिट साइड पे हो जाएंगे इसको ट्रांस बोलते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दो केसेस बनाने हैं।

मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है वो एम ए थ्री बी थ्री के अकॉर्डिंग होता है एम ए थ्री बी थ्री में अगर तीन ए ठीक है आपने ऐसे रखे तीन बी आपने ऐसे रखे यहां पर भी करना सिखा देती हूँ आपने तीन ए ऐसे रखे तीन बी ऐसे रखे ध्यान से देखना अगर आपने तीन ए ऐसे रखे कि आपके दो पैरेलल प्लेन्स बन रहे हैं इसको बोलते हैं फैक क्या बोलते हैं फेक अगर आपने तीन ए ऐसे रखे

Uh, चार क्वेश्चंस कराती हूँ ठीक है चार क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं किस किस को चमकता है यहाँ ए रखो ए रखो ए रखो हाँ हाँ थोड़े से चेंज कर लो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये ए ए बी ए ए बी अब आप पहले तो ये बताओ ऑप्टिकल आइसोमर ए का आंसर क्या है यहां लिखिए ए बी सी डी यहाँ लिखिए ए ए यहां लिख दो ये वाला यहाँ लिखो बी बी यहाँ ये लिखो ये लिखो ए लिखो ए लिखो बताओ इन चारों में से कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमर्स है वन में बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिजम है या नहीं टू में बताओ है या नहीं थ्री में बताओ है या नहीं चार में बताओ है या नहीं अगर ये चार क्वेश्चन तुमने ढंग से कर लिया तो पेपर में कभी ऑप्टिकल आइसोमेजम के क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे मगर अगर ये चार तुमसे ना बने तो मतलब तुम पेपर में मार खाओगे ठीक है अब बच्चे कई बच्चे तो यह भी पूछते हैं कि लास्ट दिन में पढ़ के है ना एक दिन में पढ़ के पेपर क्रैक हो जाएगा पेपर क्लियर हो जाएगा लास्ट के दो दिन में पढ़ के पेपर क्लियर हो जाएगा दिन में चौबीस घंटे ठीक है देखो लास्ट के दिनों में पढ़ के तुम टॉपर तो नहीं बन सकते हो टॉपर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो वो बच्चे कोई माड़े नहीं है वो बच्चे बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है जो लास्ट दो साल से पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो टॉपर बनने के लिए है ना सालों मेहनत करनी पड़ती है कम से कम मैं कहती हूँ दस बारह महीने तो मेहनत करनी पड़ती है अगर टॉपर बनना चाहते हो बट अगर चाहते हो एक नंबर आ जाए तो इतनी चीजें मैंने मैंने तुम्हारे को पढ़ा दिया ना ये जो वन शॉट्स लिए हैं ऑर्गेनिक के के इनऑर्गेनिक फिजिकल के फिर ये ले रहे हैं मतलब अगर आप इन सेशन को जो सार वाले सेशन होते हैं ना इनको भी अगर ढंग से करके जाते हो अब तुम इन सेशन को भी टू पे करके जा रहे हो उसमें जितना सिखाया वो तुम्हें आधा ही आता है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि नंबर अच्छे आ जाएंगे कम कम से कम इन शन्स को तसली से करके जाओ नंबर बनते हैं टॉपर लास्ट के तीन दिन में तुम टॉपर नहीं बन सकते ये तो मेरे से लिखवा लो है ना क्योंकि मैं खुद बचपन में एक टॉपर थी मुझे पता है टॉपर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक बार की बात है है ना मैं बताती मेरे को ना एक बार मैम ने मेरे को ऐसे स्केल दो तीन बार पढ़ा लाइफ में तो एक बार मेरी मैम ने साइंस की मैम थी उन्होंने स्केल मारा था ठीक है क्लास टीचर भी थी वो मेरी तो फिफ्थ क्लास की बात आई थिंक स्केल मारा मैम ने तो कुछ ऐसा हुआ था पूरी सिचुएशन बताती हूँ एक दिन ओरल टेस्ट हो रहा था क्लास में और मुझे आंसर नहीं आया तो मैम को गुस्सा आया मैंने मैम ने स्केल मार दिया तो मैंने मैम के साथ आर्ग्यू करते हुए ये बोला एक ही तो सवाल नहीं आया लास्ट यूनिट टेस्ट में तो मेरे 25 में से 25 आए थे सिर्फ यही सवाल तो नहीं आया तो आपको आप मुझे स्केल मत मारो प्लीज़ तो शी सेड कि लास्ट टाइम जब तुमने 25 में से 25 लिए थे जब तुम क्लास की टॉपर बनी थी ठीक है तो टॉपर बनना बहुत आसान होता है बट उस चीज़ को कंटिन्यू करना है ना बहुत मुश्किल होता है अगर आज तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना एक ही तो सवाल नहीं आया एक ही तो क्वेश्चन में नेगेटिव हुआ एक ही तो क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम पूरी लाइफ है ना बस एक 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 करते ही है ना पीछे रह जाओगे अगर एक नंबर कटने से या एक क्वेश्चन भी गलत होने से तुम्हें दुख होता है ना दैट मीन्स तुम्हारे अंदर भूख है कुछ अच्छा करने की तुम रिग्रेसली uh, उस चीज के पीछे पड़े हुए हो ठीक है हाँ जी तो बताइए

यहां देखो अगर मैंने कहा कि मैम ये जो है दिस इज द प्लेन ऊपर भी बी है नीचे भी बी है क्योंकि मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है मतलब दिस इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव अब कई बच्चों को इसमें भी नजर आता है और मैंने हजारों बार सिखाया है तुम कहते हो कि मैम ये देखो ये प्लेन है जो मॉलिक्यूल को ऊपर हिस्से डिफाइन कर रहा है ऐसा नहीं है ये ऊपर और पीछे की साइड है ये बॉन्ड नीचे और आगे की साइड है तुम कुछ भी कर लो देयर इज नो

सो so, ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिसको हमने धो डाला है कंप्लीट कर दिया है तो अब कोऑर्डिनेशन से तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए जितने भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जितने मैंने सवाल कराए जितने मैंने क्वेश्चंस तुमको कराए या जितनी भी थियोरी कराई अगर मेरे बोलने से पहले वो थ्योरी तुमको चमकी है तो तुम्हें कोऑर्डिनेशन से डरने की जरूरत नहीं है ये छोटी छोटी चीजें जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी है ये ये अगर ये तुम्हें चमका है तो तुम्हें कॉर्डिनेशन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पेपर में तुम मचा दोगे हां जी सो so सेवेंटी बाकी बची है हमारी 25 हैं हमारी लगभग स्लाइड्स देख लेते हैं लास्ट तक, कहां तक है? हाँ एक सौ दस तो है ही है तीन ये देखो नाइनटी थ्री तक तो मैंने लिख रखा है थोड़ा सा एनसीआरटी से पढ़ाऊंगी तो लगभग लगभग सौ स्लाइड्स तो तुम मान के चल सकते हो तो पच्चीस से तीस स्लाइड्स हमारी बची हैं तो हमारा Uh, कक्षा बारहवीं का एस पर योर एनसीआर भी कंप्लीट हो चुका है, अब ब्रेक, 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 ठीक है? हाँ चलिए तो अब हम छोटू सा ब्रेक ले लेते हैं ठीक है ब्रेक खत्म होने के बाद दस दस मिनट का ब्रेक लेते हैं बारह मिनट का ब्रेक खत्म होने के बाद मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी और अब ऑर्गेनिक की मजे हो जाएंगे क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स फिनोल एल्डिहाइड्स हेलोवेल्केथर एल्डीहाइड्स कीमीन्स बायोमोलिक्स पांच चैप्टर हमें और कंप्लीट करने हैं हेलो एल्केन्स एल्कोहल एल्डिहाइड अमीन्स और बायो मोलिक्यूल्स फाइव मोर चैप्टर्स विल बी कम्प्लीटिंग पंद्रह मिनट का चलो पंद्रह मिनट का ब्रेक ले लो मगर प्रॉमिस करो पंद्रह मिनट बाद आओगे ये कि जयराम जी की बाद में मिलेंगे फिर नहीं दूंगी इतना सारा ब्रेक ठीक है चलो ब्रेक ले लो मैं भी देखती हूँ अगर कॉफ़ी कहीं से पी आते हैं आ, ये होटल मैनेजर क्या होता है हाँ कॉफ़ी वॉफी अरेंज होती है चाय तो देखो हम पीते नहीं हैं कॉफ़ी मिल जाए कहीं तो बढ़िया है चलो पंद्रह मिनट बाद मिलना ठीक है पंद्रह मिनट का आराम से ब्रेक ले लो तसल्ली तो से इंजॉय करो खाओ पियो मुँह वगैरह धोया आओ ताकि नींद ना आए पंद्रह मिनट के बाद हम वापस मिलेंगे ठीक है हां जी सो इज एवरी वन बैक आगे सारे बच्चे गला बिल्कुल खराब हो चुका है <laughs> चलिए कल भी वीसी पे क्लास रखना प्लीज ओके डन बता दो क्या क्या चाहिए क्या कराए बता दो फिर अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे ठीक है चलिए तो बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पंद्रहवा चैप्टर आज की क्लास का हमारा पंद्रहवा चैप्टर जो है जिसका नाम है हैलो हेलो एलकेन्स तो so we'll get started with the chapter हेलो एलकेन्स हेलो अरीन्स और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं बहुत ही तगड़े तरीके से तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में आपको मैं एक ऐसे रिएजेंट से मुलाकात करा देती हूँ जिसका नाम है एन मेरे ख्याल से देखते ही सबको चमक जाना चाहिए एन बी एस इज एन ब्रोमो सक्सीना माइड अगर मान लो मेरे पास टोलविन दे रखा है एलाइलिक uh, सब्सटीट्यूशन करता है तो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे क्या होगा ब्रोमीन आ जाएगा डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन ये करता है अगर वंस अगेन मैं बात करती हूँ एस एन टू रिएक्शन की एसन टू आपको पता है कि एस एन टू रिएक्शन वो होती है जहां रेट जो है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू

एस एन टू में जो आपका सॉल्वेंट है है ना एस एन टू में जो आपका सॉल्वेंट है ये पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट होना चाहिए ये ए प्रोटिक सोल्वेंट होना चाहिए पोलर होना चाहिए बहुत ही बढ़िया है बट इट हैज टू बी पोलर ए प्रोटिक जैसे फॉर एग्जाम्पल डीएमएफ जैसे फॉर एग्जाम्पल आर बेसिकली द सॉल्वेंट्स जिनके अंदर एस एन टू रिएक्शन पॉसिबल होती है आगे मैं बात करती हूँ हमारे पास है एमबीडेंट एट न्यूक्ट न्यूक्लियोफाइल बेसिकली वो होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था तो जो साइड से अटैक कर सकते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक ही साइड से अटैक कर सकते हैं बट दे हैव द केपेबिलिटी कि वो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं फॉर एक्साम्पल आर एक्स में एजीसीएन डालोगे या एन ए सी एन डालोगे एनए सी एन डालोगे तो वो है एनए प्लस सी एन माइनस तो ये क्या बना लेगा आर सी एन

एल्काइल नाइट्राइट अब इसमें कई बच्चों को दिक्कत होती क्योंकि हम लिख देते हैं, AG, NO2, उसको लगता है एजी और एन के बीच में बॉन्ड है भैया नहीं एनओ टू पे माइनस है तो ऑक्सीजन का और एजी का बॉन्ड है नाइट्रोजन की साइड फ्री है इसीलिए अटैक होगा नाइट्रोजन की साइड से आर एनओ टू बनता है जमा गया सबको मूविंग फर्दर अगर मैं एस एन टू रिएक्शन की रेट की बात करती हूँ देखो दो ही तरीके के सवाल आते हैं सबसे पहला सवाल यह आता है कि आपको एक रिएक्शन देगी और आपको डीएमएफ डीएमएस ये लिखा हुआ दिया है आपको सिंपल न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना इन्वर्जन प्रोडक्ट है दैट इज केस नंबर वन केस नंबर टू ऐसा सवाल आता है जहां आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनमें से सबसे फास्टेस्ट एस एन टू रिएक्शन कौन देगा अगर रेट का सवाल आएगा तो दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आनी चाहिए जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पर एस एन टू ज्यादा है दूसरा केस जहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है वहां एस एन टू रिएक्शन ज्यादा है बात खत्म बस इतना ही आना चाहिए सबसे पहले आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए और दूसरी चीज जो रट लो मोर डेल्टा पॉजिटिव मोर एसेंटू जहां जहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है वहां एसेंटू का रेट ज्यादा होगा कुछ नेम रिएक्शंस की बात कर लेती हूँ जैसे कि मैंने आपको कहा था नेम रिएक्शन है डायरेक्ट सवाल हमारे पास पूछे जाते हैं पहली है स्वार्ट्स रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की हैवी मेटल फ्लोराइड जैसे कि एजीएफ सी ओ एफ थ्री एच डी एफ टू के साथ रिएक्शन करते हैं मेरे पास बन जाएगा अल्काइल फ्लोराइड

तुम अपनी जो तुम्हारी रफ नोटबुक है ना बारी 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 चीजों को लिखो आरसीएल में एनएआई डाला ये क्या बनाएगा आर आई प्लस एनएसीएल आर आई प्लस एनएसीएल एलकाइल क्लोराइड या एलकाइल ब्रोमाइड से आर आई बनाते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एसीटोन ली चेटलिय प्रिंसिपल का यूज करता है एसीटोन में सोल्यूबल है जबकि एनएसीएल एसीटोन में सोल्यूबल नहीं है इनसोल्यूबल है प्रोडक्ट बैठता जाएगा एसीटोन के अंदर इसीलिए रिएक्शन ली चेटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग uh, आगे जाएगी सुपर टेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं डार्जेंस रिएक्शन डार्जेंस रिएक्शन का मैकेनिज्म कोई आपसे पेपर में नहीं पूछता डायरेक्टली टू द पॉइंट सवाल पूछा जाता है मेरे लिखने से पहले आपको लिख देना है एल्कोहल की एसओ टू एसओसीएल टू के साथ रिएक्शन होती है एसओसीएल टू का नाम है थायोनिल क्लोराइड जिसको नहीं चमका भैया तुम पेपर में भी मार खाओगे पेपर में भी गलती करोगे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे ये बनाएगा आर सी एल प्लस एसओ टू प्लस एच सी एल एसओ टू और एच सी एल दोनों ही गैसेज होती है उड़ जाती है तो जो परसेंटेज प्रोडक्ट आता है प्योरिटी आती है उसकी बहुत ज्यादा होती है डार्जन को याद रखने का तरीका डार्जन में आर है आर का मतलब रिटेंशन रिटेंशन होती है कल को फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसा है ठीक है ये वाला अल्कोहल है इन्होंने कहा एसओ सी एल टू डालो गर्म करो तो चुपचाप से जहां ओ OH एच लगा हुआ था वहां पर सीएल चिपका देना सिंपल मगर अगर डार्जन रिएक्शन में पिरीडीन दे रखा है मैंने पहले भी बहुत बार आपको मैकेनिज्म समझाया मैकेनिज्म अभी नहीं करना पिरीडीन में याद रख लो आई आ रहा है आई का मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा वंस अगेन अगर इसके अंदर ओ एच है आपने एसओ सी एल टू डाला पिरीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है इन्वर्जन प्रोडक्ट बना दो तो सीएल जो है वो नीचे से आएगा दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट याद रखना है एक और हमारा प्रोसेस है डाउस प्रोसेस आपको पता है अगर मुझे क्लोरोबेंजीन में मैंने एनओएच डाल दिया बहुत हाई टेम्परेचर केल्विन और 300 एम पे इसको मैं फिनोल में कन्वर्ट कर सकती हूँ ये बात याद है और आपको क्या ये भी बात अच्छे से याद है है ना यहाँ पर अभी फिनोल वाले चैप्टर में आपको बताऊंगी कि आपको ये वाली बात भी याद है कि जैसे मैम यहाँ पर जैसे क्लोरोबेंजीन है अगर आपने यहाँ पर एनओ टू ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पे या आपने पैरा पे या फिर ऑर्थो पे अगर आप एनो टू ग्रुप लगाते हो तो सिंपल पानी डाल के अगर गर्म भी करोगे तो यहाँ पर रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाती है क्योंकि एनो टू जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा क्योंकि एनो टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा पानी अटैक अच्छे से मारेगा एंड हेंस यहाँ पर उ जाएगा इसको बोलते हैं पिकरिक एसिड टू फोर सिक्स ट्राइ जिसको पिकरिक एसिड के नाम से जानते हैं हेलो एल्केन्स हेलो हेलोअ की

बट स्टिल हम अगर यहां पर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ाएंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग नाइट्रो ग्रुप तो रिएक्शन का जो रेट है फास्ट हो जाएगा तो एस एन टू डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां पर OH के लिए अटैक करना बहुत ज्यादा आसान होगा ठीक है <coughs> ठीक है डन 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 ठीक है चलिए प्रिंस आए हमारी क्लास में कह रहे हैं आई लव यू साक्षी डार्लिंग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैम कही सो नाइस ऑफ यू

अगर मैं एस एन वन रिएक्शन की बात करती हूँ तो आपको याद होना चाहिए एस एन वन में जो रेट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हलाइड ओनली इसीलिए एस एन वन रिएक्शन एस एन वन रिएक्शन में कार्बो कैटायन बनता है मेरी बात ध्यान से सुनना जहां जहां कार्बो कैटायन बनेगा वहां वहां री अरेंजमेंट के चांसेस डेफिनेटली पॉसिबल हैं क्योंकि एस एन वन में कार्बोकेटाइन बनता है कार्बो कैटायन प्लेनर होता है तो आपके पास फिफ्टी परसेंट इन्वर्जन होता है

पूरे के पूरे में ये डार्जेंस रिएक्शन ठीक है डार्जेंस रिएक्शन में क्या यूज होता है पेरिडिन यूज करने से क्या होगा डाउज प्रोसेस क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन ये सारी SN2 रिएक्शंस के टाइप है ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट है फाइल को कर लेते हैं सेव फिर बढ़ेंगे आगे डन है चलिए मुद्दे की बात तो तब होगी जब हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर पे आएंगे क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा है ठीक है चलिए डन 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 डेल्टा प्लस मोर, 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 वेरी गुड, ये बढ़िया है, है, ठीक चलिए, अब हम बात करते हैं अपने चाप्टर. सोलवे चाप्टर का नाम लिखिए शराब एल्कोहल एंड ईथर भैया जैसे कि मैंने तुमको पहले भी कहा था एल्कोहल फिनोल ईथर मतलब जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे आ, लेंथ जो है टॉपिक्स की वो कम हो जाएगी और जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर पाएंगे नॉट बिकॉज कि हम चीजें छोड़ रहे हैं बट बिकॉज क्योंकि हम चीजें ऑलरेडी तभी मैंने जीओसी को लंबा खींचा हाइड्रोकार्बन को लंबा खींचा बिकॉज अगर आपने जीओसी और हाइड्रोकार्बन क्लास इलेवंथ की ऑर्गेनिक अगर आपने ढंग से कर तो 12th लिया तो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक जेनविनली आप अच्छी कर लेते हो ठीक है ना चलिए अब देखिए हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है एल्कोहल फिनोल ईथर एल्कोहल फिनोल ईथर में अब मैं बात करती हूँ

मेरे लिखने से पहले तुम्हें चमकना चाहिए ओ का शॉर्टकट चमकना चाहिए ओ एमडीएम का मैकेनिज्म पेपर में नहीं रिक्वायर्ड है क्या सोचोगे मैम ने सिखाया था ओएमडीएम का मतलब गोली मारो चुपचाप पानी ऐड करोगे एच प्लस ओ एच माइनस और जब पानी ऐड करोगे तो याद रखना है एडिशन कराओगे रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे दोबारा बोलो OMDM का मतलब सारे बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे जिनको नहीं पता OMDM का मतलब edition, no rearrangement. Rearrangement नहीं होती, होगी अटैकिंग स्पीशीज मतलब, का वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है ये बन गया मेरा ओ एमडीएम दैट्स इट तभी कहा था मैंने कहा था ना Markovnikov, -markovnikov, याद कर लो आगे काम आएगा यहां पे काम आता अगली जो नेम रिएक्शन है उसका नाम है कुर्च ऑफ रिएक्शन कुचर कुछ रोफ सी के यू सी एच आर यहाँ पे आएगा कुछ रोफ्स रिएक्शन स्पेलिंग चेक कर लेना ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती मुझे अगर आपके पास एक एल्काइन है एल्काइन के अंदर अगर आपने डाला एच डी एस ओ फोर कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर और पानी की प्रेजेंस में अब बंदा सोच रहा है मैं क्या कर जब भी कभी देखो एल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड होता है ऐसे ऐसे स्ट्रांगली हेल्ड होता है अब जब पड़ता है, तो है तुमने दिमाग लगाना नहीं तुम कहो मैम मतलब पानी बस पानी ऐड करो।, करो पानी ऐड करोगे तो पानी उधर जाएगा है ना ओ OH एच माइनस उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है ये इनोल बन गया इनोल से कीटो मेरे को बनाना आता है तो ये बन गया कीटोनोल ये पेपर में डेफिनेटली आता है आगे देखिए अगर मान लो मेरे पास है मान लो कोई भी बेंजीन है बेंजीन के ऊपर मान लो मैंने सी एच सी लगा दिया या कुछ भी बड़ा सारा ग्रुप लगा दिया जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है आप कॉन्सेंट्रेटेड के एम एनो फोर लोग गर्म करोगे ये सारा कुछ कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सीओ एच के एम एनो फोर एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हर चीज को कन्वर्ट कर देता है किसमें डायरेक्टली सी ओ एच में मूविंग फर्दर आपको मैं कुछ कॉमन रिएजेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी सबसे पहला मेरा रिएजेंट है कॉपर हीट एनसीईआरटी का सवाल है कॉपर को 300 डिग्री सी पे हीट करो या रेड हॉट कॉपर की बात करूं प्राइमरी अल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में सेकेंडरी अल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में मगर अगर आपने एक टर्शरी एल्कोहल की कहानी पढ़ी टर्शरी एल्कोहल रेड हॉट कॉपर के ऊपर क्या करता है डीहाइड्रेशन जितने भी बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमसे ना ऑर्गेनिक के सवाल हमें थियोरी आती है बट हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि उनको इतनी फास्ट स्पीड पर क्लिक नहीं करता कि क्वेश्चन में करना क्या है ठीक है ये क्लिक करना जरूरी है कि क्वेश्चन में आपको फाइनली करना क्या है सिमिलरली मेरे पास दो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक है पीसीसी पीडिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक है पीडीसी पिरीडीनियम डाइक्रोमेट जितने भी बच्चे मुझसे काफी टाइम से पढ़ रहे हैं उनको मैंने पीसीसी पीडीसी का स्ट्रक्चर सिखाया था एक बार अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो पीसीसी पीडीसी का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है पेपर में नहीं पूछा जाएगा स्ट्रक्चर बट कई बार स्ट्रक्चर देख के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो प्राइमरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा कीटोन Whereas, के साथ डज नॉट शो एनी रिएक्शन ये कहानी थी हमारे फिनोल, के पहले पार्ट की एल्कोल्टीड्रोबोरेशन हबो। हबो मतलब, ऑक्सीडेशन हबो मतलब लो, मेरे पास एक है, RCH, अब ये चीज मैं आपको हाइड्रोकार पढ़ा सकती थी यहाँ पे भी पढ़ा सकती हूँ पढ़ा सब कुछ रही हूँ बस हाँ टॉपिक्स को आगे पीछे मैंने इस तरीके से किया कि आपको अच्छे सही टाइम पे सही चीज समझ आ जाए हबो का मतलब होता है आप डाइबोरेन बी टू एच सिक्स एड कर रहे हो ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ टू लास्ट में आपने एच टू ओ टू डालना है आपने कुछ दिमाग नहीं लगाना कोई मैकेनिज्म नहीं करना पेपर में अगर हबो लिखा हुआ आता है या ये लिखा हुआ मिलता है आपने चुपचाप एंटी ऑफ एडिशन कर देनी है किसकी पानी की सोचो पानी ऐड कर रहे हैं और कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं मगर एंटी ऑफ तरीके से एंटी ऑफ तरीके से मतलब हाइड्रोजन उधर ओ उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है ये बन गया हबो बस इतना ही याद रखना है इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना ठीक है अब एन का कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ऑर्गेनिक का पेपर में आता है तुम्हारे पास शराब है शराब में डालोगे डिग्री पर तो सॉल्ट बन जाता है क्या आपको पता है सी 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 ओ एच टू पे पॉजिटिव है ना देखो यहां पर सिंपल आपका सॉल्ट बन जाता है पहले ओ एच टू पॉजिटिव बना ये यहां से निकला तो ये मेरे पास बन गया कार्बो पे पॉजिटिव और एच एसओ फोर माइनस मेरे पास सिंपल एक सॉल्ट बन जाता है अगर 90 डिग्री सी पे रिएक्शन कराती हूँ और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे पास बनेगा ईथर कुछ याद आ रहा है हाई टेम्परेचर पे 140 डिग्री सी पे मेरे पास क्या बनता है ईथर और 170 डिग्री सी पे मेरे पास बनता है एल्कीन ये सवाल आपके पेपर पे लिटरली मतलब कितनी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है टेम्परेचर याद रखने जरूरी है एनसीआरटी में गिवन है इसीलिए बारी बारी बोल रही हूँ आने चाहिए फिनोल ईथर की अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है रीमर रीमर टीमन टीमन रिएक्शन रिएक्शन मुझे पता है रीमर -टीमन का मैंने मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से करा था लिख लो जिन बच्चों को आरटीआर रीमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं आता आप मैकेनिज्म करके जाएंगे क्योंकि इससे मैकेनिज्म रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं मैकेनिज्म के आने के साथ साथ आपको डायरेक्टली पता भी होना चाहिए कि रीमर टीमन रिएक्शन कहाँ पे होती है मेरे पास फिनोल है फिनोल के अंदर सबसे पहले मैंने डालना है बेस फिनोक्साइड आयन बनेगा उसके बाद में डालूंगी क्लोरोफॉर्म Chloroform डालेंगे आपको पता है OH -H को लेगा फिर माइनस बनेगा CL निकलेगा आपसे कोई पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है तो आपको याद होना चाहिए डीसीसी डाईक्लोरोबीन इंटरमीडिएट इज फॉर्म द रिएक्शन उसके बाद ये आके यहाँ अटैक करेगा पूरी की पूरी रिएक्शन होगी और आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अगर आप बच्चों को मेरे लिखने से पहले नहीं चमका तो इस बात को पत्थर की लकीर मान लो कि पेपर में भी नहीं चमकेगा मतलब जैसे ही मैंने बोला ना आरटीआर तुम्हारे दिमाग में अपने आप से चमकना चाहिए मतलब रिमर रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के ओ एच डालेंगी मैम उसके बाद एच प्लस डालेंगी अः ऑर्थोसेलिसड बनना चाहिए इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डाइक्लोरोबिन इंटरमीडिएट है ये चमकना चाहिए आगे अगर मैं फिनोल की बात करूं ये देखना मान लो मेरे पास बेंजीन में मैंने प्रोपीन डाला H+ प्लस की प्रेजेंस में तो सबसे पहले क्या होगा यहां कार्बोकेटाइन बनेगा फिर बेंजीन अटैक करेगा मेरे पास बनेगा आइसो प्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम सबको याद है आइसो प्रोपाइल बेंजीन और आइसो प्रोपाइल बेंजीन का सबको सिंपल देसी भाषा का नाम याद है इसको बोलते हैं क्यूमीन गाली नहीं दे रही गाली देनी हो किसी और को दूंगी इसको नहीं दूंगी इसको बोलते क्यूमीन क्यूमीन में अगर आपने ऑक्सीजन डाला सनलाइट की प्रेजेंस में ठीक है ना क्यूमीन में ऑक्सीजन डाला सनलाइट की प्रेजेंस में तो यहां जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो टूट के ओओ का बॉन्ड आ जाएगा हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो मेरे पास एक बन जाएगा एसिटोन और साथ में बनेगा फिनोल एक बनेगा एसीटोन एक बनेगा फिनोल ये याद होना चाहिए डायरेक्टली पेपर में आता है इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम है क्यूमीन ये पता होना चाहिए

ठीक है और अगर आप इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं सी एच थ्री सी एच टू एक्स अरे भैया काम खराब हो जाएगा अगर ये बहुत ज्यादा बल्कि हुआ तो ये आकर के एच प्लस को ले आएगा ये इधर आएगा ये इधर मतलब मेरे पास एल्कीन बन जाएगा तो इसीलिए आपको देखना है कि ये बैक साइड अटैक कर पाए इस तरीके का आर ओ माइनस आपको चूज करना है और इस डेल्टा आर एक्स पर डेल्टा प्लस भी ज्यादा होना चाहिए तभी वो बैक साइड से अटैक कर पाएगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर अब एक लास्ट टॉपिक ईथर का जो हमारे पास बचा है जो इंपॉर्टेंट है वो है ईथर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में मान लो आपने एच आई डाला तो ये क्या बनना चाहिए आर ओ एच आर डॉट डॉट और इस पे पॉजिटिव अब यहाँ से ना बड़े सारे केसेस होते हैं सबसे पहला केस नंबर वन ये इस पे इस पेज से सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं ध्यान से देखो अगर मान लो आपने ये डाल दिया ये बन गया मान लो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्राइमरी है मेरा राइट हैंड साइड पे भी प्राइमरी है तो कार्बोटाइन तो बनी नहीं सकता अब आई माइनस आकर के बैक साइड अटैक करेगा यानी कि रिएक्शन होगी एस एन वन अब एस एन वन वही होगी जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये इधर आया ये निकल गया यानी कि मेरा प्रोडक्ट होगा सी आई प्लस सी सी ओ एच मान लो गलती से कॉन्सेंट्रेटेड एच आई दे रखा है या ऐसा दे रखा है कि एच आई इज इन एक्सेस तो ये फर्दर रिएक्शन करके सी सी आई बनाएगा ये तभी बनाएंगे जब एक्सेस में है अब केस नंबर टू चार केसेस सिखाऊंगी केस नंबर टू मान लो ये मेरे पास एक टर्शरी दे रखा है ठीक है यहाँ पर ओ लिख दो यहाँ सी लिख दो तो मेरे पास इस तरीके का दे रखा है अब मैंने कहा इसके अंदर एच प्लस डालते हैं मैंने देखा मैम एक साइड से टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा मतलब टर्सरी है एक साइड से प्राइमरी है तो मैंने कहा तुम सिंपल क्या करो कार्बोकेटाइन बना दो क्योंकि तुम्हें पता है काफी बढ़िया होता है तो देखो सी पे आ जाएगा ओ OH, एच आई माइनस यहाँ पर अटैक करेगा अब क्योंकि अटैक हो रहा है कार्बोकेटाइन पे रिएक्शन इज एस एन वन कहा था ना एस एन वन अच्छा बैक साइड अटैक था यहाँ एस एन टू लिखना था माई बैड चमक गया अब तीसरा केस सीखते हैं केस नंबर थ्री मेरे कराने से पहले अगर केसेस तुमको चमक रहे हैं तो तो बढ़िया है पेपर में बढ़िया मजे हो जाएंगे ये है मान लो मैंने कहा मैम यहाँ पर अगर तो बड़े आराम से आई माइनस का अटैक कराओ एस एन वन रियक्शन यहाँ पर भी हो जाएगी प्रोडक्ट बनेगा सी एच टू आई ये था तीसरा केस आगे का एक और चौथा केस देख लो मान लो दोनों ही मेरे पास ऐसे सेकेंडरी हैं ये ओ ठीक है और ये मतलब मान लो एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है अब अगर अब अगर आपके पास एक ऐसी स्पीशीज है जो सेकेंडरी है तो आपको देखना है अगर रिएक्शन डाइल्यूट एच के साथ करा रहे हैं या कॉन्सेंट्रेटेड एच के साथ करा रहे हैं अगर रिएक्शन डाइल्यूट एच के साथ कराई तो कार्बोगेटाइन बनाओ अगर कार्बोगेटाइन बनाया मतलब रिएक्शन एस है यहाँ पे मेथनॉल बना देना यहां आई आकर के अटैक करेगा अगर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एच के साथ कराई तो आई माइनस एक्सएस में बैक साइड अटैक करा दो और बैक साइड अटैक होगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो मेरे पास आएगा सी पे आई सी सी ओ एच दैट्स इट पूरा का पूरा एल्कोल फिनोल ईथर चैप्टर ठीक है पूर पूरा का पूरा एल्कोल फिनोल ईथर चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया मतलब दोबारा दोबारा बोल रही हूं अगर ढंग से चीजों को करोगे ना तो लिटरली तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगेगा पेपर में क्या वही हुआ, हुआ नहीं सेव। और अगर मेरे बोलने से पहले ये चीजें खुद से चमक रही है ना तो भाई साहब यू गुड टू तुम पेपर में मचा दोगे तुम बस अपना डर जो है छोड़ के जाना हो गया होगा सेव चलो डन है ईथर हो चुका है हरे रंग के हार्ट्स आ जाने चाहिए क्वेश्चंस <coughs> <coughs> प्रैक्टिस की वीडियो चाहिए रेडी हो फिर मैं नहीं कराऊंगी क्वेश्चन तुम्हें दूंगी तुम करोगे भले क्लास में करोगे मगर तुम करोगे इज दिस लेक्चर एनफ ये लेक्चर एक रिविजन पर्पज से लिया लिया गया है जब मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था एक बार मैं देखो भाई साहब काफी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं दैट इज नाइस काफी चीजें हमने कंप्लीट कर गुड मैं फाइल तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी ठीक है तो ये जो फाइल है वो वोरा क्लासेस की ऐप पे जाएगा ठीक है जिन बच्चों ने ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया ऐप को डाउनलोड कर लो ऐप आप में आपके पास फ्री कोर्सेज भी हैं पेड कोर्सेज भी हैं तो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारी जिस भी तरीके से हेल्प चाहिए चाहे वो फ्री बैचेस फ्री कोर्सेज के थ्रू हो वो भी हम करते हैं प्लस वी हैव सो मेनी पेड कोर्सेज विच आर ऑल्सो गोइंग ऑन जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड हैं मतलब अगर तुम क्वालिटी कॉन्टेंट पे विश्वास करते हो ना तो तुम डेफिनेटली है ना हमारे किसी भी कोर्स में जो भी तुम्हारे लिए सूटेबल होता है टेस्ट सीरीज है कोई भी कोर्स अगर तुम्हें सूटेबल लगता है ना तुम मतलब मैं ये कहती हूँ यार अगर तुम किसी को सौ रुपये भी दे रहे हो ठीक है तो सौ रुपये उस बंदे को देने से पहले एक बार उस बंदे पे ट्रस्ट करना सीखो अगर तुम्हें उस बंदे पे ट्रस्ट है ना तो वो सौ रुपए के भी लायक है और अगर वो ट्रस्ट वर्दी ही नहीं है तो वो सौ क्या दो रुपए के भी लायक नहीं है ठीक है तो अगर तुम्हें एक बार अपने मतलब जब भी जब भी तुम कहीं पे भी कोर्स खरीदते हो ऑनलाइन खरीदते हो ऑफलाइन खरीदते हो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि भाई जिस टीचर के पास मैं जा रहा हूँ है ना वो मेरे को ढंग से गाइड करेगा ढंग से पढ़ाएगा तो अगर आंसर यस आता है तो गो अहेड नहीं आता मैंने कितने सारे बच्चों को देखा है जो ऑफलाइन में पढ़ने के बाद है हाँ ना यूट्यूब पे हमसे पढ़ते हैं ऐप से कोर्सेज खरीद के पढ़ते हैं क्यों क्योंकि जब वो ऑफलाइन में जाते हैं तो दो दो ढाई ढाई लाख का बैच होता है साल का वो देते हैं अब बच्चे जब ऑफलाइन में जाके बैठ के पढ़ रहा है वहां पर टीचर ने एक महीना ध्यान दिया उसके बाद टीचर को लिटरली घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि उसको समझ आ रहा नहीं आ रहा एक बच्ची से भी बात हुई एक दिन पहले तो बोली मैम मैं मतलब मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगी मैं इस कोचिंग में जाती थी तो शुरू में तो उन्होंने समझाया जब मेरे पहले टेस्ट में नंबर नहीं आए ना तो मेरे को डांटा गया ठीक है फिर मेरी रिविजन क्लासेस लगाई गई जब मैंने रिविजन क्लासेस अटेंड करने के बाद उनको बोला कि मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तुमसे स्टेट बोर्ड के पेपर तो सॉल्व होते नहीं है तुम क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मचाओगे मतलब अगर जिस टीचर को तुमने जिस कोचिंग में या जिस टीचर को तुम दो लाख रुपए दे रहे हो तुम्हारे माँ बाप के इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे अगर तुम किसी को दे रहे हो और उसके बाद सामने वाला तुम तुम्हें ये कह रहा है कि तू कर नहीं सकता है ना तू इसके लायक नहीं है गलत तूने सोच लिया कि मैं है ना बन जाऊंगा जो जो मुझे लाइफ में बनना है तुम्हारा एम गलत है तो मेरे ख्याल से वो टीचर उस दो लाख रुपए के लायक नहीं था तो मेरा बस ये मानना है तुम भले एक सस्ता कोर्स लो महंगा कोर्स लो ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो तुम जहां मर्जी पढ़ रहे हो तुम किसी को सौ रुपए भी दे रहे हो ना तो एक ट्रस्ट होना चाहिए उसके बाद है ना ये सारी चीजें आती है ट्रस्ट इज द मेन थिंग चलिए हाँ तो मैं जैसे बोल रही थी भाई आज का सेशन एक रिविजन सेशन है और जिस स्पीड से मैं पढ़ा रही हूँ दैट इज डेफिनेटली रिविजन तो अगर आप सोच रहे हो कि केवल आज के सेशन से मतलब हम अपने पेपर में मचा देंगे तो भैया लास्ट के तीन दिन में पढ़ के कोई भी टॉपर नहीं बनता ठीक है ना और अगर ऐसा तुम्हें बोला जा रहा है कि ये लास्ट के तीन दिन में कर लो टॉपर बन जाओगे तो भैया तुम्हें मिस किया जा रहा है तो जेनविनली आज हमने सारी चीज़ें रिवाइज करी है और मैं सब चीज़ें तुम्हें रिवाइज़ करा रही हूँ बट मैं रिवाइज़ करा रही हूँ आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही करूँ कि दी ज्यादा टॉपिक्स जो पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं ठीक है कोई मेरी किसी से रिश्तेदारी तो है नहीं जो तुम्हारा पेपर बना रहा है कि भाई हाँ यही आएगा किसी ने मेरे को लिख के नहीं दिया कि यही आएगा

खत्म कर दो मतलब तो सवाल बचना नहीं चाहिए और डर वर तो कुछ होता ही नहीं मेरे बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए ठीक है मेरे बच्चे डरते नहीं है जब मैम ही नहीं डरती किसी से तो मेरे बच्चे क्यों डरेंगे यार एक चीज तो सीखो मैम से डर <laughs> पोग नहीं बनना अपने को मचा देना है समझ रहे हो धो डालना है चलिए अगला चैप्टर जिसका नाम है सत्रवा चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स एट द सेम टाइम बहुत सारी नेम रिएक्शंस वाला चैप्टर है तो स्टार्ट करते हैं एलडीहाइट्स में सबसे पहले ग्रिगनाड रियजेंट के बारे में इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कार्बन और हेलोजन के प्यार मोहब्बत को तोड़ने का अगर कोई काम करता है तो वो है मैग्नीशियम और बन गया आर एम जी एक्स अब ग्रिगनाड रिएजेंट बन गया आर एम जी एक्स अगर तुमने इसमें गलती से पानी डाल दिया तुमने गलती से एल्कोहल डाल दिया तुमने गलती से फिनोल डाल दिया तुमने गलती से HCL डाल दिया या फिर तुमने इसमें गलती से क्या डाल दिया ट्रिपल बॉन्ड कोई भी ऐसा कंपाउंड डाल दिया जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है भाई साहब ग्रिगनार्ड रिएजेंट बर्बाद होके क्या बना लेगा एल्केन तो रिएजेंट वेस्ट हो गया हा अगर आपके पास मान लो ये एल्डिहाइड था आर सीओ एच या यहाँ पर एक कीटोन था अगर आप इसकी रिएक्शन आर एम जी एक्स के साथ करा रहे हैं तो ये डेल्टा प्लस है ये डेल्टा माइनस है ये न्यूक्लियो फाइल की तरह बिहेव करेगा जैसे ही ये न्यूक्लियो फाइल की तरह बिहेव करेगा ये इधर आया ये इधर आया क्या बन जाएगा आर सी ओ पे माइनस एक आर आप ऑलरेडी जानते हैं कि एच और आर है पानी दोगे ये बन जाएगा एल्कोहल क्या ये बात सबको चमक रही है एल्कोहल बन गया

एस्टर में रिएक्शन करी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH, uh, ठीक है तो ये भी, ये भी कीटोन था माई बैड हाँ तो कीटोन की रिएक्शन कराई इसको एस्टर का नीचे लिख देना कीटोन यहाँ लिखा हुआ था ये बन जाएगा आर सी एच पे आ जाएगा ओ एच OH, यहाँ बन जाएगा आर एस्टर की रिएक्शन कराई ये बन जाएगा आर सी एच टू ओ एच प्लस आर ओ एच मतलब एल आई एल एच फोर एक इतना स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है कि वो हर एक की रिडक्शन कर देगा मगर वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता याद रखना एल आई एल एच फोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता इवन अगर मैंने अमाइड की रिएक्शन कराई ये कन्वर्ट हो जाएगा ध्यान से सुनना ये चार केसेस सुपर 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 इंपॉर्टेंट है इन चार केसेस को कहीं और लिख सकते हैं इन चार केसेस को मैं थोड़ा ऊंचे करके लिख देती हूँ उधर ठीक है यहाँ लिख देते हैं ताकि याद रहे आर सी ओ की रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आर सी एच याद रखना आर सी की रिएक्शन कराएंगे ये बनेगा आर सी एच टू एन की रिएक्शन कराओगे ये बनेगा आर एन एच और आर एन ओ टू की रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा आर एन एच ठीक है मतलब अमीन सिंपल समझ गया सबको तो आर सी ओ से क्या बनेगा आर सी एच आगे देखो

और कीटोन को भी ये कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में केवल तीन को ही कन्वर्ट करता है अल्कोहल में किस-किस को एक एल्डिहाइड एक कीटोन और साथ में एसाइल हैलाइड एस्टर है ना एनहाइड्राइड अमाइड इन सबके साथ वो पंगे नहीं लेता अब हम बात करते हैं डिबाल एच डिबाल एच का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डिबाल एच क्या करता है आर सीओसीएल को आर सीएचओ में कन्वर्ट करता है एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा एसिड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा कुछ साल पहले मैंने बोला था ये सवाल पेपर में आते हैं एंड जिस साल बोला था उसी साल है ना अगले ही दिन पेपर में सवाल आया था तो तुम्हें भी बोल रही हूँ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ठीक है अगर तुम डिबाल एच की रिएक्शन डायरेक्ट पेपर में आती है डिबाल एच चार चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है सबसे पहले ये रिएक्शन करता है असाइल हलाइड के साथ मगर उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा अच्छा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन डेरीवेटिव के साथ तो मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते हैं आर सी आर डबल बॉन्ड ओ अगर मैंने अमोनिया के साथ रिएक्शन करी इन दोनों को आमने सामने रखो पानी निकाल देना ठीक है क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड एच अगर आर सी आर डबल बॉन्ड ओ हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करी किसके साथ हाइड्राजीन तो हमारे पास बनेगा हाइड्राजोन सी डबल बॉन्ड एन एन एच टू क्या बनेगा हाइड्राजोन सिमिलरली मेरे पास है आर सी आर डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोक्सीमीन के साथ रिएक्शन करी कुछ याद आ रहे है ये बन जाएगा ऑक्साइन आर सी आर डबल बॉन्ड एन ओ एच ये पेपर में कई बार नहीं चमकता यह चमकना चाहिए सिमिलरली अब आप फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करो आर सी आर डबल बॉन्ड ओ यहां लिखो एनएच टू यहां लिखो एनएच यहां लिखो पी एच फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो आप क्या बनाओगे फिनाइल हाइड्राजोन आर सी आर डबल बॉन्ड एन यहां पे क्या आएगा एन एच और आ जाएगा पी एच एक लास्ट कर लो अगर इसकी रिएक्शन 2-4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ठीक है ना एन एच और यहाँ पर फिनाइल 2 पे और 4 पे है ना 2-4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करोगे ये बन जाएगा 2-4 ये है 2-4 डीएनपी फिनाइल हाइड्राजोन आ गया चमक गया सबको 2-4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन नेक्स्ट रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन आयडोफॉर्म रिएक्शन में क्या मैंने आपको सिखाया था मिथाइल कीटोन होना जरूरी है आर सी एच ओ एच भी मतलब ये देखो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल ये ग्रुप या ये ग्रुप होना जरूरी है आइडो फॉर्म में आप के ओ एच डालेंगे आयोडीन की प्रेजेंस में या फिर आपको पेपर में लिखा हुआ मिल सकता है सिंपल एन देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को नहीं चमकता क्या बनाएगा ये बनाएगा आर सीओ माइनस है ना एन ए प्लस और ये बनाएगा सी एच आई थ्री दिस इज येलो पीपीटी ऑफ आइडो फॉर्म ये क्या है हमारा आइडो फॉर्म का येलो पीपीटी चमक गया अब देखो लो मेरे पास है, एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिले सीओ टू निकल जाएगा बीटा पे कीटोन और एसिड है अगर आप इसको गर्म करोगे तो सीओ टू निकलेगा इन रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रियक्शन क्या बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन क्लिमेंसन रिडक्शन क्या होती है मान लो मेरे पास आर सी आर है भाई मेरे लिखने से पहले अगर चमक रहा है तो तुम सही रास्ते पे हो ठीक है मेरे लिखने से पहले समझना चाहिए क्लीमेंसन में क्या होता है जेड एन एच जी कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल वर में क्या होता है हाइड्राजीन एन टू एच फोर यूज करते हैं के ओ एच की प्रेजेंस में दैट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन रोजन रिडक्शन क्या होती है आपने बेंजाइल क्लोराइड सी सिक्स एच फाइव सीओ सी एल की हाइड्रोजन पेलेडियम बी एसओ फोर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई एल डी हाइड बनेगा एटार्ड रिएक्शन में क्या होता है अगर आपके पास टोलुइन है आप इसकी रिएक्शन CRO2 Cl2 के साथ करा रहे हैं है ना तो ये मेरे पास बन जाएगा CHO क्या बन जाएगा मेरे पास CHO ये एटार्ड रिएक्शन बहुत बार नेम रिएक्शन से आपके पेपर में सवाल आता है एल्डिहाइड के दो और नेम रिएक्शंस बच गए हैं वो भी कराती हूं एक है एल्डोल कंडेंसेशन मान लो मेरे पास है CH3COCH3 आपने इसके अंदर क्या किया डाइल्यूट एनओ डाला डाइल्यूट एनओ की जगह डाइल्यूट एन भी लिखा हुआ मिल जाता है कोई भी एक्वस बेस लिखा हुआ मिल जाएगा तो जब बेस आएगा आपको पता है यहाँ पर इनोलेट आइन बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो हो यहाँ सी एच टू माइनस ये इधर ये इधर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन कैसे शॉर्टकट आपको सीखना है आपने क्या करना है एक का सी डबल बॉन्डो दूसरे के सी एच थ्री के सामने रखो गरम कर दो यहां से पानी निकाल दो आपके पास बनेगा सी 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 डबल बॉन्ड सी सी ओ सी एच सी याद रखना अगर पानी निकालोगे तभी वो कहलाएगा एल्डोल कंडेंसेशन जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर जेन्युइनली रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी क्या होगी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन चमक गया ठीक है ठीक है चलिए आगे देखिए ये एल्डोल की रिएक्शन थी एक होती है हमारी कैनिजारोज रिएक्शन कैनिजारोज रिएक्शन बेसिकली वहां होती है एच सी एच ठीक है या फिर C6, H5, CHO की रिएक्शन से करा रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड एनवच याद रखना एल्डोल में एल्डोल कंडेंसेशन में एल्फा हाइड्रोजन होना कंपल्सरी था एल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है मगर अगर आपके पास देर इज नो एल्फा हाइड्रोजन और कॉन्सनट्रेटेड एन्यूएच के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं तो एक चीज की हो जाएगी ऑक्सीडेशन और एक की हो जाएगी रिडक्शन यहां पर भी अगर आप आंसर लिखें एक की हो जाएगी ऑक्सीडेशन एक की हो जाएगी रिडक्शन ये है हमारी कैनिजारोज रिएक्शन और ये पूरी की पूरी कहानी थी हमारे चैप्टर एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चलिए एटी सिक्स पन्ने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट के दो चैप्टर्स हमारे बचे हैं अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अठारवा चैप्टर अमीन्स एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स उससे पहले चार्ट्स देख ली जाए ठीक है अब तो इतना याद हो चुका है कि आप नाम ले रहे हो और रिएक्शन माइंड में आ रही है फ्लैशबैक हो रहा है आज के सेशन का मेन मकसद ही ये था कि मेरे बोलते ही ना, मेरे मेरे है ना तुमने पूरी केमिस्ट्री मेरे से पढ़ी है और जिस बच्चे ने लेटर से डिटेल में केमिस्ट्री मेरे से पढ़ी है ना केवल यूट्यूब पे नहीं मतलब जिसने साल भर भी केमिस्ट्री अगर मेरे से पढ़ी है किसी भी बैच में ठीक है तो अगर तुमने मेरे से पढ़ी है ना तो मेरे बस बोलने से कैन जारो तुम्हारे दिमाग में पीछे पूरी पिक्चर बननी चाहिए चलो मेरे से नहीं किसी भी टीचर से तुमने पढ़ा है ना अगर मैं आज और किसी भी टीचर से तुमने पढ़ाया बट अगर मैं आज नाम ले रही हूँ ना एल्डोल कंडेंसेशन तो वो शॉर्टकट तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि एक का सी डबल बॉन्ड हो दूसरे के सी एच टू के सामने से कर लो ये अगर चमक रही है ना चीज़ें देन यू आर प्रिपेयर फॉर एग्जाम बट अगर अभी भी इतना घंटों घंटा सोचना पड़ रहा है कि ये होगा फिर ये होगा तो फिर यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम और अगर कोई लिख रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता समय है सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं ठीक है स... है है क्या हो गया किसकी आ रही है? हाँ, समय है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें बता दी है। जो जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं चमक रहे उनका डिटेल देख जाओ लास्ट मोमेंट पे तुम सोचो कि है ना कुछ ऐसा कर लेते हैं है ना कि इससे पूरे नंबर आ जाए भाई लास्ट मोमेंट पे ना रिवीजन से अच्छा कोई चीज नहीं है जितना रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ ना हो पाएगा ठीक है मैम आपने लाइफ चेंज कर दी हमारी लाइफ चेंज का तो पता नहीं बस पढ़ाना आता मुझे है ना बकवास ज्यादा नहीं करनी आती है और झूठ बोलना नहीं आता चलिए सो so, अठारवें चैप्टर पे हम आ जाते हैं अठारवा चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर होने वाला है अमीन फिर करेंगे बायोमोलिक्यूल मैंने नंबरिंग में तो गड़बड़ नहीं करी ना मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नंबरिंग में गड़बड़ कर दी एक बार शुरू से करते हैं मोल कॉन्सेप्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया प्रियोडिक किया केमिकल बॉन्डिंग किया थर्मोडाइनमिक्स किया इक्विलिब्रियम किया रिडॉक्स किया जियोसी किया हाइड्रोकार्बन किया ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर पढ़ा इलेक्ट्रो फिर पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन के बाद एसिड अब, अब हम आ रहे हैं अमीन्स पे तो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह हाँ अठारह सही है नहीं कोई गलती नहीं करी तो चैप्टर का नाम लिखिए ओ, 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 क्या हो गया चैप्टर का नाम लिखिए अमीन्स एंड नाइट्रोजन डेरीवेट ये चैप्टर बहुत ही फेमस चैप्टर है बिकॉज ऑफ द नेम रिएक्शन जो इस चैप्टर में है जितनी भी नेम रिएक्शन इस चैप्टर में है है ना उनको अच्छे से करना चाहिए चैप्टर छोटू सा है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है चैप्टर में बट जितने ना उनसे डायरेक्ट सवाल बनते हैं तो सबसे पहले अमींस की बात करती हूँ तो हम बात करेंगे गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की अगर सब बच्चों को याद है शुरू से कराती हूं ये है मेरे पास थैलिक एसिड ठीक है ना इसको बोलते हैं थैलिक एसिड फिर यहां से अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दी ये आपका बन गया थैलामाइड ठीक है यहां से अगर आपने अमोनिया निकाल दिया ये बन गया आपका थैलीमाइड, माइड सी ओ एन एच फिर अगर आपने इसके अंदर बेस डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा सी ओ एन सी ओ एन पे माइनस फिर आपने इसकी अल्काइल करी ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा कुछ याद आ रहा है तो ये बन जाएगा आपका सी डबल बॉन्डो एन ना याद आ रहा है एन अमाइड उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस करानी है पानी डालेंगे मेरे पास आ जाएगा प्राइमरी अमीन कहने का मतलब ये पूरा प्रोसेस पेपर में याद होना चाहिए कहां से शुरू करके कहा अंत किया था और ये भी याद होना चाहिए कि कोई भी ऐसा अराइल हलाइड आप नहीं यूज कर सकते जिसके अंदर ऑलरेडी कार्बन और हाइलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो वो आप यहां से नहीं यूज कर सकते इसीलिए कहते हैं कि एनिलीन को सिंथेसिस से बनाना नामुमकिन है अगला जो टेस्ट है जिसका नाम है आइसोसाइनाइट टेस्ट टेस्ट देखो आइसोसाइना से प्राइमरी अमीन बनता है ये चमकना चाहिए आइसोसाइनाइट टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन का डिटेक्शन प्राइमरी अमीन में अगर तुमने क्लोरोफॉर्म डाला के की प्रेजेंस में प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म डाला के की प्रेजेंस में तो मेरे पास बनेगा आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड की बहुत ही गंदी फाउल स्मेलिंग होती है ये बहुत ही गंदा स्मेल वाला होता है इट इज पथेटिकली फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस और अगर इतनी गंदी फाउल स्मेल आ रही है तो मतलब आपके रिएक्शन में प्राइमरी अमीन प्रेजेंट था अगर मैं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की बात करती हूँ तो देखो साइनाइड पहले पार्शली हाइड्रोलाइज होगा अमाइड बनाएगा इसमें पानी डालेंगे उसके बाद इसकी फर्दर हाइड्रोलिस है डायरेक्ट पेपर में सवाल आता है और चीज सीख लो अगर मेरे पास है आर एन एच टू इसके अंदर मैंने डाला -HNO2, या फिर मैं डाल रही हूँ एन ए एन ओ टू और एच सी एल रियक्शन में करा रही हूँ जीरो टू फाइव डिग्री सी पे ये बनाएगा आर एन टू प्लस सी एल माइनस अगर simple, alkyl, alkyl amine आपने लिया था तो ये यहाँ से एन टू प्लस निकल जाता है और पानी जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो मेरे पास एल्कोहल आएगा नाइट्रोजन निकलता है पानी की रिएक्शन के बाद मगर अगर मान लो मेरे पास यही एनिलीन होता में आप डाल रहे हो NaNo2, HCl की प्रेजेंस में या फिर जिसको आप एच एन ओ टू लिख दो जीरो सी पे आप रिएक्शन करा रहे हो ये बन जाएगा बेंजीन पे एन टू प्लस सी एल माइनस इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिस रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन इस डाईजोटाइजेशन रिएक्शन में अगर आपने पानी की रिएक्शन कराई पानी इधर आएगा इसको अटैक मारेगा क्या बन जाएगा फिनोल सैंडमेयर्स रिएक्शन मतलब अगर आपने सी यू सी एल या सी यू बी आर की रिएक्शन कराई है ना कॉपर के सॉल्ट की रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा गेटेमैन रिएक्शन कॉपर एसिड के साथ लिया तो यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाएगा इसको बोलते हैं बाल शिमे रिएक्शन एस सी एच आई एम एन बाल शिमेन रिएक्शन यहां पर बन जाएगा बेंजीन पे एन टू प्लस बी एफ फोर माइनस जिससे बनेगा मेरा हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन नेक्स्ट है अगर मैंने एच थ्री पीओ टू ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है अगर आपने एच थ्री पीओ टू या फिर एसिटिक एसिड या फिर एथेनॉल की रिएक्शन कराई ये सिंपल हमारे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है एन टू प्लस यहां से निकल जाता है और एक लास्ट रिएक्शन है ना इसको बोलते हैं नहीं यहां पे वो लिख लो एक लास्ट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है यहाँ की कपलिंग रिएक्शन फिर अगले पेज पे चलेंगे ठीक है कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है अगर आपने बेंजीन पे एन टू प्लस सी एल माइनस लिया और आपने रिएक्शन कराई है फिनोल से तो होगा क्या यहाँ का एच और यहाँ का सी एल निकल जाएगा मेरे पास आ जाएगा ये एन डबल बॉन्ड एन ये हो अब देखो आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं ठीक है ये ऑरेंज कलर का होता है आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब ये सारी चीजें शुरू से सीखी है भाई जो अगली बार पेपर देगा लेटर से आप इस बार पेपर दे रहे हो और आपको नहीं फील आई मतलब जितना आपने सोचा था आप नहीं कर पाए है ना चलो एक मिनट बताती हूं बना लू पहले ठीक है ये बन गया NH2। एनिलीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो येलो रंग का होता है फिनोल के साथ रिएक्शन कराओगे हो ऑरेंज होता है फिनोल ओल ऑरेंज एनिलीन है ना एनिलीन में क्या होता है येलो कलर आता है अमीन्स का आखिरी पन्ना एक होता है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट मेरे लिखने से पहले तुम्हें चमकना चाहिए हिंसबर्ग रिएजेंट एक बार पेपर में सवाल पूछा गया था सी सिक्स एच फाइव एसओ टू सी इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट अगर आप प्राइमरी अमीन की ठीक है यहां लिखो cl एल एसओ टू प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराएंगे ये बनेगा आर एन एच एस ओ क्योंकि अभी भी इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है ये बेस के साथ रिएक्शन करता है अगर आपने लिया सेकेंडरी अमीन ठीक है और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो सी सिक्स एच फाइव टू सी एल के साथ एच सी एल निकल गया ये बन गया आर एन आर एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो पी एच इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता और टर्शरी अमीन तो सी एल टू पी एच के साथ ही रिएक्शन नहीं करता सो हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेसिकली यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन लास्ट रिएक्शन ऑफ आ चैप्टर अमीन्स रिएक्शन का नाम है हॉफमैन क्या है है ना हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लिख लो हॉफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आई वन डिग्रेडेशन रिएक्शन इस रिएक्शन का जैसे कि मैंने आपको कहा था मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट शॉर्टकट भी इंपॉर्टेंट है आपके पास है अमाइड अमाइड की रिएक्शन आपने कराई है बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन बेस डालो ब्रोमीन बनाओ मेरे पास सीओ हट जाएगा क्या आ जाएगा प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन हाइपोब्रोम मतलब हॉफमैन हाइपोब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर सिंपल हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी इसका मैकेनिस्टिक सवाल भी पूछा जाता है कुछ याद आ रहा है पहले आर सीओ एन एच बनेगा है ना पहले बेस आएगा <coughs> एच प्लस लेकर जाएगा फिर वो अटैक करेगा रीअरेंजमेंट होती है ये पूरी कहानी याद है पहले बनाएगा आर सी ओ एन एच पे माइनस फिर बी आर पे अटैक करेगा आर सी ओ एन एच बी आर फिर एक और बेस आएगा RCO -N -BR, फिर शिफ्टिंग बैक साइड रीअरेंजमेंट ब्ला, -ब्ला, -ब्ला प्राइमरी अमीन बनता है ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर अमीन दे क्लास इलेवेंथ पढ़ता हूं क्या मैं प्रियोडिक चैप्टर लीव कर सकता हूं क्या अच्छा क्लास इलेवेंथ पढ़ चुके हो क्या प्रियोडिक चैप्टर देखो प्रियोडिक नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इस बार आपके पी ब्लॉक और प्रियोडिक पी ब्लॉक क्योंकि इतना सारा आपका हटा दिया गया है तो इनऑर्गेनिक में प्रियोडिक का वेटेज बढ़ गया है तो पर्सनली मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि प्रियोडिक छोड़ो जो मैंने प्रियोडिक का वन शॉट है ना जो मैंने आपको वन शॉट में प्रियोडिक पढ़ाई थी कम से कम उतना पढ़ जाओ आपका फ़ायदा हो जाएगा छोड़ के मत जाना क्योंकि सवाल बनेंगे फिर बाद में दुख होगा कि काश कर लिया होता बट uh, पढ़ के जाना गुड है ठी चलिए सो अठारह चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब देखो इन अठारह चैप्टर्स को करने के बाद कई बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि यार टू मच है हमें नहीं आता है ना तो मैं आपको दोबारा बोल रही हूं देखो अभी यू हैव मोर अटेम विद यू आपके पास है ना ज्यादा अभी है। जब आप पेपर देने जाओगे ना अपना बेस्ट देना तब ये मत सोचना कि अगली बार अच्छा करूंगा अभी पेपर देना चाहोगे ना अपना हंड्रेड परसेंट देना हंड्रेड क्या मैं कहती हूँ हजार परसेंट देना अपना एक परसेंट की भी कमी नहीं होनी चाहिए बट दोबारा बोलूंगी अगर एक परसेंट का भी ऐसा लगता है ना काश अगर मैंने ढंग से पढ़ा होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता तो देखो ये वाले सेशंस हम इसलिए लेते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे बच्चे का रिविजन हो सके बट अगर आप अपनी मतलब वो कहते हैं ना जेनुनली एक तगड़ी रैंक लाना चाहते हो इफ यू आर लाइक कि मेरे लिए सिलेक्शन ही सब कुछ है और कुछ मेरे लिए मैटर नहीं करता एंड इफ़ यू आर रेडी टू गिव योर टाइम एंड योर हार्डवर्क तो जब आप पूरा कोर्स फॉलो करते हो ना मतलब शुरू से लेके लास्ट तक देखो डिफरेंस तो होता है तुम तो एक साल में से है ना कोर्स में पढ़ रहे हो तो मैं एक चीज़ नहीं छोड़ती बट अब मेरे पास आठ घंटे या नौ घंटे उसमें मुझे वन शॉट लेना है उसमें मुझे सारी चीज़ें शॉर्ट में बतानी है तो जेनवनली यार मैं मे, मे, मेरे हाथ भी बंद हुए हैं मैं कितना कितना एक दिन में पढ़ा दूंगी नहीं पॉसिबल है ना इस पूरे कोर्स को खत्म करने के लिए दो साल लगे मुझे ठीक है फिर वही अगर आपके पास पेपर में कम दिन होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि चलो सारे के सारे कंटेंट को इस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए कि मैक्सिमम उसके दिमाग में जाए सिमिलरली जब आप पूरा मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि अब अब आपका पेपर है बट मुझे ये पता है कि इस बार का पेपर देने के बावजूद भी कई बच्चे दोबारा रीअेंट करेंगे मैक्सिमम आप में से करते हो ना अच्छा भी चला गया फिर भी आपको होता है कि नहीं अब जब मेरे पास चांस है तो मैं मौका क्यों गवाऊ मेरे को अपना अच्छा करना है तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं ना मैं उनको ये कहूंगी कि लास्ट मोमेंट पे नहीं रिलाई करना पूरा मतलब पढ़ा करो क्योंकि जितना डिटेल आप पढ़ोगे ना पांच छह महीने में जितना भी डिटेल पढ़ोगे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और लास्ट मोमेंट पे सारी चीजें आसान लगती है ठीक है स्कूल बोर्ड के लिए स्कूल बोर्ड के लिए हो गया या फिर जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अगर तुम तैयारी करते हो जो कि कर रहे हो ठीक है ना तो उसके लिए टाइम चाहिए कम से कम छह से सात महीने चाहिए और अगर टाइम कम है तो भी जितना मान लो तीन महीने या चार महीने उसमें मतलब मचा के पढ़ना होता है उसमें खाली शॉर्टकट्स नहीं होते अब देखो ये पूरी मेरी कोशिश होती है कि जितना आ जाए पेपर में जितने आने के चांसेस है मैं मैक्सिमम नंबर तुम्हें दिला दूं बट मैं पूरे नहीं दिला सकती इस सेशन से इतना यार मैं हूं। मैं बोलती पूरे नंबर ना दिला दूंगी एक से। है कर तो याद करने में लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हो सकती है टॉपर नहीं बना जा सकता ठीक है चलिए so, बार हम वो कर लेते नाइन्टी स्लाइड्स पे हम आ चुके हैं समय भी काफ़ी हो गया है है हाँ ना जल्दी से वाइंड अप करने की मतलब ना चाहते हुए भी बहुत लंबा सेशन हो गया तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना लंबा होगा बट मुझे जब मेरे को चार घंटे सारी स्लाइडो को लिखने में ही लगा तो मुझे पता था कि सेशन लंबा जाएगा बट मैं कॉन्फिडेंट थी कि अगर किसी बच्चे ने शुरू से आखिरी तक सेशन देखा ना तो वो बच्चे को रिग्रेट नहीं होगा अंदर से कॉन्फिडेंस ही आएगा भाई साहब मेरी पूरी केमिस्ट्री मैम ने रिवाइज करा दी आखिरी चैप्टर पर चलते हैं चैप्टर का नाम है बायो मॉलिक्यूल्स तो देखो इसमें जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है वो तो, तो मैंने तुम्हारे लिए लिख लिए थे है ना तीन चार स्लाइड्स मैंने लिखी थी बट जहां पर वो थियोरेटिकल पॉइंट आ गए ना बहुत ज्यादा थियोरी वाले वो मैं एनसीआर से तुम्हें पढ़ाऊंगी तो लास्ट चैप्टर है हमारा बायो मोलिक्यूल्स अब बिफोर वी गो फॉर द लास्ट चैप्टर मुझे ठीक है बिफोर वी गो फॉर द लास्ट सेशन मतलब लास्ट चैप्टर मुझे इस चैट में ना खूब सारे लाल रंग के हार्ट्स दे दो मतलब दे दो मतलब दे दो रेड कलर के हार्ट्स शुड बी देर इन द चैट्स टुडे फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है रेड कलर के हार्ट्स इन द चैट सेक्शन मतलब जल्दी से दे दो फिर मैं आगे बढ़ूंगी आखिरी चैप्टर है <coughs> एक बजे स्टार्ट किया था आठ बज गए सात घंटे से ज्यादा मतलब सात घंटे होने वाले पढ़ते पढ़ते खत्म कर देंगे बस अब ठीक है मेरा एड्रेस मेरा एड्रेस उस दिन दूंगी जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और हाँ एक और चीज सुन लो ठीक है ना और ये मैं तुम्हें लिटरली बोलना चाहूंगी रिजल्ट आता है ना तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है ठीक है बताना अगर ये ऑफलाइन की क्लास होती ना तो ना, मतलब मैं ऑफलाइन में तो यही होता है कि अगर तुम्हारा है ना हमारे पास ऑफलाइन वाले तो लास्ट में क्या करते हैं जब तक तुम उनको अपना एनरोलमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते हो ना वो तुम्हें घुसने नहीं देते टेस्ट में यही होता है ना मैक्सिमम जगहों पर तो मतलब जबरदस्ती तुम्हें देना पड़ता है अब ऑनलाइन वाले टीचर्स लास्ट में हमें ये होता है कि बच्चा रिजल्ट ही नहीं शेयर करता मतलब हम मतलब दिन रात लग के ठीक है और जो कोर्सेज की फीस होती है वो ऑफलाइन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है ठीक है कौन सा ऑफलाइन वाले तुम्हें लास्ट लास्ट में दस दस बारह बारह घंटे के वन शॉट लेते हैं छोड़ देते हैं ना जाओ जहां जाना है जाओ अपने बल पे कर लो है ना तो जब तुम सेशंस अटेंड करते हो और तुम्हें जरा सा भी लगता है ना कि हाँ इन टीचर्स ने हेल्प करी है तो रिजल्ट शेयर किया करो क्योंकि यार हमें है ना हमारे ऊपर लोग बोलने बहुत आ जाते हैं रिजल्ट तो हम हम तब उनको क्या कहें कि हमने तो बहुत बच्चों को पढ़ाया था बट बच्चा जब रिजल्ट की बात आती है तो कहता है कि नहीं ऑफलाइन वाले पैसा दे रहा है मुझे रिजल्ट के लिए तो मैं उनको रिजल्ट दूंगा तो यार करा करो शेयर ठीक है हाँ फॉर्म भर देना जिन्होंने नहीं भरा अभी भी मचाना बाकी है मचा तो तुम दोगे ही मेरे बच्चे हो मचाओगे नहीं तो क्या करोगे मचाओगे तो सही चलिए आखिरी चैप्टर चैप्टर पर आ जाते हैं का नाम बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स बायो में सबसे पहले जो शुरुआती पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स वाला मान लो ग्लूकोस है ग्लूकोस के अंदर रेड फॉस्फोरस एच डाला तो आपको चमक जाना चाहिए छह कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन बन जाती है जिसने ये प्रूव किया कि ग्लूकोज का एक स्ट्रेट चेन मतलब सारे कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं ग्लूकोज के अंदर अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइट डाला तो पेपर में पूछा जाता है कितने के मॉलिकाले ग्लूकोज तो के ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्सिल OH अमीन डाला हाइड्रोक्सिल अमीन तो हमने देखा कि ग्लूकोज के से एक बन गया। इससे पता चला कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करी अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो ऊपर होता है सी नीचे होता है सी एच टू ओ एच लिखना स्टार्ट करेंगे ओ एच ओ एच एच ओ एच है ना ये एच एच ये ओ OH, एच और ये एच ये है ग्लूकोज जब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करी जिसका नाम है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा क्या जो एल्डिहाइड था वो तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा मगर नीचे सी एच टू ओ एच आ जाएगा इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड क्या बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड मगर अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेटेड एच एन थ्री के साथ रिएक्शन करी जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऊपर नीचे दोनों जगह इसको बोलते हैं एसिड स्पेलिंग चेक कर लेना स्पेलिंग नहीं आती इसको बोलते हैं सेक्रिक एसिड अब ग्लूकोज के अगर ये तो था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अब मुझे पता है कि इसको नंबरिंग भी अगर आप करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो जो पांचवे पोजीशन का ओ होता है वो जाकर इस पे अटैक करता है पूरी कहानी इतनी कहानी लंबी पेपर में नहीं करनी है आपको चुपचाप से बीटा डू ग्लूको बीटा डी ग्लूको पायरेनोस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बीटा डी ग्लूको पायरेनोस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो आप ऐसे बनाते हो ये डंडे लगा देते हो फिर लिखना स्टार्ट करो ओ एच ऊपर ओ एच नीचे ये मैंने ऐसे सिखाया था देखो ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू एच खाली ऊपर वालों को देख लो बोलते है। और अगर आपने पहले पोजिशन पे चेंज कर दिया सिर्फ पहले पोजिशन पे चेंज कर दोनो ऊपर वाला याद रख लो ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू एच तो अगर सी एच टू एच और same side पे, तो बीटा डी ग्लूको पायरेनोज सी एच टू एच और पहले वाले कार्बन का है ना पहले कार्बन का तो दो एल्फा डी ग्लूको पैरोज अब आप, आपको पता ही है कई शुगर्स हमारे चैप्टर में दे रखी हैं डाई आपको पता ही है सबसे पहले एक शुगर है जिसका नाम है माल्टोज माल्टोज मतलब माल ही माल मैंने ऐसा याद दिलाया था ना मैंने बहुत पहले बच्चों को बताया था माल ही माल आजकल सब यही पढ़ा रहे हैं माल्टोज से मेरे को एक ही चीज समझ आती है माल ही माल भाई सब माल ही माल है माल मतलब एल्फा डी ग्लूकोज तो माल्टोज के अंदर सीवन सी फोर एल्फा डी ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होती है एल्फा डी ग्लूकोज एल्फा डी ग्लूकोज एक का सीवन दूसरे के सीफोर से ज्वाइंट होता है अभी पेपर के चार दिन पहले सिर्फ इतना ही पता हो तो चल जाएगा मगर अगर समय है तुम्हारे पास ठीक है जो कि अभी नहीं है तो आपको कम से कम इनके स्ट्रक्चर्स जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो आने चाहिए मैंने सिखाए भी है अच्छा अगर किसी को बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट देखना है तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट इस चैनल पे पहले ले रखा है कृपया करके बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट देखकर जाना बहुत सारी ट्रिक्स मैंने सिखा रखी है अच्छा नेक्स्ट है ये तो कहानी हो गई मेरे किसके आ, माल्टोस की अब मैं अगर बात करती हूँ सुक्रोज सुक्रोस की हाइड्रोलिसिस करोगे तो सुक्रोज बचपन से चीनी खा रहे हो ना बचपन मतलब ए बी सी डी बचपन मतलब एल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज आपको ये तो पता ही है सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है तो जैसे यहाँ पर एल्फा है वहां बीटा बचपन से वन टू थ्री फोर पढ़ा है इसका सी वन इसका सी टू तो ये कम से कम याद होना चाहिए डायरेक्ट सवाल आता है सुक्रोज इज मेड अप ऑफ तो क्या कौन सी लिंकेज होती है सुक्रोज के अंदर डी डी बीटा फ्रक्टोज लिंकेज अगर मैं बात करती हूँ लैक्टोज की लैक्टोज मतलब लैक है लैक्टोज मतलब लैक है गैलेक्टोज लैक्टोज से गैलेक्टोज तो लैक किसकी है एल्फा है ही नहीं तो ये बनेगा बीटा डी ग्लूकोज से आई मीन बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में भी सी वन सी फोर लिंकेज होती है केवल सुक्रोज ऐसा है जिसमें सी वन सी टू एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उन दोनों में चाहे लैक्टोज हो चाहे माल्टोज हो दोनों में ही सी वन सी फोर लिंकेज है अच्छा आपको ये भी बता दूं कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दी आर एपीमर्स सी फोर फोर्थ पोजिशन पे फोर्थ कार्बन पे ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं आपको पता है हमारी बुक में दे रखा है अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर और एक फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर दे रखे हैं अमाइलोज में आपको पता है सीवन सी फॉर एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है अमाइलोज है ना ये आपने पढ़ रखा है ना कि अमाइलोज होता है अमाइलोपेक्टिन होते हैं तो अमाइलोज में सीवन सी फॉर एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ये वाटर सोल्यूबल होता है ये स्टार्च का केवल दस से सेल्यूलोस का है ना केवल दस से बीस प्रतिशत पार्टी ऑक्युपाई करता है अमाइलोपेक्टिन में खूब सारी ब्रांचेज होती है यानी कि सी वन सी फोर और सी वन सी सी सिक्स एल्फा ग्लाइकोसिटिक वाटर इनसोल्यूबल होता है 80%, जो मेजर पार्ट है वो अस्सी परसेंट किसका ही होता है अमाइलोपेक्टिन का एक लास्ट केस सिखा देती हूँ फिर एनसीआरटी पे आते हैं ये है हमारा फ्रक्टोस और ये है हमारा ये है बीटा डी फ्रक्टोस बीटा डी फ्रक्टो फ्रक्टो फ्यूरेनोज और ये है एल्फा डी फ्रक्टो

ये तो थे हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने तुम्हारे साथ कंप्लीट कर दिए रुको रुको अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ थोड़ा सा और बचा है वो भी पढ़ा देती हूँ ठीक है बट अब ये जो सेशन का बाकी पार्ट था ना इसके अंदर वो था बहुत ज्यादा ना लिखने वाला पार्ट था लिखना मतलब हाँ ये ये तो हो गया ये सारा जिनके स्ट्रक्चर वक्चर थे शॉर्टकट से सब सिखा दिए अब जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैं जरा तुम्हें कराना चाहूंगी थ्योरी वाला पार्ट मैं तुम्हें कराना चाहूंगी हाँ ये वाला अब इसके में कितने बनाती इसे अच्छा मैंने सोचा एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाएगा ठीक है मैंने अभी ज्वाइन किया है कितने चैप्टर्स हो गए बच्चे लास्ट चैप्टर के लास्ट कुछ चंद मिनट्स बाकी हैं बाकी तो सब हो ही चुका है लास्ट चैप्टर चल रहा है लास्ट के कुछ चंद पेजेस बाकी हैं चलिए तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कोशिश करते हैं नौ मिनट के अंदर अंदर बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट कर दे जो बच गया है प्रोटीन्स आपको पता है प्रोटीन्स जो है वो एल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं एल्फा अमीनो एसिड वो होता है जिसके एक कार्बन पर सी भी है उसी कार्बन पर एन भी है उस कार्बन पे एच भी है और एक आर भी है उसको एल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं आजकल पेपर में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो आपके अमीनो एसिड है ना आपके पास टोटल देखो बीस अमीनो एसिड लिखे हुए हैं इनमें से कुछ अमीनो होते हैं जो आपकी बॉडी को तो शॉर्टकट भी मैंने आपको सिखाया था अब ये वही बच्चे के बस की बात है जिसने पहले से पढ़ाई कर रखी है जो लास्ट में पढ़ाई करके सोच रहा है कि मैं बायोमोलिक्यूल्स में मचा दूंगा नहीं मचा सकते बिकॉज देर इज सो मच विच यू हैव टू रिमेंबर जिसने बायोमोलिक्यूल्स जिसको अभी करना है थोड़ा बहुत आता है बट परफेक्ट नहीं आता मैंने बायो का इसी चैनल पे वन शॉट ले रखा है मेक श्योर उस वन शॉट को देख लेना लिख लेना साक्षी वोरा बायो जब तुम सर्च करोगे पूरा वन शॉट आ जाएगा खूब सारी ट्रिक सिखाई थी वहां और नहीं तो जो बच्चे बूस्टर के हैं है ना जिन्होंने बूस्टर ज्वाइन किया था या ब्रह्मा ज्वाइन किया था वहां तो मैंने मतलब बहुत ही डिटेल में बहुत ही निमोनिक्स के साथ बायोमोलिक्यूल्स आपको सिखाया था ये देखो एक है ग्लाइसिन जिसका है ना जिसमें आ, ये जो आर ग्रुप है वो एच होता है फिर एलानिन वैलिन ल्यूसिन आजकल ये थ्री लेटर सिंबल ये थ्री लेटर सिंबल ग्लाइसिन का जी एल वाई एलानिन का ए एल ए वैलिन का वी एल ल्यूसिन का एल ई यू इसके शॉर्टकट भी मैंने डाल रखे हैं चैनल पे वो आप देख सकते हो सिमिलरली आइसोल्यूसिन हो गया अर्जिनिन लाइसिन अब भाई मैंने है ना पहले भी बायोमोलिक्यूल्स में ये अमीनो एसिड का पार्ट डिटेल में सिखा रखा है अभी तीन दिन पहले मैं नहीं कहूंगी रटो क्योंकि रटने के बावजूद पेपर में नहीं बनेगा क्योंकि इसमें दिमाग तो लगाना ही है साथ में दिमाग में स्टोर करना है तो जिन बच्चों ने पहले से कर रखा है वो बच्चे रिवाइज कर ले नए बच्चे चार नंबर के चक्रों में ये नहीं रट सकते मतलब ऐसा नहीं है ये मुश्किल है ऐसा नहीं है मैंने सिखाया नहीं है मैंने सिखाया है ये आसान भी है मगर टू मच हो जाएगा पेपर से पहले अगर ये सारी चीजें तुम अब रट के जाओगे इट विल बी काइंड ऑफ टफ ठीक है तो वो नहीं करना उसके बाद देखो आपको पता है अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं जिस भी मॉलिक्यूल में मतलब एसिडिक और बेसिक ग्रुप साथ साथ होता है आयन एक्सचेंज करा दो ये आयन पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही स्पीशीज में होते हैं उनको आयन कहते हैं फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पता है यहाँ पर जैसे ग्लाइसिन और एलिन है तो क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एन टू रखेंगे राइट हैंड साइड वाले पे सीओ एच रखेंगे तो बीच के सीओ एच और एन टू से पानी निकाल दो इसको बोलते हैं पेप्टाइड अमाइड लिंकेज तो दो से है ना देखो एक पेप्टाइड मतलब बॉन्ड फिर टेट्रापेपाइड ट्राइपेप्टेजापेप्टीपेप्ट ठीक है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्लासिफाई कर रखा है फाइबरस और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तो फाइबरस स्ट्रक्चर आपको पता ही है है ना जो हमारे जैसे बालों में जो स्ट्रेट होते हैं ये देखो तुम्हें तो पता है यही तो होता है कि अगर तुम्हारे बालों में ना जैसे सल्फाइड लिंकेजेस कई कई लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं कई लोग के बाल बहुत ही ज्यादा करली होते हैं तो वो स्ट्रेट बाल हैं आपके या करली बाल हैं वो बस इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपके जो ये प्रोटीन है इनके अंदर कितनी सल्फाइड लिंकेजेस हैं तो ये देखो फाइब्रस के एग्जाम्पल कैरेटिन हो गया जो हमारे बालों में वूल में होता है सिल्क में होता है है ना मायोसिन हो गया जो मसल्स में होता है अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन वो होते हैं फर्दर है ना ग्लोबुलर प्रोटीन वो है मतलब जो एक ग्लोब्यूल की फॉर्म में है ठीक है ना देखो द स्ट्रक्चर द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू पॉलिपेप्टिवर फेरिकल शेप स्फेरिकल शेप में अगर है अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं मेरे पास प्राइमरी प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली वो होता है कि किस तरीके से आपने अमीनो एसिड्स को किस सीक्वेंस में लगा रखा है अगर आप जैसे एग को डी नर्चर कर देते हैं है ना या दूध को उबाल देते हैं कभी भी प्रोटीन को डी नर्चर करने से उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं वन अगेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है एक वही बीटा प्लीटेड शीट्स होती है वन आफ्टर द अदर ठीक है कि आप एकदम बीटा प्लीटेड शीट्स जैसे साड़ी के जो वो नहीं होते हैं प्लेट प्लीट्स हम बनाते हैं ठीक है उनको बीटा प्लीटेड शीट्स या कर्टेन में जो ऐसे प्लीट्स आती हैं उनको बीटा प्लीट शीट, बीटा प्लीटेड प्लीटेड शीट शीट्स कहते हैं एक होता है एल्फा हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म में जो होता है ये वो होता है ठीक है अब इसके अंदर किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं देखो एल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल द पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाई ट्विस्टिंग इंटू राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट में ऑल स्ट्रक्चर में जितने भी पेप्टाइड हैं, these are stretched out to nearly maximum extension. एक दूसरे को साइड बाई हैं और फिर उनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बीटा प्लीटेड में टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है टर्शरी जो अभी पढ़ाए थे ना ग्लोबुलर और फाइबरस मतलब जब आपकी बीटा प्लीटेड शीट्स भी है ना थ्री डी में अरेंज होने की कोशिश करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स कि ओवरऑल प्रोटीन किस तरीके से फोल्ड हो रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरीके से फोल्ड हो रही है वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका ग्लोबुलर एक होता है fibrous, और आपको ये बता देती हूँ ये इंपॉर्टेंट है द द मेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड लिंकेजेस वेंडेवल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये चार फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वेंडवॉल है डाइसल्फाइड लिंकेजेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं मतलब तुम आ, अंडे को है ना एग को लो ऐसे तोड़ो और जब वो भैया उस पर वो जो तवा होता है उस पर डालते हैं तो सारा वो कैसे अजीब सा बन जाता है ना या फिर वो उसको क्या बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड एग बोलते हैं मतलब एग की जो भुर्जी बनाते हैं वो क्यों खराब वो ऐसे क्यों बन जाती है आ, एग एकदम अलग कैसे हो गया वो डिनचरेशन हो गया उसकी वजह से सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर सब डिस्टर्ब हो जाता है

रिएक्शन uh, को फास्ट करने में हेल्प करते हैं जैसे माल्टोस को तोड़ने में ग्लूकोस माल्टोस को ग्लूकोस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं उसको माल्टेस कहते हैं ठीक है एंजाइम का एक्शन अब पहले डिटेल में था अब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने की जरूरत है नहीं इतना ज्यादा आता है ये वही है केमिकल काइनेटिक्स में भाई जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए अब उससे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ को आप चूज करोगे फॉर गोइंग फ्रॉम रिएक्टन टू प्रोडक्ट भाई साहब विटामिन वंस अगैन मैं तुम्हें बता देती हूँ सबसे पहले क्योंकि लास्ट के दिन रह गए हैं तो जिसने नहीं अभी तक रटा नहीं रट्टे मारना और अगर किसी की ग्रेस्पिंग पावर या रट्टाफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है वही बच्चे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना अब जैसे तुम्हें पता है विटामिन दो तरीके के होते हैं एक होता है फैट सोल्यूबल एक होता है वाटर सोल्यूबल ठीक है ना वाटर सोल्यूबल जितने भी हम ये विटामिन खाते हैं ना वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे बी ग्रुप वाले विटामिन हो गए सी ग्रुप वाले विटामिन हो गए ये सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ठीक है वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट आपको रेगुलरली खाने चाहिए अदरवाइज ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व आपकी बॉडी में कुछ टाइम है ना स्टोर किया जा सकता है फिर जब विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशियंसी होती है तुम्हें इस बारे में ज्यादा पता है बाहर से विटामिन बी ट्वेल्व तुम्हें थोड़ा और है ना कैप्सूल की फॉर्म में दिया जाता है अब फैट सोल्यूबल विटामिन <laughs> कितनी ही पुरानी मतलब घटिया ट्रिक हो गई ए डी ई के e, विटामिन ए विटामिन डी ई e, के है ना अडका एडका कुछ मर्जी बोल दो ए डी ई के ये क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन कतई पुरानी ट्रिक होगी आजकल कोई नहीं पूछ मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सही है ये वही कर सकता है जिसको मैं तुम्हें बताती हूँ पेपर में ना मतलब तुम रट ज्यादा रट के जाओगे तो ठीक है ये सारा हो जाएगा देखो पेपर में सवाल पूछा गया था विटामिन बी वन का नाम क्या है तो थायमिन था पेपर में सवाल पूछा गया आ, ये जो पाइरो ये विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है कन्वर्जन वो जो झटके नहीं आते दैट दैट थिंग हैपेंस एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछा गया था विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है ये जो मसूड़े होते हैं ना गम्स होते हैं इनके अंदर से खून आने लग जाता है तो पहली बात तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि विटामिन कौन कौन से हैं उनके नाम क्या क्या हैं और उनसे क्या डेफिशिएंसी होती है ये पता होना चाहिए पूछे जाते हैं अब जिन्होंने पढ़ रखा उनको है उनको इजी हो जाता है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ रखा उनके लिए घातक सिचुएशन हो जाती है लास्ट हमारे पास बचा है न्यूक्लिक एसिड आई थिंक सब बच्चे जानते हैं वो हेरिडिटी वाले मटीरियल डीएनए और आरएनए होता है डीएनए में डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आर में जो शुगर होती है दैट इज राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला ठीक है तो ये देखो डीएनए में जो शुगर है वो है बीटा डी राइबोस आरएनए में जो शुगर है वो है बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज दिस इज योर राइबोस शुगर ओ एच 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 सी एच टू ओ एच ये राइबो शुगर है अगर आपने इसके सेकेंड पोजिशन के ओ OH एच को हटा दिया दैट इज नोन एज बीटा डी टू डी राइबो शुगर ये भी सबको पता है अब डी एन ए में चार बेसिस पाए जाते हैं एडेनिन साइटोसिन थामिन और आर एन ए में चार बेसिस पाए जाते हैं एडिन इन गॉन इन साइटोसिन और यूरोसिन अब क्योंकि मैं दोबारा बोल रही हूँ मैंने ये सारी चीजें तुम्हें पहले भी पढ़ाई है बट मैं दोबारा तुम्हें बोलना चाहूंगी लास्ट मोमेंट पर रट्टे नहीं मार सकते हो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट दीज थिंग्स पेपर में अगर तुम लकी हो तो इनके स्ट्रक्चर्स नहीं पूछता बट इफ यू हैव नॉट स्टडीड ठीक है और ये पेपर में आ गया देन फिर वो अनलकी वाली बात आ जाती है तो यस यू नीड टू नो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन यूरसिल के स्ट्रक्चर्स ये आने चाहिए अभी नहीं आते हैं तो अभी मत रट के जाना वेट फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट तब सिखाऊंगी अभी मतलब तीन दिन पहले मैं नहीं कहूंगी रट्टा मारो क्योंकि इन चीजों को रट्टा मारने में तीन चार घंटे बर्बाद करोगे इससे अच्छा है ऐसा ऐसा चैप्टर चैप्टर फिजिक्स का का उठा उठा लो या का उठा लो या केमिस्ट्री एक जो आसान ये रट्टे मारने लास्ट मोमेंट पे शोभा नहीं देते हैं और हाँ अगले अटेम्प्ट के लिए मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर चीज कराऊंगी और पहले ही कराऊंगी ताकि तुम्हारे पास एनफ टाइम हो चीजों को रिटेन करने का न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में के बारे में बात करूं तो ये देखो ये जो हमारी शुगर है इसके नंबरिंग हम डैश से करते हैं वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश ठीक है अब जो फाइव डैश है उस पर डाइएस्टर लिंकेज बनता है ये फॉस्फोरिक एसिड है डाइएस्टर एक यहाँ से एक और फॉस्फोर डाइएस्टर लिंकेज बनेगा फाइव डैश पोजिशन पे दिख गया सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड ध्यान से देखना न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि शुगर के ऊपर बेस लगा दिया वन डैश पोजिशन पे बेस लगा दो दैट इज न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का मतलब है

ये जो पार्ट है ये वन डैश टू डैश थ्री डैश थ्री डैश के साथ कंबाइन करता है वो थ्री डैश के साथ कंबाइन करेगा इसके फाइव डैश का फॉसफेट ऊपर वाले के थ्री डैश के साथ कंबाइन करेगा अब फॉस्फोरस एक ऊपर से बॉन्ड बना रहा है एक नीचे से बॉन्ड बना रहा है इसको बोलते हैं फॉस्फोर डाइ लिंकेज सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ योर डाई न्यूक्लियोसाइड मतलब दो न्यूक्लियोटाइड कैसे आपस में ज्वाइन हुए एक न्यूक्लियोटाइड था एक और न्यूक्लियोटाइड था कैसे आपने ज्वाइन किया डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया तो देखो शुगर के ऊपर बेस है फिर फॉस्फेट शुगर के ऊपर बेस फिर फॉस्फेट और शुगर और शुगर को फॉस्फेट से ज्वाइन कर दिया फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज फिर इस तरीके से ये आपस में कॉयल हो जाते हैं एंड uh, आपको पता होना चाहिए ए टी जी सी ये जो कोडिंग है दैट इज ए टी जी सी एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन साइटोसिन के के साथ साथ बनाता है है पर ट्रिपल ट्रिपल ये बॉन्ड नहीं दीज आर हाइड्रोजन पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं सो so, ये था आपका पूरा का पूरा डीएनए एंड आरएनए। अब हार्मोन्स आपको पता ही है हार्मोन्स क्या हैं बॉडी में इनका क्यों नेसेसरी है इनका होना क्योंकि ये फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं हार्मोनल इम्बेलेंस होता है तो आपको पता है बहुत सारी दिक्कतें आती है एक लास्ट चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी ठीक है मैम यू आर डूइंग मोर हार्ड वर्क देन अस यार जिस दिन तुम्हें बस ये लगे ना कि टीचर ज़्यादा काम कर रहा है तुम कम काम कर रहे हो उस दिन ना रात को सोना नहीं चाहिए और मेहनत करनी चाहिए मतलब ये तो फैक्ट है मतलब ये तो लिटरली एक फैक्ट है टीचर हार्ड वर्क करता है बच्चे के लिए क्योंकि अगर टीचर हार्ड वर्क नहीं करेगा बच्चे का कभी भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है मगर अगर बच्चे का हार्ड वर्क टीचर से कम है ना तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर हो तो याद रखना चाहे ये चीज तुम्हें लेटर ऑन रियलाइज हो रही है मतलब नाउ इट इज टू लेट कि अगर ये चीज रियलाइज हो रही है काश हमने और हार्डवर्क कर लिया बट नेवर माइंड मेरा ये मानना है कि ये नहीं सोचना अगली बार बेटर करूंगा पहले तो ये सोचना है कि जो एग्जाम मेरे सर पे आ गया ना भाई सब इसको फोड़ूंगा ये मेरे को फोड़े इससे अच्छा मैं इसको फोड़ूंगा तुम्हें जितना आता है क्या हो गया लेटर से तुमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े उन्नीस चैप्टर पढ़े उन्नीस में से एक नहीं आया तो इसका मतलब मैं डरूंगी थोड़ी ना मैं डरूंगी थोड़ी ना एक सवाल नहीं बनेगा ना बाकी तो बनाने की हिम्मत रखो छोड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है छोड़ सकते हो चैप्टर ऐसा नहीं है कि सब कुछ करके जाना है कि जो बच्चा हंड्रेड परसेंट सिलेबस करके जाएगा उसका सिलेक्शन होगा कहाँ लिखा है मैं तुम्हें खुद कहती हूँ मैं सेम टीचर हूँ जो आज से मान लो एग्जाम को दो महीने तीन महीने है ना मैं कहूंगी सबसे पहला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स करो क्योंकि नंबर फ्री के मिलते हैं

तो इसको भी पूरा डिटेल में लास्ट वन शॉट में भी करा दूंगी समय अभी नहीं है इस चीज के लिए तो हम नहीं करेंगे ठीक है सो हियर आई वाइंड अप माय सेशन ऑन कंप्लीट मतलब कंप्लीट रिवीजन हमने जो है कर ली है हमारे केमिस्ट्री की चाहे उसमें कक्षा ग्यारहवीं का मटेरियल हो या कक्षा बारहवीं का मटेरियल हो मतलब मैंने अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट कोशिश करी कि है ना बिना रुके बिना थके बिना डरे तुम्हें मैं पूरा का पूरा रिवाइज करा दूं एंड आई थिंक जिन भी बच्चों ने ठीक है इसको पूरा फॉलो किया है यू गाइज हैव डन अ ग्रेट जॉब इट वॉज नॉट ईजी इट वॉज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरी वन तुमने खुद भी देखा बहुत सारे बच्चे शुरू में बहुत जोश में होते हैं बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक कॉन्फिडेंस अंदर से फेड अवे हो जाता है उसको लगता है मतलब कोई भी बच्चा उसको लगता है यार, ये तो, देखो मैं ये नहीं कहती कि ये करके जाओगे तो तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी मैं लेती हूँ नहीं लेती मैं मेरे को क्या पता पेपर में क्या आएगा आई डोंट नो मगर इतना कहती हूँ कि मेरे अपने इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस है ना ये निकल के आता है मेरे साथ कि जितना आज कराया ना इसमें से मैक्सिमम सवाल पेपर में आएंगे मैक्सिमम पेपर में जो मैक्सिमम सवाल होते हैं ना वो आएंगे इसमें से तो तुम्हें एक्स्ट्रा करना है तुम डेफिनेटली करो बट दिस इज बेयर मिनिमम जो तुम्हें डेफिनेटली करके जाना है सो आई रेस्ट माय केस ओवर टू यू आज कोई सरप्राइज नहीं है ठीक है बस सरप्राइज ये कि मैम का तबीयत बिल्कुल खराब हो चुका है पहले ही खराब था बट मतलब ये होता है कि वन शॉट के बाद नहीं हो पाता आगे ठीक है तो मेरा गला बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है बट अब मुझे अगर लॉट्स ऑफ और ए वेरी गुड तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा डेफिनेटली सेशन को लाइक कर दो ठीक है अपने सर मैम के सपोर्ट के लिए तुम खड़े हो बाकी और किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं है सो यू गाइज आर देर ठीक है और जब तक तुम साथ हो तब तक भाई साहब कुछ भी हो जाए हम मचा देंगे ठीक है ना कुछ भी हो जाए हम मचा देंगे जब तक तुम साथ हो एंड सेम चीज़ मैं तुम्हें भी बोलूंगी डरा मत करो जब तक हम तुम्हारे साथ है ना तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मतलब कोई भी पेपर क्यों ना हो ठीक है कोई भी पेपर क्यों ना हो कोई ये अकेला एग्जाम थोड़ी ना दोगे आगे भी तो एग्जाम दोगे कोई दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जब तक तुम्हारे टीचर्स साथ हैं और जब तक तुम्हें अपने टीचर्स पे विश्वास और भरोसा है ना भाई साहब सब एग्जाम तुम फोड़ दोगे बस एक कॉन्फिडेंस रखा करो और अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो याद रखना मेहनत कम थी मेहनत करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा सो so, मेहनत इज द की टू सक्सेस और कुछ नहीं दुनिया में चलता है ना फर्जी वाला तो बिल्कुल नहीं चलता तुम चीटिंग कर लो एग्जाम में क्या ही हो जाएगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा ठीक है ना चीटिंग करके गलत इंजीनियर बन जाओ बिल्डिंग गिर जाए है ना गलत डॉक्टर बन जाओ किसी को मार दो तो उस दिन जो पाप चढ़ता है वो अलग ही होता है तो चीटिंग मीटिंग से कुछ नहीं होता दिल से करो और शिद्दत से करो मेहनत से करो सब कुछ अच्छा हो जाएगा भगवान जी सब कुछ सही कर देते हैं राइट चलिए सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे सेशन नाउ आई बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन मगर मुझे चैट्स में है ना कॉमेंट्स में एक बार बता देना वॉट एल्स यू वॉन्ट मी टू टेक बिफोर योर एग्जाम कुछ चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो मुझे बता देना रही बात बायो मॉलिक्यूल्स की रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट रियजन्स की ऐसे सेशंस रही बात यूजेस की बच्चे बोल रहे थे यूजेस करा दो तो यूजेस का सेशन भी ऑलरेडी आपके चैनल पे है एक बार सर्च क्या करो टॉपिक हमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया इस चैनल पर सेशन का नाम सर्च करो और साक्षी वोरा लिखो पूरा का पूरा आ जाएगा तुम्हारे पास ठीक है एंड आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद सम डूज एंड डोंट्स बिफोर योर एग्जाम कि क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम से पहले सो आई हैव रिटन सो मेनी पॉइंट्स एंड आई विल शेयर विद यू ऑल दोज पॉइंट्स ठीक है शॉर्ट में मैं सारी चीजें आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगी ठीक है चलिए सो थैंक यू सो मच नाउ आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड एक और चीज अब क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है एंड नॉट ऑल ऑफ यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर श्योर है ना मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ मतलब तुम्हें बुरा लगे या जो भी है बट ये सच्चाई है हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता जिस बच्चे ने मेहनत करी है जो डिजर्विंग है वो इस भीड़ से आगे निकल जाएगा अगर किसी वजह से कुछ भी कमी रह गई थी मेहनत में तो निराश नहीं होना दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्जाम विच यू आर गोइंग टू राइट आपके पास और अटेम्प्ट अभी अपने अटेम्प्ट को पूरा कॉन्फिडेंस में देकर आओ विदाउट थिंकिंग कि यू हैव अनदर प्लान प्लान बी के बारे में नहीं सोचना दिस इज योर प्लान ए जस्ट मान लो कि आपके पास आगे कोई अटेम्प्ट है ही नहीं यू डोंट हैव एनी इसी पे फोकस करो ठीक है बस एकदम मचा दो और अगर फिर भी ठीक है जिन बच्चों को रेट लेट रियलाइज हुआ है काश पहले किया होता अगले में मचा देंगे तो यू आर टीचर्स आर विद यू घबराओ मत इस बार भी मचवाएंगे तुम्हारे अगले में भी, भी मचवाएंगे ठीक है चलो थैंक यू सो मच अगले सेशन में मिलेंगे टेक केयर बाय बाय